हाँ जी दोस्तों वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू कैसे आप सारे साहिल जी प्रियंका जी ऋत श्री आयुष युवराज कुंज पारिक प्रियांशु कौशल अंगुष्मान मान मेनर जी युवराज पार्थ अभिजीत किड्स प्ले रुचिता राठी शुभम गोयल आयुष शर्मा तनिष्का गुप्ता सतीश पवन आर्यन अथर्व शुभम गोयल सबको बहुत 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 वेरी गुड आफ्टरनून कुछ गुड इवनिंग कह रहे मेरे हिसाब से पांच बजे के बाद गुड इवनिंग होता है पांच बजे तो जो आपको लगे गुड इवनिंग लगे गुड आफ्टरनून लगे वेरी गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी एक जने कह रहा है गुड नाइट सर सेशन बंद कर दे घर चले जाए सारे अपन यस वेरी गुड आफ्टरनून वेरी 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 गुड आफ्टरनून चलिए दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कल हमने द इंडियन कॉन्ट्रैक्टीन बहुत युद्ध स्तर पर खत्म करके लिया बहुत सारे स्टूडेंट का कल के चैट में पूछना था सर एमसीक्यू 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 किधर है जबकि मैंने क्लास स्टार्ट के पहले ही बताया कि एमसीक्यू वाला हमारा जो सेशन रहेगा वो लास्ट सेशन रहेगा तो आज वापस से मैं आपको स्केड्यूल से वापस कराना वाकिफ कराना चाहता हूँ हमने राजा ये कर लिया है जो 23 तारीख का हमारा प्लान था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा कर लिया आज हमारा जो प्लान है आज हमारा जो प्लान है वो है सेक्शन वन से लेके वन ट्वेंटी टू जो कॉर्पोरेट लॉ का है इसके बाद हमारा चलेगा कल डायरेक्टर डायरेक्टर के बाद चलेगा इंडस्ट्रियल लॉ और उसके बाद हमारा होगा एमसीक्यू सेशन मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि इसके अलावा आप कहेंगे कि सर कमर्शियल लॉ के बहुत सारे हमारे टॉपिक है तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ तो मैंने आपको बताया था कि मेरे सीए फाउंडेशन के मैराथन शुरू हो रहे आपके मैराथन के बाद तो वो सारे मैराथन मैंने पे किए सेम है आपके में आप इसको देख सकते हो आपको लगता है कि नहीं मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है तो रेडिली अवेलेबल रिकॉर्डेड रिविजन वीडियो यहाँ पे मैंने डाल के रखे लिंक में क्लिक करते ही आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे तो मेरे प्यारे भाई और बहनों ये सारे नोट्स स्केड्यूल आपको सीएमए इंटर लॉ मैराथन कम्युनिटी में मिलेंगे मैंने जिस वीडियो में मैराथन के संबंध में अनाउंसमेंट किया है आप वीडियो सेक्शन में जाके उसको देख सकते हो वहां पे आपको सारे लिंक सारे नोट्स वहां पे बखूबी मिल जाएंगे मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं कि कौन सी वीडियो के अंदर आपको सारी चीज मिलेगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट न्यू ज्वाइन होते हैं तो उनको ये बातें पता नहीं होती है तो मेरे प्यारे भाई और बहनों ध्यान दीजिएगा यहां पे जैसे ही मैं अपने चैनल पे आता हूं और वीडियोस वाले सेक्शन में जाता हूं तो देखो यहां पे मैंने सीएमए इंटर लॉ दिसंबर 23 मैराथन एंड एमसीक्यू वहां पे मेरे सारी चीज समझाई हुई है कि आपको कहां से नोट्स मिलेंगे क्या स्केड्यूल रहेगा अपन क्या करने वाले हैं आप कम्युनिटी को कैसे ज्वाइन कर सकते हो नोट्स कैसे ले सकते हो अपडेट्स कैसे ले सकते हो सारी चीज बताई हुई है उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल एप्लीकेशन का क्या मिलेगा लिंक मिलेगा तो ये देखिए यहां पे जैसे ही आप जाएंगे तो सारी लिंक वहां पे आपको बाजू में मिल जाएगी तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज शुरू करते हैं कॉर्पोरेट लॉ सेक्शन वन से लेके वन ट्वेंटी टू तक आपका पार्ट ए रहेगा पार्ट ए का मतलब आपका जो कॉर्पोरेट लॉ है वो दो हिस्सों पे बटा हुआ है चाहे ओल्ड सिलेबस हो चाहे न्यू सिलेबस हो पार्ट ए के अंदर आपको के कुल सात चैप्टर जिसमें सेक्शन वन से लेके सेक्शन वन ट्वेंटी टू कवर होता है और यह चेप, सात चैप्टर का कवरेज करता है सात चैप्टर आपके मॉड्यूल का नहीं कंपनीज एक्ट 2013 का सात चैप्टर कवर करता है आपके मॉड्यूल में इन्हीं चीजों को टॉपिक वाइज दिया हुआ है बट एक्चुअल में सात चैप्टर कवर करता है पार्ट बी में आपका डायरेक्टर चलेगा डायरेक्टर में न्यू सिलेबस वालों को कुछ एडिशनल सेक्शन भी एड किए गए हैं वो एडिशनल सेक्शन सिर्फ न्यू सिलेबस के लिए रहेंगे कल पहले कॉमन टॉपिक करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे बरोबर है रही बात इंडस्ट्रियल लॉ की नोट्स की तो राजा मैं बताना चाहता हूं जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कल मैं अपडेट कर दूंगा बट मुझे कोई दूसरे काम आ गए थे आज मैं इंडस्ट्रियल लॉ के नोट्स भी आपके अपडेट कर दूंगा जो चार्ट फॉर्मेट में है मेरे ख्याल से आप सबने वो नोट्स को देख ही लिया होगा ठीक है सफरीन शेख कह रही है सर द वे यू टीच इट्स रियली इनक्रेडिबल योर एफर्ट्स आर रियली योर लेक्चर आर वेरी हेल्पफुल शुक्रिया 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 ऐसे प्यार बनाए रखे अपना चलिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों अगर आपकी इजाजत हो तो आज के सेशन का आरंभ किया जाए ऑन एवरीबॉडी आज के सेशन को शुरू कर दे आप एक बार इजाजत दीजिए अंगार मचा देंगे पूरा अंगार अंगार मचा देंगे जी शुक्रिया एवरीबॉडी अंगार मचा देंगे ठीक है वेदिश कोले कह रहे हैं सर इंडस्ट्रियल लॉ स्किप करके जा सकते हैं क्या राजा कैसी बात कर रहे बेटा इंडस्ट्रियल लॉ छोड़ के कैसे जा सकता है तू चाहे को, चाहे न्यू सिलेबस सिलेबस ओल्ड कैसे छोड़ सकता है कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम में बेटा अपन तू मेरे को बोलेगा कमर्शियल लॉ का भी मैं सोगा पार्टनरशिप ये छोड़ के जाओ तो भी मैं मना करूंगा मैं बोलूंगा कुछ तो देख के जा रिविजन चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं दोस्तों दोस्तों शुरुआत कर रहे हैं अपने पहले टॉपिक से चैप्टर वन और चैप्टर टू के सारे क्वेश्चंस मैंने एक जगह यहाँ पे रखे हुए हैं मैं बताना चाहता हूं दोस्तों चैप्टर वन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक दिया रहता है आपको अलग अलग कंपनी के बारे से बताया जाता है सबसे पहले बताया जाता है कि कंपनी लगता किसके ऊपर कंपनी की डेफिनेशन क्या है फॉरेन कंपनी किसको बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट किसको बोलते हैं प्राइवेट कंपनी किसको बोलते हैं पब्लिक किसको बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं ओपीसी किसको बोलते हैं स्मॉल कंपनी किसको बोलते हैं चैप्टर नंबर वन इज ऑल अबाउट बेसिक एक्ट का नाम क्या है वो लगता किसके ऊपर है उसके अंदर कंपनी में बोला तो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल तो होता है फिर टाइप्स ऑफ कंपनी है limited by guarantee है limited by share है लिमिटेड लिमिटेड बाय बाय गारंटी शेयर अनलिमिटेड कंपनी है तो चैप्टर वन के अंदर बेसिक के अलावा टाइप्स ऑफ कंपनी है चैप्टर टू में जैसे आप आते हो राजा तो चैप्टर टू बोलता है एक बार समझ लिया चैप्टर नंबर वन में कि कंपनी क्या होती है प्राइवेट क्या पब्लिक क्या ओपीसी क्या सेक्शन क्या अब आ जाओ चैप्टर टू में मैं आपको बताता हूं कि इनकॉर्पोरेशन कैसे करते हैं और इनकॉर्पोरेशन से संबंधित कुछ मैटर तो चैप्टर वन हमको बेसिक से अवेयर कराता है चैप्टर टू वैसे तो नाम उसका इनकॉर्पोरेशन का है बट उसमें और भी बहुत सारी बातें क्योंकि उस चैप्टर का नाम क्या है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू का मतलब क्या कि भाई इनकॉर्पोरेशन के बारे से तो उस चैप्टर में बात करेंगे ही लेकिन इनकॉर्पोरेशन के संबंध में और भी बहुत सारी बातें हैं जो चैप्टर पे अपन कवर करते हैं तो सर चैप्टर टू में मोटा मोटा क्या कवर होता है चैप्टर टू के अंदर राजा एक तो इनकॉर्पोरेशन कवर होता वन पर्सन कंपनी की सारी बातें वहां पर कवर होती है उसके अलावा अगर आपको आपकी कंपनी के नेम को अल्टर करना है ऑब्जेक्ट को अल्टर करना है रजिस्टर्ड ऑफिस को अल्टर करना है आपकी सब्सिडरी को आपकी कंपनी में शेयर्स लेना है तो क्या प्रावधान रहेंगे कोई डॉक्यूमेंट सर्व करना है कंपनी में तो क्या होगा Uh, किसी किसी कंपनी ने अपने आप को उस नाम से रजिस्टर कर लिया जो ऑलरेडी किसी दूसरी कंपनी का नाम था तो रेक्टिफिकेशन के क्या प्रावधान है तो चैप्टर टू बहुत ज्यादा अपने आप में प्रैक्टिकली uh, और एकेडमिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है तो ये दो चैप्टर पहले वाले ही नोट्स में मैंने इनकॉर्पोरेट किए तो पहला अपना रहेगा टाइप्स ऑफ कंपनी दूसरा रहेगा इनकॉर्पोरेशन और उसके संबंधित मैटर अब आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से राजा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ा रहा हूं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बोलता हूं क्या आपको कंपनी की परिभाषा पूछेगा नहीं क्या आपको प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी पूछेगा नहीं क्या आपको होल्डिंग और सब्सिडरी पूछेगा नहीं बट होल्डिंग सब्सिडरी के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछेगा कंसेप्चुअली तो यहां पे राजा मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक को फोकस किया हुआ हूं जिसका एग्जाम में निन्यानबे परसेंट चांसेस यही आएंगे तो हम जो बेसिक है कंपनी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट को छोड़ते हुए जो मेन फोकस वाली कंपनी है जैसे कि स्मॉल कंपनी हो गई वन पर्सन कंपनी हो गई सेक्शन 8 कंपनी हो गई इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर हो गया अल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज ऑब्जेक्ट क्लॉज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज और सब्सिडियरी अपनी होल्डिंग में शेयर ले सकती है डॉक्यूमेंट सर्व करना है तो क्या होगा वगैरह-वगैरह जो एकदम हॉट टॉपिक है यानी कि जो पढ़ लिया 90% ऑफ़ द क्वेश्चन बनना है हम वहां से शुरुआत कर रहे हैं राजा तो ये थोड़ा सा ब्लू था कि फट। तो स्मॉल कंपनी में ना हाल पे ही अमेंडमेंट आया था बराबर है क्या अब स्मॉल कंपनी है क्या पहले ये समझ लो हम आमतौर पर फटाफट क्या कर लेते हैं स्मॉल कंपनी के लिमिट पढ़ लिया खत्म राजा स्मॉल कंपनी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको लॉ मेकर ने पेड़ अप शेयर कैपिटल और टर्न के बेसिस पे बाइफरकेट किया हुआ है और अगर ऐसी कंपनी जो पेड अप शेयर कैपिटल और टर्न के क्राइटेरिया को पूरा करती है जो सेक्शन टू क्लॉज एट्टी फाइव में बताया हुआ है तो उसको स्मॉल कंपनी बोलेंगे अब सर स्मॉल कंपनी का मतलब क्या है क्यों बनाया गया कंसेप्ट राजा स्मॉल कंपनी जो होती है इसको साल पे सिर्फ दो बोर्ड मीटिंग करनी होती है बाकी को चार बोर्ड मीटिंग करनी होती है स्मॉल कंपनी का एनुअल रिटर्न छोटा होता है बाकी कंपनी का नॉर्मल एनुअल रिटर्न होता है स्मॉल कंपनी को बहुत सारे प्रोविजन से रिलैक्सेशन है जैसे उसका एनुअल रिटर्न उस कंपनी का डायरेक्टर ही साइन कर सकता है लेकिन बाकी कंपनी के एनुअल रिटर्न को साइन करवाना है कंपनी सेक्रेटरी से कंपनी सेक्रेटरी नहीं तो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से करवाना है स्मॉल कंपनी को पेनाल्टीज भी कम है क्योंकि स्मॉल कंपनी के ऊपर बहुत सारे सेक्शन ही नहीं लगते हैं स्मॉल तो कंपनी का मतलब राजा जो छोटा प्रॉफिट कमा रही है जो छोटा टर्न कर रही है अगर उस कंपनी के ऊपर तुम इतने सारे कंप्लायंस करोगे तो उसका कंप्लायंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसलिए बहुत सारी रियायत बहुत सारे रिलैक्सेशन उस स्मॉल कंपनी को दिए गए हैं जो मैंने अभी आपको बताए और अब अपन पढ़ते हैं कि स्मॉल कंपनी बोलते किस को है उसकी करंट लिमिट क्या है उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं अब देखो स्मॉल कंपनी एक डेफिनेशन है बनेगा क्वेश्चन तो शॉर्ट नोट्स में ही बनेगा पहला दूसरा अगर क्वेश्चन बनेगा तो एमसीक्यू में बनेगा और वो भी एमसीक्यू में किसमें बनेगा लिमिट्स के अंदर बनेगा बराबर है क्या तो तो मैं आपको बताता हूं स्मॉल कंपनी क्या है राजा बोलता है स्मॉल कंपनी 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 अ जो कि कि पब्लिक नहीं होगी यानी बड़ी क्लियर बात है स्मॉल एक प्राइवेट कंपनी हो सकती है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है चार करोड़ को एक्सीड नहीं करना चाहिए अब कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस चार करोड़ के पेड अप शेयर कैपिटल को बढ़ा भी सकती है लेकिन अगर मैक्सिमम बढ़ाएगी तो दस करोड़ से ज्यादा नहीं बढ़ाएगी बीच में क्या लिखा हुआ है राजा एंड लिखा हुआ मतलब है एंड इमीजिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 40 करोड़ रुपए तक हो या उससे कम हो तो चलेगा कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट इस 40 करोड़ की लिमिट को भी बढ़ा सकती है और बढ़ा के कितना कर सकती है हद से हद हंड्रेड करोड़ कर सकती है तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा के लू जस्ट मोमेंट यार हो कि अगर स्मॉल कंपनी क्या है तो बात को बिल्कुल ध्यान से समझना सबसे पहले स्मॉल कंपनी स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी होगी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल पेड़ अप शेयर कैपिटल कितना होगा चार करोड़ रुपए तक का होगा इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए ये नॉट एक्सीडिंग है राजा क्या है नॉट एक्सीडिंग चार करोड़ तक रहा चलेगा

टर्नओवर देखेंगे अपन पिछले साल का जो कि 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो पॉइंट टू बी नोटेड एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ स्मॉल कंपनी कौन हो सकती है तो प्राइवेट कंपनी हो सकती है ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग चार करोड़ बीच में एंड लिखा है एंड मतलब सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल वाली कंडीशन पूरी नहीं करनी है साथ में टर्नओवर वो भी पिछले साल का देखना जो कि क्या है नॉट एक्सीडिंग कितना चालीस करोड़ अब मेरी बात को ध्यान से सुनना राजा क्या बोलता है ये तो तुमने समझ लिया पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नवर वाला इसका एक प्रोविजो है प्रोविजो का मतलब ये कहता है सेक्शन क्लॉज तीन तीन कंपनी कंपनी में में नहीं लगेगा कौन सी तीन में? एक तो होल्डिंग सब्सिडरी में एक सेक्शन एट कंपनी में और एक ऐसी कंपनी जिसके लिए स्पेशल एक्ट पास हुआ हुआ है पार्लियामेंट में अब बात को ध्यान से समझना होल्डिंग सब्सिडरी को क्यों अलग किया तुम खुद सोचो राजा अगर कोई ऐसी कंपनी है जिस पे मोर देन 50 परसेंट वोटिंग पावर किसी और कंपनी का है तो डेफिनेटली एक ऐसा इंप्रेशन आता है कि जो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल डेफिनेटली वो वो एक बड़ी कंपनी कंपनी तु, है जिसका मोर देन 50 तुम्हारे में रखा हुआ है यानी कि देयर इज सम बिग कंपनी विच इज होल्डिंग यू बरोबर है क्या तो फिर जब बड़ी कंपनी आपको होल्ड करके रखी तो आप कैसे स्मॉल कंपनी के लाओगे बरोबर है क्या और अगर आप सब्सिडरी हो किसकी सब्सिडरी बड़ी कंपनी की

रिलीजन को प्रमोट करना स्पोर्ट्स को प्रमोट करना कॉमर्स को प्रमोट करना यानी कि उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाने का नहीं है इसलिए सेक्शन एट कंपनी को भी क्या किया इससे बाहर किया और एक अपनी कौन सी कंपनी है स्पेशल एक्ट वाली स्पेशल एक्ट का मतलब जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो गया इसके लिए अलग से एक्ट पास हुआ हुआ है तो भैया जिसके लिए लॉ मेकर पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अलग से एक्ट पास कर रहे हैं उसके बाद अगर कंपनी आ रही है ऐसी कंपनी को तुम कैसे स्मॉल कंपनी बोल सकते हो तो ये तीन कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से बाहर है गजब तरीका का एनालिसिस आपको मैं देता हूं ध्यान से समझना सबसे पहले स्मॉल कंपनी चाहिए हाँ जी स्मॉल कंपनी चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या होना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी होना पड़ेगा ठीक है सर प्राइवेट कंपनी होने के साथ साथ आपका पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग कितना चार करोड़ ठीक है सर आपका साथ साथ में एंड कर लू अगर मैं टर्न कितना हो जाएगा नॉट एक्सीडिंग क्या नहीं होना चाहिए माइनस कर रहा हूं सेक्शन एट कंपनी आप होना नहीं चाहिए आप होल्डिंग सब्सिडी नहीं होना चाहिए आप स्पेशल एक्ट वाली कंपनी नहीं होना चाहिए इज इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल कंपनी बहुत बढ़िया सर समझ में आ गया जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ये था राजा स्मॉल कंपनी का अब चाहे एमसी क्यू आए अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है चाहे शॉर्ट नोट्स आए आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें बन जाएगी कि सर प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए पेडअप शेयर टर्न टर्नओवर को कंप्लाई करेगी ठीक है सेक्शन एट कंपनी नहीं चाहिए होल्डिंग सब्सिडरी नहीं चाहिए और साथ में स्पेशल एक्ट वाली कंपनी होनी नहीं चाहिए बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया ठीक है स्टडी मटेरियल में ट्वेंटी करोड़ दिया है बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ ना राजा मेरे ऊपर थोड़ा सा विश्वास करना बेटा नोट्स इतनी मेहनत से बनाया हूं। अगर स्टडी मटेरियल में बीस करोड़ दिया राजा स्टडी मटेरियल पुराना हो गया होगा ना राजा रिसेंट अमेंडमेंट है बोला हूं ना मैं क्यों क्यों मेरा तुम गला काट के रख दू तेरे पास तुम तो आने का तु। आगे बढ़ता हूँ फटाफट सुनना अब राजा एक कंसेप्ट आता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का बरोबर है क्या लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट क्या है समझ के लीजिएगा सबसे पहले तो आप कॉर्पोरेट वेल को समझो उसके बाद लिफ्टिंग को समझना कॉर्पोरेट वेल ये जो वेल है ना एक 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 legal fiction, लीगल फिक्शन है लीगल है कि भाई आपने रिलायंस जियो का सिम चला रहे हो रिलायंस जियो का सिम चला रहे हो क्या आपने रिलायंस जियो कंपनी को कभी देखा हाँ उसके डायरेक्टर को आपने जरूर देखा है अंबानी जी के लड़के को उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को जरूर देखा होगा उनके सिम को जरूर देखा होगा उनके ऑफिस को जरूर देखा होगा बट एक्चुअल में जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब कंपनी को कानून की नजर में पर्सन तो माना जा रहा है लेकिन कैसा पर्सन लीगल पर्सन नहीं है ठीक है कंपनी की लाइबिलिटी भी लिमिटेड है लेकिन कंपनी को चलाने वाले कौन है बोले चलाने वाले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है क्योंकि पैसा लगाता है शेयर होल्डर शेयर होल्डर पैसा लगा के अपने घर में बैठ जाता है उसको चलाने वाला कौन है डायरेक्टर तो भाई एक ऐसी आर्टिफिशियल पर्सन जिसको पीछे चाबी लगाने वाला कोई डायरेक्टर है अगर वो कंपनी की आड़ में कुछ अनलॉफुल या इन एक्टिविटीज करता है तो भाई हम कंपनी को कैसे पकड़ेंगे क्योंकि कंपनी का कोई अस्तित्व है नहीं बराबर है क्या तो हम कैसे कॉलर पकड़ेंगे किसका कॉलर पकड़ेंगे तो बोले वही कॉलर पकड़ने के लिए हम आपके लिए कंसेप्ट लेके आ रहे हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का वो क्या कहता है हम मानते हैं कि कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका कोई कॉलर नहीं है उसकी लाइबिलिटी उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी है लिमिटेड लाइबिलिटी है बरोबर तो मेंबर को भी नहीं पकड़ सकते लेकिन जो पीछे चाबी लगाने वाला है अगर वो अनलॉफुल एक्टिविटी करता है तो हम क्या करेंगे हम मान लेंगे कि कंपनी की जो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट है ना जो वो ये बोलता है कि भाई जो कंपनी है वो अलग है और उसके मेंबर्स हैं जो अलग हैं कंपनी के अपना खुद का आइडेंटिटी है इस वाले कंसेप्ट को हम नजरअंदाज कर देंगे एक पर्दा है बीच में जिसको वेल बोल रहे कॉर्पोरेट वेल और पर्दा दिखाई नहीं देता लीगल फिक्शन है लीगल फिक्शन यानी कि आपको महसूस करना है कि हाँ यार मेंबर और कंपनी के बीच में कुछ तो है ऐसे वहम पाल के रहना है में, वहम में रहना है लॉ मेकर कहता है इसी वहम को हम दूर कर देंगे हम उस कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देंगे जैसे ही कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किए तो कंपनी और कंपनी को चलाने वाले व्यक्ति में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा दोनों को एक मानेंगे और दोनों को एक मानेंगे तो डायरेक्टर का कॉलर पकड़ेंगे कि क्यों भे गलत गलत हरकत कर रहा है कंपनी के आड़ में अब सवाल ये आता है सर वॉट आर दो गलत हरकतें? वॉट आर द फॉलोइंग गलत हरकतें? जिसके बेसिस में कॉर्पोरेट वेल वाला कंसेप्ट को लिफ्ट कर दिया जाएगा यानी कि डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा तो अब बात को सुनना यहां पे कुछ जजमेंट्स के द्वारा कुछ डिसीजन दिया हुआ है जहां पे कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देते हैं मैं रिपीट करना चाहता हूं यारो ये जो कॉर्पोरेट वेल वाला कंसेप्ट है ये आठ से दस मार्क्स का पूछ सकता है मैंने कल की क्लास में भी आपको ये बात बोला था कि जहां पे ज्यादा टेक्स्ट आएगा ना लेंदी टेक्स्ट आता है वहां पर दस दस मार्क्स और आठ आठ मार्क्स के क्वेश्चन देते हैं कोई बड़ी बात नहीं आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस इन विच द कॉर्पोरेट विल मे बी लिफ्टेड करके बरोबर है आओ समझ के लेते हैं तो सबसे पहले राजा अपने पास क्वेश्चन आता है अपने पास सिचुएशन आती है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू मैं केस लॉ के नाम लूंगा वो केस लॉ के नाम आपको याद नहीं रखने बस बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू का मतलब क्या है कि अगर कोई टैक्स को चोरी करने की कोशिश करेगा कंपनी की आड़ में उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू इस केस का नाम है दिनशा मानिक जी पेटेड भाई साहब क्या किए भाई साहब अलग अलग कंपनी के शेयर पे इन्वेस्ट किए अलग अलग कंपनी के शेयर और डिबेंचर में इन्वेस्ट करने के बाद उनके पास आई बहुत सारी डिविडेंड इनकम और बहुत सारी आई इंटरेस्ट इनकम उनको इस पे टैक्स नहीं पे करना था तो भाई साहब ने क्या किया चार अलग कंपनी बनाई चार प्राइवेट कंपनी बनाई और चारों कंपनी में इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किया सपोज करिए कि उसकी इनकम दस लाख की थी ढाई लाख ढाई लाख ढाई लाख ढाई लाख करके चारों कंपनी में इन्वेस्ट किया एज अ कैपिटल और उन्हीं कंपनी के ऑन पेपर्स में दिखाया कि ये सारी कंपनी ये जो चारों प्राइवेट कंपनी है ये मुझे लोन दे रही है बराबर है क्या तो भाई साहब आपने जानबूझ के ऑन पेपर कंपनी बनाई ऑन पेपर आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिखाया और वही कैपिटल को रूट करके प्रिटेंडेड लोन दिखाया प्रिटेंडेड लोन यानी कि दिखावे का लोन अरे भाई साहब वो जो आप लोन लिए हो वो तो आप पे भी नहीं करने वाले क्यों पे नहीं करोगे कंपनी चलाने वाले आप हो अब कंपनी की बस आपने आर ली उसमें जानबूझ के कैपिटल इन्वेस्ट किया ताकि आप ये दिखाओ कि वो मेरी इनकम नहीं है और इनकम को आपने कन्वर्ट कर दिया किस पे लोन पे अब लोन पे तो भाई आपको टैक्स लगेगा नहीं क्योंकि वो आपकी इनकम नहीं है तो अगर आप ऐसे कंपनी की आड़ में टैक्स को चोरी करने की कोशिश करोगे आप अपने रेवेन्यू को मतलब सरकार के रेवेन्यू को चोरी करने की कोशिश करोगे लॉ मेकर आपकी चारों कंपनी के वेल को उठाएगा और आपको पकड़ेगा कॉलर पकड़ के और आपसे पूरा का पूरा टैक्स पे करवाएगा तो देखो लिखा हुआ है कोर्ट इग्नोर कर देगा सेपरेट लीगल एंटिटी को क्योंकि क्योंकि स्टेटस ऑफ कंपनी वेयर इट इज यूज्ड फॉर टैक्स इन्वेजन बचाना चाह रहे हो अपना टैक्स बराबर है क्या ठीक है दूसरा बोल रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी इसमें केस लो आता है बेटा वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर कंपनी फैक्ट्स क्या है किसके ध्यान से समझना एक कंपनी थी राजा कौन सी डैमलर करके जो टायर बेचती थी एक और कंपनी थी कॉन्टिनेंटल टायर्स करके जो टायर्स बनाती थी दोनों ही कंपनी यूके के अंदर थी कॉन्टिनेंटल टायर्स बनाती थी और डैम्लर को बेचती थी अब फर्क इतना था थे तो दोनों यूके बेस्ड कंपनी ही लेकिन जो कॉन्टिनेंटल टायर वाली कंपनी थी उसके सारे के सारे डायरेक्टर बैठे थे जर्मनी में यानी कि कंपनी सिर्फ काम कर रही थी यूके में लेकिन पीछे चाबी लगाने वाले जो लोग थे वो जर्मनी में बैठे थे क्योंकि सारे डायरेक्टर जर्मनी में थे अब हुआ क्या यूके और जर्मनी के बीच में वर्ल्ड वॉर हुआ और वर्ल्ड वॉर जैसे ही हुआ कॉन्टिनेंटल टायर्स ने क्या किया जिसके सारे डायरेक्टर जर्मनी के थे तुरंत अपने पैसे क्लेम करने लग गए डैमलर से कि भाई मुझे पैसे दे क्यों कॉन्टिनेंटल टायर्स को चिंता बराबर थी कि अगर इसको पता चल गया कि सारे डायरेक्टर जर्मनी के और जर्मनी के साथ वर्ल्ड वॉर है तो डैमलर पैसे देने वाला नहीं है डैमलर को ये बात पता चल गई डैमलर ने सीधा कोर्ट में पिटीशन डाल दी कि भाई आप मेरे को बताओ कि मैं पेमेंट करूं कि नहीं करूं क्योंकि अगर मैं पेमेंट करता हूं तो इट विल अमाउंट टू तो ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग विथ एन तो कोर्ट ने कॉन्टिनेंटल टायर का जब कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया तो पता चला यार सारे डायरेक्टर तो जर्मनी के साले आज हम इनको पैसा देंगे और ये पैसे को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो पेमेंट डेट का डिस अलाउ कर दिया गया क्यों क्योंकि वो कंपनी जो भले थी यूके में वो हमारी दोस्त नहीं थी वो हमारी दुश्मन कंपनी थी और ये दुश्मन हमने कैसे पता लगाया जब हमने उसके कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया तो सारे डायरेक्टर जर्मनी के थे तो उनसे तो दुश्मन ही है

पेमेंट डिसअलाउ कर दिया अब प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड की बात कर रहा है इसमें भी एक केस लॉ आता है राजा इस केस लॉ का नाम है गिल मोटर कंपनी वाला केस है गिल मोटर कंपनी वर्सेस ईबी बी हॉर्ने अब इसमें हुआ क्या है कैसा फ्रॉड हुआ था ध्यान से समझना ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ एक ने में एक ईबी बी हॉर्ने करके व्यक्ति थे गिल मोटर कंपनी में एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर काम किए उनका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट था यानी कि जैसी कंपनी में ज्वाइ किया तो इम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट था एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज नंबर नाइन पे लिखा हुआ था कि भाई तुम कंपनी के एमडी बन रहे हो मैनेजर बन रहे हो तुमको सारी कंपनी का कच्चा चिट्ठा पता चल जाएगा तो कल को जब तुम कंपनी छोड़ के आओगे ना तो कंपनी के खिलाफ कंपटीशन मत शुरू कर देना ऐसे क्लॉज नंबर पे लिखा था ये नलायक ने क्या किया एक साल के अंदर कंपनी को छोड़ा एक्चुअल में कंपनी ने इसको निकाला था और खुद का धंधा शुरू किया और वही वाला धंधा शुरू किया जो मना किया था गिल्डफोर्ड मोटर कंपनी के स्पेयर पार्ट को बेचने लग गया वो भी कम दामों में कंपनी ने लीगल नोटिस भेजा धंधा बंद करवा दिया अब ये नलायक ने क्या किया कंपनी बनाई उस कंपनी के अंदर अपनी वाइफ को और अपने फ्रेंड को डायरेक्टर और शेयर होल्डर बना दिया और कर रहा है धंधा अब क्या बोलता है अब मैं क्या करूं मैं तो कर ही नहीं रहा हूं देखो कंपनी किसकी है वो मेरी वाइफ की है और मेरे दोस्त की है वो चला रहे वो धंधा कर रहे वो स्पेयर पार्ट बेच रहे मैं क्या करूं यहां पे कोर्ट ने बोला ज्यादा श्याणपंती मत कर साले कंपनी को तुझने से आड़ के लिए बनाया और डायरेक्टर और शेयर होल्डर अपनी बीवी और दोस्त को बना दिया चाबी तो तू ही लगाना ना पीछे

एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझना एक ये वाला और ये ये वाला पॉइंट अच्छा है एक है अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन एक ये और एक है जब कंपनी को आप एजेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हो अब पहले ये समझना अवॉइड कैसे करते हो वेलफेयर लेजिस्लेशन को बात को ध्यान से सुनना गुजरात का केस है ये गुजरात के केस में ऐसा था एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड का केस है इनके वर्कर्स ने इनके ऊपर केस किया था क्या केस किया था बात को समझना ध्यान से क्या होता था पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है

कंपनी ने मोटे असेट ट्रांसफर किए अब मोटे असेट अगर किसी दूसरी कंपनी के पास चले गए यानी कि अब उससे जो इनकम आएगी वो दूसरी कंपनी की रहेगी इस कंपनी की नहीं रहेगी जिसको क्या देना है बोनस ये बात लेबर ने देख ली कि बोले यार ये जानबूझ के कंपनी बनाए वहां पे मोटी इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दिए उस कंपनी के नाम से ताकि इस कंपनी का प्रॉफिट कम हो और हमको बोनस कम देना पड़े जबकि हमको बोनस ज्यादा बन रहा है साला काम करें हम मेहनत करें हम प्रॉफिट कमाए कंपनी और हमको बोनस भी ना दे तो इन्होंने पिटीशन लगाई कोर्ट के अंदर तो कोर्ट ने वो जो होली ऑन सब्सिडी थी ना जिसको मोटा असट ट्रांसफर किया उसको उठा के देखा तो देखिए सारे डायरेक्टर सेम अच्छा उस कंपनी का कोई बिजनेस भी नहीं उसको सिर्फ इसलिए बनाया ताकि वो असट होल्ड कर सके और इनकम उसके अकाउंट में दिखे तो आपने क्या किया लेबर के वेलफेयर लेजिस्लेशन था जो लेबर का जो वेलफेयर के लिए लॉ बना था उसको अवॉइड करने की कोशिश की यहां पे तुम्हारा कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर दिया जाएगा

इनने क्या किया इस कंपनी ने जिसका लाइसेंस रिजेक्ट किया एक सब्सिडरी सब्सिडरी की और के नाम से अब लाइसेंस अप्लाई कर रहे क्योंकि खुद के नाम से कर नहीं सकते एक बार रिजेक्ट हो गया और इनने ये दिमाग लगाया कि मान लो सब्सिडरी के नाम से लाइसेंस मिल जाता है तो जो मेन कंपनी है उसके नाम से जितनी भी व्हीकल होगी सब्सिडरी के नाम पर ट्रांसफर कर देंगे लाइसेंस भी सब्सिडरी के नाम से रहेगा और गाड़ियां भी सब्सिडरी के नाम से रहेगी बात बन जाएगी तो आपने सब्सिडरी बना के क्या करने की कोशिश की आपने सब्सिडरी बना के उसको एजेंट बना लिया अपना एजेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हो कि चलो हमको नहीं मिला इसके नाम से अप्लाई कर देते हैं तो जब आप कंपनी को एज एन एजेंट चला रहे हो अरेंजमेंट कर रहे हो कि शेयर होल्डर और कंपनी का एजेंट की तरह यूज करोगे तो वहां पे भैया कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया जाएगा दोनों को एक ही यूनिट माना जाएगा क्लियर है दोस्तों तो अगर मैं आपको बोलूं कि कितने पॉइंट आपने कॉर्पोरेट वेल में पढ़े हैं तो सबसे पहले तो आपका हो गया कि अगर आप रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तब लेबर के वेलफेयर लेजिस्लेशन को अवॉइड करना चाहते हो तब अगर आप फ्रॉड करना चाहते हो तब अगर आप सब्सिडरी को एज एन एजेंट चलाना चाहते हो तब ये सारे पॉइंट किसके हैं बेटा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के हैं और कंपनी को सिर्फ आप क्या दिखाना चाहते हो मेयर शाम चलाना चाहते हो बराबर है क्या अब मेरी बात को सुनना राजा बिल्कुल ध्यान से सुनना ये सारे पॉइंट को देखो बहुत प्यार मोहब्बत से मैंने पांच पॉइंट को यहाँ पे केस लॉ के साथ लिखा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप ऐसे भी लिखोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैं इसको ज्यादा देर तक रखूंगा नहीं अब बाद में इसको रिवर्स करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सरल शब्दों में मान लो आपको कुछ भी याद ना आए तो आप यहां से सरल शब्दों में इसको लिख सकते हो बाद में आप इसको पीछे से करके स्क्रीन आराम से ले लेना ये ये सारी चीजें अपन कर सकते हैं जीवन में आगे बढ़ते हैं राजा हमने ये भी कवर कर लिया एक हमने स्मॉल कंपनी पढ़ लिया एक हमने केसेस देख लिया कि कब कब कॉर्पोरेट वे लिफ्ट हो सकता है रेवेन्यू को बचाने के लिए फ्रॉड हो रहा है तब कंपनी अगर एनएमई है तब अगर आप अवॉइड कर रहे वेलफेयर लेजिस्लेशन तब अगर आप सब्सिडी को एज एन एजेंट चला रहे हो तब ये पांच छह पॉइंट है जो आप लिखोगे तो बखूबी आपको मार्क्स मिलेगा बरोबर है क्या चलिए जीवन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब पूछ रहा है कि बताओ सेक्शन एट कंपनी क्या होती है उसका फीचर क्या होता है पहला क्वेश्चन दूसरा बोल रहा है दूसरा बोल रहा है एक इसके अंदर और आएगा क्वेश्चन की बताओ कब कब कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करना है और कैसे इसका लाइसेंस रिवोक होता है अब बात को ध्यान से समझना राजा सेक्शन एट कंपनी बहुत हॉट टॉपिक है तुम्हारे अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए कैसे हॉट टॉपिक है सुनना पहले तो ये सेक्शन एट कंपनी का कभी फीचर पूछ ले रहा है कभी रिवोकेशन उसके लाइसेंस को रिवोक कब कब कर सकते ये पूछ रहा है या ये पूछ लेगा कि इसको इनकॉर्पोरेट कैसे करना है बहुत रेलिवेंट बहुत हॉट टॉपिक है जिसकी आने की बहुत प्रबल संभावना है एम जून 23 में भी इसको दिया हुआ था एक क्वेश्चन नीचे का क्वेश्चन देखोगे तो ये एमक्यू MQ, एमक्यूपी में भी दिया हुआ है और एक क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है राजा कि इसका लाइसेंस रिवोक कैसे हो जाता है तो तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बहुत आराम से समझ रहे हैं बट इसका थोड़ा सा मैं आपको बेसिक पहले क्लियर कर देता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे यहां पर राधिका शर्मा जी आए कि सर इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है ना एक्सेप्शन टू कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स आर सेपरेट लीगल एंटिटी थोड़ा सा स्पेन जो टाइप का ही क्वेश्चन लग रहा है आपका बट उम्मीद कम है मेरे को इस तरफ की सुनना मेरी बात को राजा सबसे पहले सेक्शन एट कंपनी को सेक्शन एट क्यों बोला जाता है आप ये समझो कभी आपने सोचा कि भाई सेक्शन एट कंपनी क्यों बोला जाता है उस प्रकार से जो सेक्शन टू क्लॉस ट्वेंटी वाली कंपनी है उसको सेक्शन 220 कंपनी बोलो ना क्यों नहीं बोलते उसको सेक्शन 220 कंपनी क्यों आप सेक्शन 8 के अंदर जो कंपनी दी आप उसको सेक्शन 8 कंपनी बोलते हो बराबर है क्या अब बात को ध्यान से सुनना कुछ बेसिक क्लियर कर लो सेक्शन 8 के लिए मजा आएगा सेक्शन 8 क्या बोलता है राजा आपको पता है क्या अगर कोई भी एक पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन मार्क माय वर्ड्स में क्या बोल रहा हूं कोई भी पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी कि एक या अनेक व्यक्ति कोई कंपनी बनाना चाहते हैं जिसका पर्पस रहेगा बिजनेस करने का नहीं आर्ट्स को कॉमर्स को साइंस को रिसर्च को रिलीजन को एनवायरमेंट को या चैरिटी को प्रमोट करने के लिए वो व्यक्ति वो व्यक्ति एक एप्लीकेशन फाइल करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मैं ना एक ऐसी कंपनी बनाना चाहता हूं जिसका ऑब्जेक्ट पैसे कमाने का नहीं है इनकम डिराइव करने का नहीं है मुझे एक ऐसी कंपनी बनानी है जिसमें मैं समाज के लिए कुछ भलाई का काम कर रहा हूं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाती है कि दैट देर इज अ पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाने का नहीं है उसका ऑब्जेक्ट है चैरिटी रिलीजन साइंस रिसर्च स्पोर्ट्स आपका कॉमर्स को प्रमोट करने का और जो भी वो एक्टिविटी करेगा उससे उसको जो भी इनकम आएगी उस इनकम को वो वापस उसी ऑब्जेक्ट में लगाएगा और उसका इरादा है कि वो डिविडेंड को प्रोहिबिट करेगा तो तीन रीजन बात को ध्यान से सुनना तीनों इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में भी आ सकता है और साथ साथ में आपको क्वेश्चन भी लिखने को आएगा पहला पर्सन है और एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसका ऑब्जेक्ट है साइंस को प्रमोट करना आर्ट्स को प्रमोट करना कॉमर्स को प्रमोट करना स्पोर्ट्स को प्रमोट करना एनवायरमेंट को प्रमोट करना चैरिटी करना या रिलीजन को प्रमोट करना ये पहला दूसरा इन इन ऑब्जेक्ट से अब ऐसा करेगा मान लो रिलीजन को प्रमोट कर रहा है उसने छोटा सा राम मंदिर बनाया उसमें बहुत सारे चंदे आए डोनेशन आया बराबर है क्या तो जो भी इनकम उसको इस एक्टिविटी से आ रही है इनकम को वापस ऑब्जेक्ट में लगाएगा जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनाए तीसरा ये इंटेंशन ये रखता है कि डिविडेंड को प्रोहिबिट करेगा सो ऑब्जेक्ट इज फॉर द प्रमोशन ऑफ चैरिटी सेकेंड इंटेंस टू अप्लाई इट्स इनकम टू ऑब्जेक्ट थर्ड टू प्रोहिबिट डिविडेंड

जीजी ने परमिशन दे दी रजिस्टर कर दे नाउ आरओसी ऑन द बेसिस ऑफ दैट लाइसेंस उस कंपनी को रजिस्टर करेगा यानी कि उस पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन को रजिस्टर करेगा अंडर सेक्शन एट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 मार्क माय वर्ड्स आरओसी उसको कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर नहीं कर रहा है आरओसी उसको कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर कर रहा है इसलिए उस कंपनी को सेक्शन एट कंपनी बोला जाता है समझ में आई बात एक तो बात हो गई ये इसलिए उसको सेक्शन एट कंपनी बोलते हैं दूसरा मार्क माय वर्ड्स मैंने बोला एक सिंगल पर्सन यानी कि वन पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन अगर चाहे तो बना सकते हैं यानी कि एक अकेला व्यक्ति भी सेक्शन एट कंपनी को बना सकता है तो दिस आर द बेसिक कि सर एक भी बना सकता है अनेक भी बना सकते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देगा उस लाइसेंस के दम में वो लेके जाएगा लाइसेंस को आरोसी के पास और आरओसी में रजिस्टर नहीं कर रहा है कंपनीज एक्ट के 8 के सेक्शन अंदर उसको रजिस्टर कर रहा है दैट्स वाई उस कंपनी को सेक्शन एट कंपनी बोला जाता है बरोबर है क्या ठीक है सर ये बेसिक था तो देखो सेम चीजें जो मैंने आपको बताई है वो यहाँ पे लिखी है आर्ट कॉमर्स स्पोर्ट्स सेफ्टी ये सब प्रमोट करेगा इसके फीचर क्या है इसका ऑब्जेक्ट है ये सबको प्रमोट करना अप्लाई करेगा प्रॉफिट को इन्हीं ऑब्जेक्ट में जिन ऑब्जेक्ट के लिए बना हुआ है प्रोहिबिट करेगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड मेंबर को डिविडेंड नहीं देगा जब तुम प्रॉफिट वाले को ही नहीं तो क्यों डिविडेंड देना ना बराबर सेम प्रिविलेज मिलेगी इसको भी वो जो सेपरेट लीगल एंटिटी परपेचुअल सक्सेशन चाहे तो ये भी कॉमन सील रख सकती है सेम प्रिविलेज मिलेंगे जो बाकी कंपनी को मिलते हैं अच्छी बात ये है कि एक फॉर्म भी इस कंपनी का मेंबर बन सकता है देखो आज मैं अगर अर्जुन छावड़न एसोसिएट्स करके एक फॉर्म खोलता हूं मैं फॉर्म के नाम से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मेंबरशिप नहीं में ले सकता हूं लेकिन इसी फॉर्म के नाम से मैं किसी सेक्शन एट कंपनी का मेंबरशिप ले सकता हूं क्योंकि एक प्रकार का एक्सेप्शन है कि जो चैरिटी वाली कंपनी है वहां पे सेक्शन एट कंपनी में आप बींग पार्टनरशिप फॉर्म उसके नाम से मेंबरशिप ले सकते हो बराबर है क्या ये वाली कंपनी अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल को तब तक अल्टर नहीं करेगी जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ना ले ले और मान लो कोई ऐसी कंपनी है जो अभी सेक्शन एट कंपनी नहीं है वो एक कंपनी है नॉर्मल कंपनी सेक्शन टू प्लॉस ट्वेंटी वाली कंपनी है अगर वो अपने आप को सेक्शन एट में कन्वर्ट करवाना चाहती है अगेन उस कंपनी के पास यही तीन रीजन होने चाहिए प्रमोशन ऑफ चैरिटी प्रॉफिट जो आएगा इन्हीं ऑब्जेक्ट में लगाओगे तीसरा डिविडेंड को प्रोहिबिट करोगे अगर सीजी संतुष्ट होती है सीजी आपको भी लाइसेंस दे देगी बीगा कंपनी और आप फिर आरओसी को अप्लाई करके कंपनी से सेक्शन एट कंपनी में कन्वर्ट हो सकते हो ठीक है सर बहुत अच्छी बात है सर यहां तक की चीजें समझ में आई सर उसके बाद आगे क्या है अब अपने को बोल रहा है कि भाई आप हमको बताओ कि अगर आपको इसका रजिस्ट्रेशन करवाना है आपको एक सेक्शन एट कंपनी बनाना है तो कैसे सेक्शन एट कंपनी बनेगा तो इसके सारे प्रोसीजर राजा दिए रूल नंबर 19 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 ये याद रखना है बेटा अगर आप रूल का रेफरेंस देते हो आपका जो मान है बढ़ जाता है एग्जामिनर के सामने कि इसने रूल के साथ बताया तो कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स जो है उसका रूल नंबर 19 के अंदर आपको बताया कि अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी बनाना है तो क्या प्रोसीजर रहेगा सबसे पहले राजा आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा आईएनसी ट्वेल्व के अंदर किसको एप्लीकेशन करोगे आरओसी को लेकिन एक बात क्लियर हो गई आरओसी को भी आप एप्लीकेशन तब करोगे राजा जब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस मिल गया तो लाइसेंस मिला इसी एप्लीकेशन में लाइसेंस को अटैच करोगे आई एनसी भेजोगे किसको आरओसी uh, को अलॉन्ग लाइसेंस मेमोरेंडम जो रहेगा इस कंपनी का वो आई एनसी में रहेगा ठीक है सर एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे ये वही सारे डॉक्यूमेंट तो क्या क्या आपकी इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में मदद कर रहा है वो एडवोकेट हो सकता है सीए हो सकता है सीएस हो सकता है सीएमए हो सकता है इनका डिक्लेरेशन रहेगा क्या डिक्लेरेशन रहेगा कि इस सेक्शन 8 कंपनी को बनाने के लिए लॉ के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट है हमने सब कंप्लाई किया एग्जाम्पल के लिए हमारा ऑब्जेक्ट चैरिटी वाला है हम डिविडेंड नहीं देने वाले हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया हुआ है और हमारा जो इनकम आएगा हम उसी ऑब्जेक्ट में दोबारा इसको लगा देंगे बराबर है क्या तो आपको यह बताना है कि इस कंपनी को बनाने के लिए जितने भी कंप्लाइंस थे हमने कंप्लाई किए ये कौन देगा इसको बोलेंगे डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल आईएनसी नंबर 14 के अंदर तो वो व्यक्ति जो आपकी कंपनी को फॉर्म कर रहा है सेक्शन एट वाली को ये व्यक्ति डिक्लेरेशन देगा में कि हमने सारा कुछ कंप्लाई किया है अच्छा ये अकेले नहीं दे रहा है डिक्लेरेशन आपको भी डिक्लेरेशन देना है आपको यानी कि जो व्यक्ति क्या बना रहा है सेक्शन एट कंपनी बना रहा है वो भी ये डिक्लेरेशन देगा ठीक है सर और साथ में आपको एक एस्टिमेट देना है कि आने वाले तीन सालों में आपका कितना इनकम हो सकता है और कितना एक्सपेंडिचर हो सकता है तो आई रिपीट मेरे प्यारे भाई और बहनों आई के अंदर एप्लीकेशन जाएगा उस एप्लीकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस अटैच होके जाएगा कंपनी का जो मेमोरेंडम रहेगा वो आईएनसी 13 के अंदर जाएगा बरोबर है क्या और कह रहा है कि डिक्लेरेशन जाएगा आईएनसी 14 में इन सारे लोगों का और आगे फिर आपको इनकम एक्सपेंडिचर के ये सारी चीज देनी है ठीक है सर समझ में आया नेक्स्ट बोल रहा है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट संतुष्ट हो जाती है कि अरे हां भाई इसका ऑब्जेक्ट तो ऐसा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस दे देगी ये तो अपन ने पहले ही पढ़ा हुआ है और इसी लाइसेंस के बेसिस में देखो लिखा हुआ है अंडर सेक्शन एट में रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर कर लेगा आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर हो गई है बरोबर है अब बोल रहा है कि भाई बताओ शॉर्ट नोट्स लिखो कि कब सेंट्रल गवर्नमेंट इस कंपनी का लाइसेंस रिवोक कर देगी मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना कि कब कब रिवोक होता है दो कारण है बेटा जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस को रिवोक करती है पहला कारण तो सेक्शन एट में खुद लिखा है आपने जब लाइसेंस लिया था तब आपने बोला कि हमारा काम जो है वो प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स है आर्ट्स है साइंस है रिसर्च है ये सारा काम था आपका बरोबर है क्या लेकिन मान लो आपने दिखाया कुछ ले लिया लाइसेंस अब मान लो आपने एक स्पोर्ट्स क्लब खोला है अब स्पोर्ट्स क्लब खोला है आपने तो आपका काम क्या है भैया आप क्लब को चला रहे हो एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अब आप क्लब को खोल के बहुत महंगे महंगे कोच रख रहे हो वो महंगे महंगे कोच के लिए महंगे महंगे रहीस घर के बच्चे ला रहे हो उनसे महंगी फीस चार्ज कर रहे हो और सारा कुछ कैश में कर रहे हो ताकि कुछ अकाउंट में दिखे ही ना तो आप एक्चुअल में दिखाए नॉन प्रॉफिट लेकिन काम कर रहे हो प्रॉफिट वाला तो या तो आपने ऐसी कोई हरकत की ऐसी हरकत करने का मतलब क्या है कि आपने आपने सेक्शन एट का नॉन कंप्लायंस किया दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब आपको लाइसेंस दिया था तो उनने आपको बोला था कि आप क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करते जाना हमको कि आपको हर महीने कितना आपको क्लब में डोनेशन आ रहा है क्या आ रहा है तो हमको भी पता रहेगा कि आप कैसा काम कर रहे हो आप वो क्वार्टरली रिपोर्ट भी नहीं देते हो तो जिन शर्तों के बेसिस में आपको लाइसेंस दिया गया था आप उन शर्तों का भी कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो और सेक्शन एट का भी कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो तो दोनों में से कोई भी अगर आप कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक अपॉर्चुनिटी देगी कि भैया हमको तुम्हारी एक्टिविटी सही नहीं लग रही है सफाई पेश करिए क्यों आपका लाइसेंस रिवोक ना किया जाए बिना अपॉर्चुनिटी के लाइसेंस रिवोक नहीं हो सकता अब सर मान लीजिए ये सफाई दिए सफाई से सीजी संतुष्ट नहीं हुई तो इसके परिणाम क्या होंगे इसके तीन परिणाम होंगे राजा एक्चुअल में चार परिणाम होंगे सुनना सेक्शन एट कंपनी को अपने नाम के पीछे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है तो प्राइवेट है कि पब्लिक है ये जानना जरूरी नहीं है एक हो गई ये वाली बात तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि पहला, रिवोक करने के बाद पहला ये काम की, तीन काम वो और कर सकती है या तो इस कंपनी का वो वाइंडिंग अप कर दे या तो इस कंपनी को वो किसी दूसरी सेम कंपनी के साथ कोई दूसरी स्पोर्ट्स वाली कंपनी होगी उसके साथ अमल कमिट कर दे अब अगर वो वाइंडिंग अप करती है और वाइंडिंग अप करने के बाद कुछ सरप्लस बच जाता है अब ये सरप्लस का क्या करें ये सरप्लस को ये किसी दूसरी सेक्शन एट कंपनी को दे देगी जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट है या तो इन सोलवेंसी बैंक कोड एक फंड है वहां पे इस पैसे को डाल दिया जाएगा एकदम क्रिस्प करके आपको बता दिया यही चीजें सुनी सुनी मैंने जो बोला ये सुन के आप लिख के आ जाना तो आपको शॉर्ट नोट्स में मार्क्स मिल जाएगा आओ पढ़वा देता हूं क्या है बात को ध्यान से समझना

वन पर्सन कंपनी आज तक आपको एग्जाम में पूछा नहीं है बस उसके बेनिफिट्स आज तक पूछा है बट मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि हो सकता है इंस्टीट्यूट आपको क्वेश्चन में दे दे कि फीचर्स ऑफ द पर्सन कंपनी या शॉर्ट नोट्स में दे दे कि बताओ हु आर द पर्सन हु आर एलिजिबल टू बिकम मेंबर एंड नॉमिनी ऑफ पर्सन कंपनी चलो यहां ना दे तो इसके इतने छोटे छोटे पॉइंटर आ जा रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर है इंडियन सिटीजन के ऊपर है बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो आपको एमसीक्यू में बन सकते हैं है क्या मैं एक बार आपको कंपनी का खतरनाक तरीके से दो मिनट के अंदर पूरा एकदम हिट दे देता हूं आपको ध्यान से समझना ठीक है ठीक है ठीक है ध्यान से बात को समझना वेदिक जी कह रहे हैं सर गैस पेपर इशू आप करोगे क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा क्या बोल रहा है जीवन में आगे बढ़ते सुनना तो ऐसा राजा वन पर्सन कंपनी का सबसे पहले हो सकते हैं एक से ज्यादा बट में हो सकते हैं, एक से इस कंपनी में एक ही होगा ऐसा सेक्शन टू क्लॉज सिक्सटी टू में लिखा हुआ है अब सेक्शन टू क्लॉज सिक्सटी टू के अंदर ना बेटा सिर्फ वन पर्सन कंपनी की डेफिनेशन दी है उसके बारे से जो डिटेलिंग है वो डिटेलिंग दिए सेक्शन नंबर तीन रीड विद रूल नंबर तीन ऑफ द कंपनी दो हजार चौदह अब क्या डिटेलिंग है बात को बिल्कुल ध्यान से सुन के लेना पहले मैं सेक्शन तीन बता रहा हूं फिर मैं रूल की बात करूंगा सारा आपका ओपीसी कवर हो जाएगा चाहे एमसीक्यू आए चाहे शॉर्ट नोट आए चाहे लॉन्ग आंसर आए आपको बन जाएगा अब राजा सेक्शन तीन कंपनी क्या कहता है कि अगर किसी अच्छा पहली बात तो सेक्शन सेक्शन तीन कंपनी ओपीसी की बात कर रहा हूं सेक्शन तीन में ओपीसी की डिटेल है तो सेक्शन तीन अपने को ये बोलता है राजा ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी है ये अपने को क्लियर करना है क्योंकि पर्सन है है तो प्राइवेट ही होगी अब कहता है कि जब भी ओपीसी को इनकॉर्पोरेट करना है तो ओपीसी के मेमोरेंडम में मेमोरेंडम में कंपनी का जो मेंबर रहेगा उसका नाम तो रहेगा ही रहेगा एडिशन टू द नेम ऑफ द मेंबर एक नॉमिनी का नाम रहेगा ये नॉमिनी जो है ये है नॉमिनी ये क्या है नॉमिनी है ये जो नॉमिनी है ना ये इस ओपीसी का मेंबर बनेगा कब जब ये जो मेंबर है ना मेंबर ये मेंबर की या तो डेथ हो जाएगी या तो ये इनकेपेसिएट हो जाएगा इनकेपेसिएट यानी कि क्या अनसाउंड माइंड का हो गया या तो इसकी डेथ हो गई तो अगर ये अनसाउंड माइंड का हुआ अगर इसकी डेथ हो गई तो इसकी जगह में कौन आ जाएगा नॉमिनी ठीक है सर समझ में आया अब सर नॉमिनी की जगह तो खाली हो गई सर नॉमिनी की जगह तो खाली हो गई क्योंकि नॉमिनी क्या बन गया मेंबर नॉमिनी जब से मेंबर बनाए वहां से पंद्रह दिन के अंदर नॉमिनी को जो नॉमिनी मेंबर बनाए वो अपने लिए नॉमिनी बनाएगा ठीक है सर क्लियर है जब भी एक मेंबर जो है नॉमिनी को अपॉइंट कर रहा है इनकॉर्पोरेशन के वक्त वो नॉमिनी से प्रायर रिटर्न कंसेंट लेगा कि भाई तू अपनी मर्जी से बनना चाहता है मजे की बात यह है मेंबर और नॉमिनी दोनों को ओपन छोड़ा है मेंबर चाहे तो नॉमिनी को चेंज कर सकता है नॉमिनी चाहे तो अपनी कंसेंट विदड्रॉ कर सकता है वाह सर सर बहुत बढ़िया क्या प्रोसीजर रहेगा मेंबर जो है मेंबर जो है वो सीधा ओपीसी को नोटिस देगा कि ओपीसी ओपीसी मैं ना नॉमिनी चेंज कर रहा हूं नॉमिनी चेंज हो जाएगा नया वाला आ जाएगा अगर नॉमिनी को अपने आप की कंसेंट विदड्रॉ करनी है नॉमिनी ओपीसी को नोटिस दे देगा सॉरी नॉमिनी जो है ओपीसी को नोटिस दे देगा कि मैं अपनी कंसेंट को क्या कर रहा हूं विदड्रॉ कर रहा हूं इसको भी ओपन रखा है इसको भी ओपन रखा है मेंबर नॉमिनी नॉमिनी को को चेंज भी कर सकता है। अपनी कंसेंट को भी कर कर सकता सकता है है अपनी कंसेंट क्लियर है दोस्तों अब बात को ध्यान से सुनना जितनी बार भी बेटा नया नॉमिनी आएगा उतनी बार प्रायर रिटर्न कंसेंट अपने को आर को देना पड़ेगा ठीक है सर ये तो हो गई पूरी सेक्शन तीन की बात सर बहुत बढ़िया हो गया सर तीन में कि एक व्यक्ति रहेगा वो अपॉइंट होगा जब मेंबर मरेगा और तब और चेंज और विद्रॉ का ऑप्शन दिया हुआ है इतनी बात लिखी सेक्शन नंबर तीन में अब राजा मैं आपको बताता हूं कि सेक्शन तीन के बाद रूल लिखे हैं रूल में क्या लिखा है टोटल आपको बेटा तीन रूल है इसके अंदर पहला रूल क्या बोलता है वो व्यक्ति वही व्यक्ति इस कंपनी का मेंबर बनेगा और वही व्यक्ति इस कंपनी का नॉमिनी बनेगा जो पहली बात तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए इंडियन सिटीजन होना चाहिए भले नेचुरल पर्सन है इंडियन सिटीजन है रेसिडेंट इन इंडिया हो चाहे ना हो इससे कोई लेना देना नहीं है और रेसिडेंट इन इंडिया की परिभाषा क्या दी हुई है राजा रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब ऐसा व्यक्ति जो कम से कम 120 दिन रह रहा है इमीडिएटली किधर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में बरोबर है तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना राजा इंडियन सिटीजन चाहिए नेचुरल पर्सन चाहिए रेसिडेंट इन इंडिया हो चाहे ना हो चलेगा यही व्यक्ति ओपीसी का मेंबर बन सकता है यही ओपीसी यही 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 व्यक्ति का ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है बराबर है 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 क्या अब सर दूसरी बात आती है। आप मुझे बताइए एक व्यक्ति जो है ना वो कितनी जगह सर मेंबर और नॉमिनी बन सकता है जैसे कि मैं हूं तो ओपीसी के रूल ये कहते हैं इनकॉर्पोरेशन के रूल कि मैं बिंग अर्जुन छाबड़ा एक ओपीसी में मैं मेंबर में बन सकता हूं और एक ओपीसी में मैं नॉमिनी बन सकता हूं यानी कि मैं हिंदी में इसको सरल शब्द में बोलता हूं ओपीसी के संबंध में एक इंडिविजुअल की दो ही कैपेसिटी हो सकती है एक मेंबर की और एक नॉमिनी की सर मैं एक से ज्यादा ओपीसी में मेंबरशिप होल्ड नहीं कर सकता क्या नहीं सर मैं एक से ज्यादा नॉमिनी में एक से ज्यादा ओपीसी में नॉमिनी होल्ड नहीं कर सकता क्या नहीं सर मान लीजिए सर जिस कंपनी में ना मैं नॉमिनी हूं उस कंपनी का मेंबर मर गया तो सर मैं वहां पे भी मेंबर हो गया और अपनी ओपीसी में तो मेंबर हुई अब क्या करेंगे तो ओपीसी के रूल कहते हैं इनकॉर्पोरेशन के कि आप जब से दो ओपीसी में क्या बने हो ना मेंबर वहां से 180 डेज के अंदर आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी ओपीसी में में मेंबरशिप कंटिन्यू करना है बरोबर है क्या माइनर ना तो ओपीसी का मेंबर बन सकता माइनर ना तो ओपीसी का नॉमिनी बन सकता ओपीसी कभी भी सेक्शन एट में कन्वर्ट नहीं होने वाली है और ओपीसी कभी भी किसी के बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट नहीं करेगी और इस पॉइंट से अपने को यह समझ में आता है कि ओपीसी कभी होल्डिंग कंपनी नहीं बन सकती और सब्सिडरी भी नहीं बन सकती क्योंकि सब्सिडरी में क्या बोला है इंडिविजुअली क्या बनेगा नेचुरल पर्सन ही क्या बनेगा मेंबर तो जब नेचुरल पर्सन एक ही रहेगा तो सब्सिडरी भी नहीं बनेगी और इसका रूल क्या बोलता है वो कहीं पे भी किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है तो ना तो होल्डिंग बनेगी ना तो सब्सिडरी बनेगी एवरीबॉडी दोस्तों एवरीबॉडी दोस्तों एवरीबॉडी बॉडी यहाँ तक की चीजें समझी तो यारो देखो सेम बातें यहाँ पे लिखी हुई जितनी बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई है एक एक चीज जो मेरे मुंह से निकला हुआ है सब कुछ यहाँ पे नोट्स पे दिया हुआ है क्लियर है दोस्तों फटाफट बताएंगे क्लियर है दोस्तों एवरीबॉडी क्लियर है अब यारो ध्यान से सुनना यहाँ पे लिखा है वॉट आर द दिट्स ऑफ ओपीसी तो बेनिफिट्स तो राजा मैं आपको पहले ही बता रखा हूं कि क्या बेनिफिट होता है भाई बहुत क्लियर है बेनिफिट अपने को कैसे बेनिफिट है

आपके सेक्शन नंबर 19 के ऊपर बेस्ड है लेकिन 19 को पढ़ने से पहले मैं आपको होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज करवा देता हूं राजा देखो सेक्शन टू क्लॉस फोर्टी के अंदर होल्डिंग कंपनी है सेक्शन टू क्लॉस एट्टी के अंदर सब्सिडरी कंपनी है क्या बोलता है ये कहता है होल्डिंग कंपनी मीनस अ कंपनी हैविंग वन और मोर है यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी वो होल्डिंग है यानी कि होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन बकवास है जो डेफिनेशन अच्छा हो किसका है सब्सिडरी का है बराबर है क्या सब्सिडरी का मतलब क्या है सब्सिडरी का मतलब क्या है तो कहता है सब्सिडरी कंपनी कैसी कंपनी है जिसमें होल्डिंग कंपनी मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर कंट्रोल कर रही है या तो कंपोजिशन कंट्रोल कर रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ठीक है सर समझ में आ गया अपने को बात को समझना राजा एक ना अपना सेक्शन नंबर नाइनटीन है सेक्शन नाइनटीन क्या बोलता है आपको पता है सेक्शन 19 ये बोलता है यहीं पे नीचे लिखा हुआ है सेक्शन 19 ये बोलता है कि कोई भी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी में ना तो शेयर्स लेगी ना तो अप्लाई करेगी यानी कि सब्सिडरी के लिए बोल रहा है कि बोले ए सब्सिड्री तू अपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर नहीं ले सकती तो सेक्शन 19 में सब्सिडरी को भी डांट लगाया और सेक्शन 19 में होल्डिंग को भी डांट लगाया सब्सिड्री को बोला तू शेयर्स लेगी नहीं उसके सब्सक्राइब नहीं करेगी और होल्डिंग को बोला ए होल्डिंग अपनी सब्सिडी को ना तो शेयर्स अलॉट करेगा ना तो शेयर ट्रांसफर करेगा बरोबर है है क्या ठीक ये सेक्शन 19 की बात है सब्सिडी को मना कर दिया होल्डिंग में शेयर मत होल्ड करना और होल्डिंग को बोल दिया सब्सिडी को ना तो शेयर ट्रांसफर करना ना तो अलॉट करना बरोबर है क्या अब एक बात समझ के लेना दोस्तों एक बात समझ के लेना ये तो एक बात हो गई सेक्शन नाइनटीन था इसके ना कुछ एक्सेप्शन है तीन एक्सेप्शन है राजा इसके कि कब कब सब्सिडरी कब कब सब्सिडरी अपनी होल्डिंग में शेयर होल्ड कर सकती है तीन एक्सेप्शन है पहला एक्सेप्शन है लीगल रिप्रेजेंटेटिव का दूसरा एक्सेप्शन है ट्रस्टी का और तीसरा एक्सेप्शन है वेयर सब्सिडरी इज होल्डिंग शेयर ऑन द होल्डिंग कंपनी बिफोर बिकमिंग सब्सिड्री अब एक को समझ के लेते हैं पहला राजा आता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है भाई मान लो मैं हूं अब आज नहीं तो कल संसार सबको छोड़ के जाना है मैं रिलायंस कंपनी में शेयर्स रखा हुआ बरबर है मेरी कंपनी अर्जुन छापड़ा टूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड अर्जुन छापड़ा टूटोरियल मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाया हूं अपनी कंपनी को कि अगर कल को मैं यहां संसार छोड़ के जाता हूं तो रिलायंस कंपनी में मेरे जो शेयर्स हैं वो जो मेरी कंपनी ना अर्जुन छापड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड वो होल्ड करेगी मैंने अपनी कंपनी को लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाया है तो कल को मैं संसार छोड़ के गया तो रिलायंस कंपनी में जो मेरे शेयर हैं वो कौन होल्ड करेगी अर्जुन छाबड़ा टूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड अर्जुन छाबड़ा टूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड कौन है रिलायंस की सब्सिडरी बट सब्सिडरी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के कैपेसिटी में होल्डिंग में शेयर होल्ड कर सकती है दूसरा ट्रस्टी वाली अरे जितनी बड़ी बड़ी आपने कंपनी देखी ना म्यूचुअल फंड की जो आप जिनको पैसे देते हो आपके बदले आपके शेयर्स को मैनेज करते हैं बरोबर है क्या ये ट्रस्टी होते हैं क्या करते हैं पता है क्या एक कंपनी है मान लो कंपनी का नाम है अर्जुन छाबड़ा म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट कंपनी बरोबर है क्या ये कंपनी रिलायंस की सब्सिडरी ऑलरेडी मैंने शेयर लिए रिलायंस में अब मैं भाई दिन भर लेक्चर में रहता हूं मैं अपने शेयर्स को कब खरीदना है कब बेचना है कहां से मैनेज करूंगा तो ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी थी मैंने उन शेयर्स के लिए उसको ट्रस्टी बना दिया क्या बना दिया ट्रस्टी की तू देखभाल कर कब बेचना है कब और खरीदना है तू समझ तो ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी रिलायंस की सब्सिड्री है वो शेयर रख तो नहीं सकती बट ट्रस्टी की कैपेसिटी में रख सकती क्योंकि मैंने उसको क्या बनाया अपना ट्रस्टी मैनेजर बनाया उसको मैंने तो सब्सिडी है भले लेकिन वो सब्सिडी अपनी कैपेसिटी में शेयर होल्ड नहीं कर रही होल्डिंग में वो एज अ ट्रस्टी की कैपेसिटी में होल्ड कर रही है ठीक है अब तीसरी बात भाई सब्सिड्री तुम जब बने होगे तब बने होगे सेक्शन 19 तुम्हारे ऊपर तब लगेगा जब तुम सब्सिड्री बने अरे सब्सिडरी बनने के पहले हम होल्डिंग में कुछ शेयर्स रखे हुए थे सब्सिडरी बनने के पहले हम होल्डिंग में कुछ शेयर्स रखे हुए थे अरे तो सब्सिडरी बनने के पहले जो शेयर्स रखे हुए थे होल्डिंग में उसको कंटिन्यू होल्ड कर सकते हो और मत लेना जो पहले से लिए हुए थे ना उसको रख लेना बरोबर है क्या आओ अब मेरी बात को समझना तीन एक्सेप्शन हुए अब तीन एक्सेप्शन में बोलता है वोटिंग पावर आप किसमें एक्सरसाइज कर सकते हो तो कहता है एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एज अ ट्रस्टी ये दो कैपेसिटी में सब्सिडरी वोटिंग पावर भी एक्सरसाइज कर सकती है होल्डिंग कंपनी में लेकिन जो आप सब्सिडरी बनने के पहले जो शेयर्स लिए थे ना वो आप होल्ड कर सकते हो लेकिन उसमें वोटिंग पावर मिलने वाला नहीं है अब बेटा मेरी बात को ध्यान से समझना मैं देखता हूं आपको कितना अच्छे से कंसेप्ट समझ में क्वेश्चन पूछता हूं और क्वेश्चन में एक वैरायटी भी दूंगा फिर मैं देखूंगा आपको समझा है कि नहीं समझा ध्यान से समझना देखो एक कंपनी है राजा कंपनी का नाम क्या है एनलिमिटेड एनलिमिटेड का पेड शेयर कैपिटल कितना राजा अस्सी करोड़ रुपए का एक कंपनी आ गई है एम लिमिटेड एम लिमिटेड जो है पचास करोड़ का होल्डिंग रख रहा है किसमें एनलिमिटेड में तो सर बताओ मोर देन फिफ्टी परसेंट हुआ क्या अस्सी करोड़ का इसका पेडअप शेयर कैपिटल है उसमें पचास करोड़ किसका लगा हुआ है एम लिमिटेड का लगा हुआ है तो सर ये तो हो गई सर ये बन गई सर सब्सिडरी और ये बन गई सर होल्डिंग ठीक है सर अब ये जो एन लिमिटेड है ना जो सब्सिडरी है ये बहुत सारा प्रॉफिट कमाती है और अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहती है अब बिजनेस को बड़ा करना चाहती है तो वो सोच रही है कि जो एम लिमिटेड है ना उसकी जो होल्डिंग है उसमें पैसे इन्वेस्ट करने को सोच रही है

ये एक जून 2023 को मोर देन हाफ रखी तो ये होल्डिंग बन गई बराबर है सर और जो अनलिमिटेड है ना अनलिमिटेड ने बिफोर बिफोर एक जून 2030 बिफोर एक जून 2023 एक जून 2023 में उसके पहले एन लिमिटेड ने एम लिमिटेड में ऑलरेडी दस हजार शेयर पे क्या कर रखा है इन्वेस्टमेंट कर रखा है ठीक है सर इन्वेस्टमेंट कर रखा है बहुत अच्छी बात है कर लिया अब उसके बाद क्या हुआ एक जून को ये क्या बन गई भैया ये होल्डिंग बन गई ये सब्सिडी बन गई अब जो है अब जो है लिमिटेड जो है ना अब एक छे के बाद एक छे के बाद आफ्टर एक छे दो और लेना चाह रही है दस हजार शेयर तो आपके लिए मेरे पास दो प्रश्न है पहले तो आप ये बताओ कि जैसे ही एक छह हजार तेईस को सरेंडर करना पड़ेगा क्या हाँ कि ना अगर हाँ तो क्यों ना तो क्यों ये पहला सवाल दूसरा आफ्टर एक छ दो हजार तेईस जब एनलिमिटेड इन्वेस्ट करना चाह रही एम लिमिटेड में वो कर सकती है कि नहीं कर सकती है अगर हाँ तो क्यों अगर ना तो क्यों फटाफट बताना साइन लुथरा कह रहे दस हजार शेयर तक रख सकते हैं उसके बाद नहीं ले सकती यहाँ पे मना कर रहे हैं उसके बाद फिर नहीं बोल रहे हैं तो भैया है ये बात तो क्लियर है सर जो सब्सिडरी बनने के पहले रखे थे वो कर लो उसके बाद का कुछ नहीं होगा बराबर है क्या नया नहीं ले सकती पुराने का वोटिंग पावर चले जाएगा अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं बेटा वैसे तो तुम्हारे एग्जाम के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है बट टॉपिक अच्छा चल रहा है बड़ा मजा आ रहा है तो एक बार मैं पूछ लेता हूं एक छोटा सा ना ध्यान से समझ के लेना क्या तुम इस बात से सहमत हो कि लॉ मेकर जो है क्या तुम इस बात से सहमत हो कि जो लॉ मेकर है लॉ मेकर उसको उतने शेयर रखने के लिए दे रहे हैं अनुमति दे रहा है लॉ मेकर ही उसको बोल रहा है कि तू सब्सिडरी बनने के पहले जो शेयर्स रखी थी उसको होल्ड करके रख लॉ मेकर ही बोल रहा है उसको इस बात से सहमत हो लॉ उसको खुद ही अनुमति दे रहा है कि भाई साहब सब्सिडरी बनने के पहले जो आपने शेयर्स लिए थे ना वो रख लेना इस बात से सहमत हो क्या राजा इस बात से सहमत हो और लॉ क्या बोल रहा है उन शेयर्स को तू रख सकता है लेकिन उन शेयर्स में जो वोटिंग राइट right का अधिकार है वोटिंग राइट right का अधिकार वो वोटिंग राइट right का अधिकार नहीं मिलेगा शेयर्स रखने का अधिकार है लेकिन शेयर्स में, में वोट करने का अधिकार मिलने वाला नहीं है शेयर्स में वोट करने का अधिकार मिलने वाला नहीं है वोट करने का अधिकार मिलने वाला नहीं है बराबर है क्या वोट करने का अधिकार मिलने वाला नहीं है मेरे को एक बात बताओ मान लो कल को ये जो एम लिमिटेड है ना एम लिमिटेड ये एम लिमिटेड बोनस इशू ला रहा है बोनस इशू क्या ला रहा है बोलो बोनस इशू और बोनस किसको मिलता है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को तो क्या एन लिमिटेड भी इसकी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है बराबर है क्या तो अगर एम लिमिटेड बोनस इशू ला रहा है तो क्या एन लिमिटेड जो उसकी सब्सिडरी है क्या वो भी बोनस शेयर ले सकती है क्या क्या वो भी बोनस शेयर ले सकती है क्या बताओ क्या वो भी बोनस शेयर ले सकती है क्या बोनस शेयर ले सकती है क्या बिल्कुल देखो राजा अगर लॉ मेकर को ऐसा बोलना होता कि शेयर्स को रख सकती है लेकिन उस शेयर्स के संबंध में कोई भी राइट उसको एक्सरसाइज नहीं करने मिलेगा तो बोनस शेयर नहीं मिलता लेकिन लॉ मेकर ने भी क्या बोला उस शेयर्स के संबंध में वोटिंग राइट नहीं मिलेगा यानी कि वोटिंग राइट रिस्ट्रिक्ट किया बाकी तो इसको मिलेगा भैया बोनस तो मिलेगा बरोबर है क्या बहुत बढ़िया आप बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी मान लीजिए इनकॉर्पोरेट करना है तो क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा इनकॉर्पोरेशन के लिए तो आओ समझते हैं सबसे पहले राजा सेक्शन नंबर सात अपने को क्या कहता है

अब मैं बीइंग अ प्रमोटर ऑफ अ कंपनी आरओसी के पास कुछ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट दूंगा क्या दूंगा भाई कंपनी का मेमोरेंडम कंपनी का नाम क्या है कंपनी का काम क्या है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां रहेगा कंपनी कंपनी की लायबिलिटी क्या रहेगी और कंपनी का कैपिटल क्लॉज क्या रहेगा बराबर है क्या अब ये सारे मेमोरेंडम में बातें डाल के आर्टिकल एमओए और एओए मैं किसके पास सबमिट करूंगा आरओसी के पास साथ में मैं डिक्लेरेशन दूंगा दो लोग डिक्लेरेशन देंगे एक होगा डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल एक होगा डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर मैं अपने आप को सब्सक्राइबर बोल रहा हूं सब्सक्राइबर क्यों बोल रहा हूं अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो ना मैं मेंबर कहलाऊंगा लेकिन कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के पहले मैं क्या कहलाऊंगा सब्सक्राइबर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है ना तो मैं सब्सक्राइबर हूं एप्लीकेंट हूं मैं ठीक है सर तो दो डिक्लेरेशन एक डिक्लेरेशन प्रोफेशनल देगा कौन प्रोफेशनल सर यही अपना है जो आपकी कंपनी कंपनी को को कर रहे हैं वो डिक्लेरेशन देगा कि आरोसी, आरोसी, इस को बनाने के के लिए जितनी भी ना हमने सब पालन किए हम एक प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं कंपनी में दो मेंबर लगते हैं।, हैं हमारे पास दो है क्या डिक्लेरेशन और कौन देगा देगा ये बोलेगा कि मैं एकदम भगवान का रूप हूं मैं कभी भी किसी भी फ्रॉड और मिसफियंस ऑफ मिस में फंसा नहीं हूं मैं पिछले पांच सालों में कोई फ्रॉड वर्ड नहीं किया और कंपनी को बनाने के लिए जो भी हमने सब करके लिए तो एक डिक्लेरेशन कौन दे रहा है प्रोफेशनल दूसरा डिक्लेरेशन कौन दे रहा है आपका सब्सक्राइबर ठीक है सर तो आपने एमओए दिया एओए दिया साथ में डिक्लेरेशन प्रोफेशनल दे रहा है डिक्लेरेशन कौन दे रहा है सब्सक्राइबर कंपनी तो के डायरेक्टर के बारे से बताओ डी आई आर ट्वेल्व लगता है उसमें कंपनी का डायरेक्टर कौन है उसका रिटर्न कंसेंट आपने लिया है कि नहीं ये बता दो अरे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किधर रहेगा वो तो बताओ तो हम बोले आरोपी अभी रजिस्टर्ड ऑफिस ना हम देख रहे हैं हमको जगह नहीं मिली है तो बोले अरे टेम्पररी तो बताओ तो बोले अभी टेम्प्ररी बताओ दो इनकॉर्पोरेशन के वक्त और इनकॉर्पोरेशन जैसे ही हो गया वहां से थर्टी डेज के अंदर जो परमानेंट ऑफिस रहेगा वो बता देना बोले ठीक है भाई ये भी चल जाएगा बहुत बढ़िया हो गया अब आप ये सारे डॉक्यूमेंट किसको दोगे आरोसी आर को दो क्या क्या दोगे वापस से रिपीट करता हूं ताकि आपको एग्जाम में ख्याल आ जाए MOA दोगे AOA दोगे MOA और AOA के साथ डिक्लेरेशन प्रोफेशनल देगा डिक्लेरेशन सब्सक्राइबर देगा डायरेक्टर्स का पर्टिकुलर बताओगे उनका रिटर्न कंसेंट दोगे रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे से बताओगे या तो टेम्प्ररी या तो परमानेंट अभी टेम्पररी बता रहे हो तो इनकॉर्पोरेशन से तीस दिन के अंदर परमानेंट अभी अगर परमानेंट बता रहे हो तो इनकॉर्पोरेशन के बाद कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है आप पर्टिकुलर सब बताओगे सब्सक्राइबर का कितने लोग हैं आपकी कंपनी में कौन कौन सब्सक्राइबर है उनका नाम क्या है उनका एड्रेस क्या है उनका प्रोफेशन क्या है ये सारा डॉक्यूमेंट दे दिए अब आरोसी इन सारे डॉक्यूमेंट्स अगर संतुष्ट होता है कि हां भाई पूरा सेक्शन सेवन का कंप्लायंस किया है इसके बदले आपको देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी जिसमें कंपनी का सिन नंबर रहेगा कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर और वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इस बात का सबूत रहेगा कॉन्क्लूसिव एविडेंस रहेगा कि आपकी कंपनी अस्तित्व में आ चुकी है आओ इसको पढ़ के लेते हैं फटाफट देखो राजा क्या लिखा हुआ है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल आपको साइन साइन करके कौन करेगा सारे सब्सक्राइबर साइन करेंगे आरओसी को दे देंगे डिक्लेरेशन कौन देगा या तो एडवोकेट या तो सीए या तो आप या तो कंपनी सेक्रेटरी जो कि इंगेज फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी में बरोबर है क्या ठीक है सर और आप डिक्लेरेशन देंगे कौन सब्सक्राइबर देखो बेटा कॉन्विक्ट भी भी नहीं हुआ है प्रमोशन फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनी यानी कि आज मैं कंपनी बना रहा हूं इसके पहले कोई और कंपनी के प्रमोशन फॉर्मेशन मैनेजमेंट में कन्विक्ट नहीं हुआ हूं मैं कभी भी गिल्टी नहीं हुआ पिछले पांच सालों में कोई भी फ्रॉड मैंने नहीं किया सारे डॉक्यूमेंट जो हम आरओसी को दे रहे हैं एकदम कंप्लीट दे रहे हैं ट्रू दे रहे हैं और हमारी नॉलेज में जितना हम सब बता रहे हैं ट्रांसपेरेंट है कोई भी गलत जानकारी देके कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं डिक्लेरेशन दे दिया एड्रेस दे दो करस्पॉन्डेंट के लिए जब तक आपका परमानेंट रजिस्टर्ड ऑफिस स्टेब्लिश नहीं हो जाता सारे सब्सक्राइबर का पर्टिकुलर दे दो सारे ऑफ पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल की कंपनी के डायरेक्टर कौन है उसका रिटर्न कंसेंट भी लगेगा बरोबर है क्या कंसेंट भी लगेगा ये सारे डॉक्यूमेंट दिए तो आर कंपनी को क्या करके देगा इनकॉर्पोरेट अब राजा एक बात और सुनना हाल में एक नया सेक्शन इनकॉर्पोरेट किया गया सेक्शन टेन ए। क्या होता था राजा मैं आपको बताता हूं आपको पता होगा कि जब आप कंपनी बना रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर रहे हो सब्सक्राइब यानी कि भाई कुछ शेयर्स आपको लेने पड़ेंगे मेंबर कैसे बनोगे ना आप कंपनी के आपको कुछ तो शेयर्स लेने पड़ेंगे तो जैसे कि मान लो आपने दस दस शेयर ले लिए दस दस रुपए के दस दस शेयर ले लिए रुपए के और ऐसे करके कंपनी बना दी मैं कहता हूं एक मेंबर ने दस लगाया, दूसरे मेंबर ने ने लगाया दूसरे लगाया कैसे लगाएंगे एक हजार शेयर रहेगा सौ रुपए का एक रहेगा ये नलायक क्या करते थे पता है क्या खुद के शेयर्स भी जो लेते थे ना उसमें पार्टली पेमेंट करते थे यानी कि अगर दस के कैपिटल के लिए वो एग्री किए तो पांच रुपए पे करते थे और खुद का पैसा छोटा सा लगाते थे बैंक से या क्रेडिटर से या बाकी के मेंबर से पैसे लगवाते थे कंपनी में दूसरे का कैपिटल यूज करना या तो ओन्ड फंड या तो बोरोड फंड और कंपनी का धंधा शुरू करते थे इससे तकलीफ क्या होती थी खुद का पैसा साले लगाए हैं इतुसा बैंक से पैसा ले लिए इतना बड़ा खुद का पैसा लगा नहीं तो बिजनेस में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे नुकसान हो जाता था किसका क्रेडिटर का तो एक सेक्शन टेन ए लेके आया वो बोलता है कि कंपनी भले इनकॉर्पोरेट हो गई है लेकिन कंपनी को उसका धंधा हम तब तक चालू नहीं करने देंगे कमेंट्स नहीं करने देंगे ना तो बोरोइंग पावर लेने देंगे बैंक से लोन भी लेने देंगे क्रेडिटर से भी लोन नहीं लेने देंगे जब तक कंपनी का डायरेक्टर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से 180 दिन के अंदर इस बात का डिक्लेरेशन नहीं दे देता कि हमारी कंपनी के सब्सक्राइबर ने जितने वैल्यू ऑफ शेयर लेने के लिए एग्री किया था ना उन्हें पूरा पूरा ले लिया दस का बोले थे ना पूरा ले लिया अपना पैसा पूरा लगा दिया हाँ, अपना पैसा पूरा लगा दिया है ना अब तू बिजनेस चालू कर अब तू अपना बोरिंग पावर एक्सरसाइज कर जब तक साले तुम्हारा खुद का पैसा नहीं लगा रहेगा तब तक ना तो बिजनेस चालू करने देंगे ना तो बोरिंग पावर करने देंगे बरोबर है क्या ये डिक्लेरेशन राजा डायरेक्टर देगा और डायरेक्टर जो डिक्लेरेशन देगा ना वो सी एस सी एस सी एम ए के द्वारा वेरीफाइड रहेगा बरोबर एक ये डिक्लेरेशन दूसरा आपको मैंने बताया था ना इनकॉर्पोरेशन से थर्टी डेज के अंदर आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बताना रहता है आई एन ट्वेंटी टू पे ये भी आपको बताना पड़ेगा तब तक आप ना बोरोइंग पावर एक्सरसाइज करोगे ना तो कंपनी का धंधा शुरू करोगे मान लो आपने ये नहीं किया आपने ये नहीं किया मैं कहता हूं चलो डिक्लेरेशन फाइल किया आपने आईएनसी 22 फाइल नहीं किया जो रजिस्टर्ड ऑफिस बताता है आरओसी को अगर डाउट आया कि साला ये डिक्लेरेशन तो दिया लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बताया आरओसी फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए घुस सकता है जो आपने टेम्पररी एड्रेस दिया होगा ना पहले वहां घुस सकता है पूछताछ कर सकता है और पूछताछ करने में अगर उसको पता चलता है कि भाई ये कंपनी फालतू की कोई बिजनेस विजनेस करनी नहीं इसका कोई रजिस्टर्ड ऑफिस भी नहीं है रजिस्टर ऑफ कंपनी के डेटा से कंपनी का नाम ही उड़ा देगा स्ट्राइक ऑफ कंपनी खत्म बंद डिजोल्ट एवरीबॉडी ये देखो न्यू सेक्शन टेन ए इंट्रोड्यूस किया गया है यह कहता है कंपनी अपना धंधा शुरू नहीं करेगी जब तक डायरेक्टर डिक्लेरेशन नहीं देगा 180 दिन में कि हर सब्सक्राइबर ने जितना एग्री किया था उतना शेयर्स ले लिया और रिटर्न फाइल करेगा ठीक है अब यहां पे देखो 12 ए जो है ये क्या बोलता है नेम ऑफ कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा अगर पता चलता है कि कोई भी ऑफिस नहीं है कंपनी का फिजिकल वेरिफिकेशन में स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा पक्की बात है दोस्तों यहां तक की चीजें समझ में आई क्या राजा फटाफट बोलो यहां तक की चीजें समझ में आई एवरी बर्डी एवरी बर्डी यहां तक की चीजें समझ में आई एवरी बर्डी ठीक है चलिए बहुत बड़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया जीवन में आगे बढ़ते हैं अब देखो ये समरी है राजा स्टेप नंबर वन पहले तो आप टाइप ऑफ कंपनी को सेलेक्ट करोगे प्राइवेट बनाना चाहते हो पब्लिक बनाना चाहते हो गवर्नमेंट कंपनी बनाना चाहते हो कैसी कंपनी बनाना चाहते हो फिर प्रमोटर को नाम सेलेक्ट करना पड़ता है अपने के लिए और फिर उसको फॉर्म्स भरने पड़ते हैं फॉर्म्स कौन सा आएगा है है क्या ये 32 जो है इसको बोलते हैं परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली थर्टी टू स्पाइस प्लस इसको बोलते हैं आप आर को दोगे जिस आर के आप जोरिस्डिक्शन में आ रहे हो जैसे ही आपका क्या हो जाएगा नाम अवेलेबल हो जाएगा नाम अवेलेबल होने से बीस दिन के अंदर आपको ये देना है क्योंकि बीस दिन के लिए आपका नाम रिजर्व रहता है ठीक है थीके? अब आप इसके साथ 22 गया। 22 आपको कब देना है जब आप इनकॉरपोरेशन के वक्त परमानेंट ऑफिस नहीं बता रहे हो टेम्पररी बताए बता बता तो इनकॉर्पोरेशन से तीस दिन के अंदर आई एनसी ट्वेंटी टू आपको किसको देना है आरओसी को देना है ये देखो आईनसी ट्वेंटी थर्टी डेज आपके जून सेवेंटीन में फिलिंग हुआ ये सब हो गया आरओसी आपको क्या दे देगा सर्टिफिकेट ऑफ रहेगा आई 11 में ये 11 के लिए हो सकता है। बराबर है क्या चलिए बहुत इंपॉर्टेंट भयंकर टॉपिक भाई भयंकर इंपॉर्टेंट टॉपिक या तो शॉर्ट नोट्स में या तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में एक दो तीन चार पांच क्वेश्चन देखो

क्या बोल रहा है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है राजा सेक्शन नंबर तेरा जो है सेक्शन नंबर तेरा जो है ये बात करता है अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम की अब मेमोरेंडम में कितने क्लॉज होते हैं ये समझो टोटल छह क्लॉज होते हैं राजा मेमोरेंडम में बरोबर है क्या पहला नेम क्लॉज दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज चौथा लाइबिलिटी क्लॉज पांचवा कैपिटल क्लॉज और छठवा आपका रहता है एसोसिएशन क्लॉज बराबर है क्या राजा आप देखो ऐसा है कि क्लॉज है अब एक बात को समझना नाम बदलना है रजिस्टर्ड ऑफिस बदलना है और ऑब्जेक्ट बदलना है ये स्टार्टिंग के जो तीन है ये फ्रीक्वेंट चेंज होते रहते हैं और इसके लिए ही प्रोविजन ज्यादा है फ्रीक्वेंट चेंज होते रहते हैं मतलब बार बार कंपनी चेंज नहीं करती है जरूरत हमको इन्हीं तीन चीज की पड़ती है चेंज करने के लिए बराबर इसके अलावा राजा जो लाइबिलिटी क्लॉज है

सर uh, एक आपने चेंज बताया था सर ओपीसी का नॉमिनी जो है अपना कंसेंट विड्रॉ भी कर सकता है और ओपीसी का जो मेंबर है वो चेंज भी कर सकता है तो सर वो तो नॉमिनेशन क्लॉज चेंज हो रहा है राजा यही बात तो लिखी है सेक्शन तीन पे कि कहता है कि भाई देखो हमने मेंबर को चेंज करने का भी अधिकार दिया और नॉमिनी को उसकी कंसेंट विड्रॉ करने का भी अधिकार दिया तो जो नॉमिनेशन क्लॉज रहेगा ओपीसी में वो एक्चुअल में तो चेंज होगा क्योंकि हर बार जब, जब नॉमिनी बदलेगा तब तो चेंज होगा लेकिन सेक्शन तीन बोलता है उस चेंज चेंज को तुम चेंज मानना ही मत तो जब उस चेंज को तुम चेंज ही नहीं मान रहे हो तो सेक्शन तेरह में वो आएगा ही नहीं बराबर है तो मोटा मोटा राजा आपके तीन क्लॉज है एक तो नाम क्लॉज दूसरा आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज और तीसरा आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज एसोसिएशन में कोई चेंज आने वाला नहीं है लाइबिलिटी एस आर पास करके चेंज हो जाएगी कैपिटल क्लॉस चेंज होगा आपका चैप्टर नंबर फोर पे तो पढ़ना क्या है यहाँ पे तीन क्लॉस एक मास्टर चार्ट करवाऊंगा सब खत्म करवा दूंगा और आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा बोलो आपको ब्लूप्रिंट क्लियर हुआ क्या सेक्शन नंबर तेरह का कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं ब्लूप्रिंट क्लियर हुआ क्या राजा फटाफट बोलेंगे ब्लू प्रिंट क्लियर हुआ क्या राजा फटाफट बोलेंगे आओ अपना क्वेश्चन समझ लेते हैं तो ब्लू प्रिंट क्लियर हो गया अब आगे की चीजों को समझते हैं ध्यान से समझना क्या बोल रहा है राजा समझो देखो क्या लिखा है डिस्कस करिए प्रोसीजर ऑफ 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 मेमोरेंडम एसोसिएशन एस पर दंपनी दो हजार तेरह सीधा आपको बोल दिया प्रोसीजर बताओ मेमोरेंडम को अल्टर करने के लिए क्या रहता है जून सत्रह में दस मार्क्स का है मॉडल क्वेश्चन टेस्ट पेपर में सात मार्क्स का है और अगेन मॉडल क्वेश्चन पेपर में दस मार्क्स का दिया हुआ है बरोबर है क्या दूसरा अपने को क्या बोल रहा है राजा प्रोसीजर बताओ अगर हमको रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो क्या प्रोसीजर रहेगा अगेन ये रजिस्टर्ड ऑफिस का अल्ट्रेशन आप कर रहे हो तो प्रोसीजर आ गया तीसरा राजा अपने को बोल रहा है डिस्कस करिए शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सेम स्टेट यानी कि आप आप जैसे मान लो छत्तीसगढ़ में हो मैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मेरा ऑफिस है मैं बिलासपुर से रायपुर जाना चाहता हूं तो स्टेट सेम है बट मैं सिटी बदल रहा हूं

वो डिसाइड कर रहा है कि कंपनी टेकअप करेगी बिजनेस ऑफ केमिकल मैन्युफैक्चर केमिकल प्रोसेसिंग का एक्टिविटी बिकॉज द डाउनवर्ड ट्रेंड इन रियल स्टेट बिजनेस रियल स्टेट का बिजनेस मंदा होते जा रहा है तो रियल स्टेट सब हाथ हटा के हम केमिकल की प्रोसेसिंग शुरू करेंगे यानी कि अपना ऑब्जेक्ट बदलना चाह रहे हैं क्या बदलना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट ठीक है object, कोई भी प्रोविजन नहीं है देर इज नो प्रोविजन इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम टू इनेबल द कंपनी टू कैरी ऑन सच बिजनेस भाई वो केमिकल वाला तो धंधा लिखा ही नहीं तुम्हारे ऑब्जेक्ट में तो नहीं कर पाओगे तो रीजन के साथ बताइए क्या ऑब्जेक्ट क्लॉस को अमेंड किया जा सकता है और अगर किया जा सकता है तो प्रोसीजर बताइए कि ऑब्जेक्ट क्लॉस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं ये भी मॉडल क्वेश्चन टेस्ट पेपर में दिया है सात मार्क्स का राजा ठीक है अब बात को सुनना ये राजा मास्टर चार्ट है आपका दिल खुश हो जाएगा यही मास्टर चार्ट के बेसिस में आप पूरा प्रोविजन भी लिख सकते हो एक बार आपको मैं डिटेल में पढ़ा दिया फिर आप एग्जाम के पहले मास्टर चार्ट को देखो आपका दिन बन जाएगा सुनना मेरी बात को सेक्शन तेरह के अंदर राजा टोटल ग्यारह सबसेक्शन है टोटल कितने सबसेक्शन है ग्यारह सुन के घबराना मत मतोरे माकसम ग्यारह सबसेक्शन है अभी याद करा दूंगा एक सेकंड के अंदर एक सेकंड के अंदर ऐसे इंजेक्शन मारूंगा खट से पूरा सेक्शन सबसेक्शन घुसने लग जाएगा दिमाग में सुनना ध्यान से तकिया कलाम है कहता है आपको ऑब्जेक्ट रजिस्टर्ड ऑफिस का नेम का लाइबिलिटी का कैपिटल का कोई भी क्लॉज आपको चेंज करना हो बराबर है क्या कोई भी क्लॉज आपको चेंज करना हो कोई भी क्लॉज ऐसा लगेगा मतलब लगेगा ये सेक्शन तेरह का सब सेक्शन नंबर वन बोल रहा है कोई सा भी कोई सा भी क्लॉज चेंज करना हो एस लगेगा ठीक है सर समझ में आ गया सेक्शन तेरह का सबसेक्शन टू और सबसेक्शन तीन बोलता है अगर तुमको क्या चेंज करना है नाम चेंज करना है तो दो और तीन को कंप्लाई करना पड़ेगा अब सर दो और तीन में क्या लिखा हुआ है मेरे को बताएंगे क्या दो में बोल रहा है कि अगर आपको नाम चेंज करना है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल तो लगेगी और अप्रूवल ले लो नाम चेंज करो आर को बता दो आर आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट देगा आपका नाम चेंज हो जाएगा तो दो में राजा बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल तो लगेगी और तीन में बोला है राजा नाम किसी दूसरी कंपनी के नाम से मैच नहीं खाना चाहिए अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए दूसरी कंपनी का नाम चोरी करके अपने का नाम रख रखो क्या नहीं होने वाला ऐसा और चार यही बोल रहा है कि आप अपनी नाम कंपनी के नाम पे ना वर्ड यूज करना चाहते हो भारत हिंदुस्तान इंडिया ये सब वर्ड यूज करना चाह रहे हो तो चार बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल लगेगी वो भी राइटिंग में तो जो थे, भारत पे उनकी का नाम है, ये भारत वर्ड उनने से किया है।, है क्या हिंदुस्तानी लिमिटेड ये हिंदुस्तान वर्ड वो भारत सरकार से राइटिंग में अप्रूवल लेके यूज कर रहे हैं ये बात चार पे लिखी हुई है और सोलह क्या बोलता है बोलता है मान लो तुम गलती से किसी ऐसी कंपनी के नाम से रजिस्टर हो गए जिस कंपनी का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है जैसे अर्जुन छाबड़ा टूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड कंपनी है एक दूसरी कंपनी आ गई अर्जुन छाबड़ा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड अब ये नाम आइडेंटिकल नहीं है सिमिलर है एकदम सिमिलर है टाटा सन्स बनी हुई तुमने बना दिया टाटा डॉटर्स अब ये सेक्शन 16 बोलता है कि साले तुम किसी दूसरी कंपनी के नाम से अगर रजिस्टर कर लोगे अपने कंपनी के नाम को दूसरी कंपनी का नाम चोरी करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट डंडा डाल के तुम्हारे को नाम चेंज कराएगी 16 के अंदर ये लिखा है तो यहाँ पे पूरे के पूरे प्रोविजन जो राजा है वो सिर्फ नाम की बात करते हैं मैं एक बार रिपीट करता हूँ सेक्शन तेरा दो बोलता है सीजी की अप्रूवल लेना पड़ेगा नाम चेंज करने के लिए सेक्शन तेरह तीन बोलता है नाम चेंज करने के लिए अप्रूवल लिया आर को बता देना आरोप नया सर्टिफिकेट देगा जब तक नया सर्टिफिकेट नहीं आएगा नाम चेंज माना नहीं जाएगा चार बोलता है भारत हिंदुस्तान इंडिया ये सब वर्ड यूज करना है सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर रिटर्न अप्रूवल लेना पड़ेगा सोलह बोलता है साला किसी और कंपनी का नाम चोरी करके रख लियो तो सेंट्रल गवर्नमेंट डंडा कर देगा ठीक है सर अब बात आ रही चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस की बरोबर है क्या किसकी बात आ रही है, of है. चेंज हो सकता है राजा बिल्कुल बात को ध्यान से समझना बराबर है क्या रजिस्टर्ड ऑफिस चार तरीकों से चेंज हो सकता है बात को बिल्कुल ध्यान से समझना एक होता है इन द सेम सिटी अभी मैं पुणे में बैठा हुआ मैं पुणे के प्रेस्टीज पॉइंट में बैठा हुआ बरबर है क्या अब मैं पुणे के प्रेस्टीज पॉइंट में अगर बैठा हुआ हूं मेरे को अब ये प्रेस्टीज पॉइंट जो शुक्रवार पेट वाला एरिया है ये शुक्रवार पेट से मेरे को कोथरूड वाले एरिया में जाना है अरे तो भैया मैं सेम स्टेट के सेम सिटी में बस अपना एरिया बदल रहा हूँ इसके लिए बोलता है भाई तू एस मत पास कर रहे गरीब आदमी बीआर पास कर बोर्ड मीटिंग में नमस्ते लंदन कर बोले ठीक है कोई बात नहीं अब सिटी के बाहर जाना चाहते हो विद इन द सेम स्टेट मैं पहले बिलासपुर में था अब मैं रायपुर जाना चाहता हूं बरोबर है क्या स्टेट सेम है सिटी बदल रहा हूं तो बोले कोई बात नहीं एसआर पास कर एसआर पास करने के बाद एसआर पास करने के बाद एमजीटी 14 जब जब एसआर पास होता है राजा तो एमजीटी 14 आता है एसआर पास कर और 30 दिन के अंदर एमजीटी 14 दे देना किसको आरओसी को और जैसे ही तूने अपना ऑफिस चेंज किया ना वहां से तीस दिन के अंदर तेरे को आई में ट्वेंटी को इनफॉर्म करना पड़ेगा कि भाई अब थर्टी डेज तो तो में जाएगा और आई एन सी ट्वेंटी टू भी जाएगा जिसमें आप बताओगे कि अब मैं बिलासपुर से रायपुर शिफ्ट हो चुका हूं ये मेरा रायपुर वाले रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है आई एनसी ट्वेंटी टू में तो भैया MGT फोर्टीन और आई 22 ट्वेंटी टू ये दोनों, के दोनों मैं 30 दिन के अंदर को दे दूंगा ठीक है सर बहुत बढ़िया अब आप एक स्टेट बदलना चाह रहे हो साला छत्तीसगढ़ से सीधा जा रहे हो गुजरात छत्तीसगढ़ से सीधा जा रहे हो कर्नाटका छत्तीसगढ़ से सीधा जा रहे हो आंध्रा छत्तीसगढ़ से सीधा जा रहे हो सीधा स्टेट ही बदल ले रहे हो हरियाणा जा रहे हो दिल्ली जा रहे हो है क्या स्टेट बदल रहे हो बड़ी बात हो गई भाई साहब बड़ी बात हो गई तो स्टेट जब बदल रहे हो तो यहां पे सेक्शन तेरह पांच सात लगता है ये क्या एस आर भी लगेगा एस लगेगा तो एमजीटी 14 भी लगेगा और साथ में आई एनसी भी लगेगा लेकिन आई एनसी के पहले रुक जाओ रुक जाओ आरडी का अप्रूवल लगेगा रीजनल डायरेक्टर का स्टेट बदल के जा रहे हो 21 दिन में पैसा डबल किया और अब स्टेट बदल किया 21 दिन में पैसा डबल करके स्टेट बदल करने नहीं देंगे आपको लगेगा आई 23। ट्वेंटी थ्री आई एन सी ट्वेंटी थ्री आप आरडी को बोलोगे आरडी आर डी अप्लाई करोगे आई एनसी ट्वेंटी थ्री में रीजनल डायरेक्टर भाई साहब परमिशन दे दो स्टेट बदलने साथ में चिल्ला चिल्ला के स्कीम बताओगे आई एनसी ट्वेंटी सिक्स में हल्ला करके बताओगे जो स्टेट को छोड़ के जा रहे हो ना हम जा रहे हैं आईएनसी 26 में से हल्ला कर करके बताना है कि हम जा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट करना है और उसके बाद आपके पास जो रीजनल डायरेक्टर का ऑर्डर आएगा वो आएगा आईएनसी 28 में या आईएनसी 28 में रीजनल डायरेक्टर का ऑर्डर आएगा ये आप दोगे किसको पता है क्या आर को दोगे कौन से आर को दोगे पता है जिसके पास जा रहे हो ना उसके पास और दोनों आर को जिसके पास से जा रहे हो उसको टाटा करोगे बताओगे उसको आई एन में कि तेरे को छोड़ के उधर जा रहा हूं और जिसके पास आ रहे हो उसको बताओगे इसको छोड़ के तेरे पास आ रहा हूं ये पूरा मास्टर चार्ट बना हुआ है नीचे अभी दिखाऊंगा मैं आपको बराबर है क्या ठीक है अब लास्ट में आता है आप विद इन द सेम स्टेट हो लेकिन अब आपका आरोसी बदल रहा है ये थोड़ा सा अच्छा वाला पॉइंट है आप स्टेट नहीं बदल रहे हो राजा स्टेट आपका वही है लेकिन आपका आरोसी बदल रहा है सर ये कब होगा ये सिर्फ और सिर्फ दो ही केस में हो सकता है दो ही स्टेट में हो सकता है एक महाराष्ट्र में, में हो सकता है और एक तमिलनाडु में हो सकता है महाराष्ट्र में राजा दो है एक मुंबई में है और एक पुणे में है बराबर है क्या एक मुंबई में है और एक है पुणे में है और एक तमिलनाडु के अंदर एक चेन्नई में है और एक कोयम्बतूर में अब मानो एक एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करिए महाराष्ट्र के अंदर छह सिटी है सिटी नंबर वन टू थ्री पुणे आरोसी के अंदर आती है सिटी नंबर फोर फाइव सिक्स मुंबई आरोसी में आती है अब मैं तीन नंबर वाली सिटी से उठ के जा रहा हूँ छह नंबर वाली सिटी में अब जैसे ही मैं नंबर वाली सिटी में जा रहा हूं, यहां पे तो भैया मुंबई का जो रिस्ट्रिक्शन है मेरा स्टेट सेम है मैं सिटी बदल रहा हूं उसकी वजह से मेरा आर बदल रहा है तो बोले बस सेम प्रोसीजर सिर्फ आपको एक चीज नहीं करनी है आपको पेपरबाजी करने की जरूरत नहीं है आई एनसी ट्वेंटी में क्योंकि आप स्टेट छोड़ के नहीं जा रहे हो आप स्टेट सेम है आपका तो आप एसआर पास करोगे एमजीटी फोर्टीन दोगे आई एनसी ट्वेंटी थ्री में रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल लोगे आई एनसी ट्वेंटी एट में उसकी अप्रूवल की सर्टिफाइड ऑर्डर की आदि आरओसी को दोगे और आरओसी को आई एनसी ट्वेंटी बात खत्म

मैं नाम चेंज करवाना शुरू करवा रहा हूं नाम चेंज कैसे होगा समझना सबसे पहले क्या बोला भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना नाम चेंज करने के लिए किसने बोला सेक्शन थर्टीन के सबसे टू पे बोला बरोबर है क्या अब राजा ऐसा है नाम चेंज करना है लेकिन बोलता है यार सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल ना हर केस में नहीं लेना नाम चेंज करते वक्त कुछ कुछ केस में लेना है कुछ कुछ केस में मैं बता क्या क्या, क्या क्या कुछ 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 कुछ, -कुछ है बोलता है कि अगर तुम नाम ऐसा चेंज कर रहे हो जिसमें तुम नाम में सिर्फ ऐड करोगे या डिलीट करोगे शब्द प्राइवेट यानी कि या तो तुम प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बन रहे हो या तो तुम पब्लिक कंपनी से प्राइवेट बन रहे हो अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड से मैं अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल लिमिटेड बन रहा हूं लिमिटेड प्राइवेट से पब्लिक बस सिर्फ प्राइवेट शब्द का फर्क है सीजी का कोई अप्रूवल का जरूरत नहीं है मैं अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल लिमिटेड से यानी कि एक जो पब्लिक कंपनी है उससे मैं बढ़ रहा हूँ अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड बोले बस प्राइवेट वर्ड को ऐड किया बोले हाँ तो बोले जहां पे तुम्हारे नाम में सिर्फ और सिर्फ चेंज इतना ही है कि तुम प्राइवेट वर्ड को या तो ऐड कर रहे हो या तो प्राइवेट वर्ड को डिलीट कर रहे हो सीजी की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है एसआर पास करो को इन्फॉर्म करो आर आपको सर्टिफिकेट देगा आपका नाम चेंज होगा जय माता दी लेट्स रॉक होगा बरोबर है क्या ठीक है सर बहुत बढ़िया नाम चेंज हो गया सर और चार तो आप बताई दियो कि दूसरी कंपनी होना नहीं चाहिए और सोलह भी आप बता दियो चलो नाम चेंज हो गया आओ नाम चेंज को पढ़वा देता हूँ फटाफट देखो लिखा हुआ है सबसे पहले राजा लगेगा स्पेशल रेजोल्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या लगेगी अप्रूवल लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल कब नहीं लगेगी जब डिलीट कर रहे वर्ड प्राइवेट और एडिशन कर रहे वर्ड प्राइवेट बस इतना ही कर रहे हैं और कुछ नहीं है ठीक है आपका नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए सेक्शन चार के हिसाब से कंपनी फाइल करेगी रजिस्ट्रार के पास कॉपी ऑफ क्या स्पेशल रेजोल्यूशन ठीक है कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सीजी अगर आपको लेना पड़ेगा CG की अप्रूवल क्योंकि अगर आप नाम पे अगर ज्यादा चेंज किए तो अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड से अर्जुन रजिस्ट्रार आपका नाम वाला नया वाला नाम एंटर कर देगा फ्रेश सर्टिफिकेट आपको दे देगा चेंज तब तक चेंज और कंप्लीट और इफेक्टिव नहीं माना जाएगा जब तक फ्रेश सर्टिफिकेट आर से नहीं मिलता बधाई आपने नाम चेंज कर लिया है ठीक है जीवन में आगे बढ़ते एक नंबर क्वेश्चन आ गया राजा एक नंबर ये भी नाम के है सोलह तो क्या बोलता है सेक्शन सोलह पहले सुन लो फिर क्वेश्चन पढ़ना खट से बन जाएगा पहले सोलह सुन लो बोल क्या रहा है राजा सेक्शन सोलह क्या बोल रहा है सोलह का सेक्शन सिक्सटीन सबसेक्शन नंबर वन में एक तो क्लॉज ए है और एक क्लॉज बी है ए वाला क्लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, बी वाला क्लॉज रजिस्टर्ड के लिए। वापस से बोल रहा हूं सोलह जो है उसका सब सेक्शन नंबर कि अगर किसी कंपनी ने अपने को कंपनी ने नहीं अगर किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन ने अपने को क्या कराया रजिस्टर ये पहली बार रजिस्टर हुए अब ये साले पहली बार रजिस्टर्ड हुए अर्जुन छाबड़ा क्लासेस के नाम से साला मेरा नाम है अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल मेरी कंपनी का ये पहली बार रजिस्टर हुए हो सकता है कोई कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर है अब वो अपना नाम चेंज कर रही है तो जब चेंज की ना तो चेंज करके किसी दूसरी कंपनी के नाम से मैच कर गया उसका नाम तो कहता है सेक्शन सिक्सटीन वन ए के अंदर अगर कोई 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 एसोसिएशन ऑफ पर्सन अपने पहले रजिस्ट्रेशन में उस कंपनी के नाम से रजिस्टर हो जाता है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या तो नाम चेंज करके उस कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड हो जाता है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और सेंट्रल गवर्नमेंट बात से संतुष्ट हो जाती है हाँ इसका नाम तो आइडेंटिकल है या तो सिमिलर है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट करेगी बोले कंपनी नाम चेंज नाम चेंज तीन महीने के अंदर नाम चेंज करने बोलेगी तीन महीने के अंदर नाम चेंज अब कंपनी क्या बोलेगी अरे सीजी सीजी नाम चेंज करना है तो एस पास करना पड़ेगा अब शेयर होल्डर नाराज हो जाएंगे जब, ना, तो जब सीजी ऑर्डर कर रहा है तो ओ से नाम चेंज होगा तीन महीने में ओ पास कर नाम चेंज कर चल बरोबर है ये सेक्शन सिक्सटीन वन का क्लॉज है अब सेक्शन सिक्सटीन वन का क्लॉज बी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सपना नहीं आया बेचारा जो दूसरा वाला व्यक्ति था ना जिस कम, जिसका नाम चुरा के ने रजिस्टर किया उसका अब हो सकता है भाई देखो मैं हूं मैं मान लो सोल प्रोपराइटर हूं मेरा अर्जुन छाबरा ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है साला इसी नाम से तुमने कंपनी बना लिया मैं सोल प्रोपराइटर हूं तो मैं नाराज होऊंगा तो रजिस्टर्ड प्रोपराइटर सीजी के पास जाएगा एप्लीकेशन लेके पत्र लिख के अपना लोगों का कॉपी दूंगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाऊंगा कि देखो यार सीजी क्या चल रहा है साला मेरे नाम से अपना कंपनी बना ली ये तो मेरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है अब सीजी अगर देखेगी और संतुष्ट हाँ साहब ये तो गलत हुआ आपके छावड़ा साथ छावड़ा साहब के एप्लीकेशन में अगेन सीजी अब डायरेक्ट करेगी किसको आरओसी ओसी को बोल रहा हूं कंपनी को कि कंपनी नाम चेंज कर तीन महीने में ओ पास करके तो ए के अंदर सीजी खुद कर रही है बी के अंदर सीजी एप्लीकेशन में कर रही है ठीक है सर कंपनी को डायरेक्ट किए कंपनी को तीन महीने में नाम चेंज करना पड़ेगा ओ पास करके जैसे ही कंपनी ने ओ पास करके नाम चेंज किया वहां से पंद्रह दिन के अंदर कंपनी को आरओसी को बताना है वो ये देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था तो हमने नाम चेंज किया है अपना ओ पास करके नया वाला नाम एंटर कर दो रजिस्टर में और नया वाला सर्टिफिकेट दे दो आरओसी नया नाम एंटर करेगा नया वाला सर्टिफिकेट दे देगा सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं मानती कंपनी तो क्या अपने आप को बहुत बाहुबली समझ रही है बरोबर है क्या बोले उस परिस्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट का दिमाग खराब हो जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नाम से एक नाम अलॉट कर देगी अपनी मर्जी से बोले ले कंपनी आज से तेरा नाम ये योगी आदित्यनाथ बन जाएगी कंपनी कंपनी नहीं सीजी जी कर देगी बोले आज से तेरा नाम ये और वो जो नाम दे दिया सीजी ने उसी नाम से नया सर्टिफिकेट दे देगी दे कौन आर और वही कंपनी का नाम रहेगा तो अब आपके दिमाग में आएगा अरे सर अब कंपनी अपना नाम नहीं चेंज कर पाएगी क्यों तो आर ने नाम दे दिया कोई दिक्कत नहीं सीजी ने जो नाम दिया इसलिए दिया क्योंकि तुम नाम चेंज नहीं कर रहे थे इसलिए अब कंपनी अपने से नाम चेंज करना चाहे तो अब उसको पूरा एस पास करना पड़ेगा और नाम चेंज करेगी नहीं तो सीजी ने जो नाम दिया है वही वाला नाम चलने दो बहुत बढ़िया ये देखो खत्म हो गया पूरा कंसेप्ट बराबर है क्या तो सुनना एक्स वाई जेड लिमिटेड है एक नई कंपनी है रजिस्टर की है इट्स नेम को और अपने ट्रेडमार्क को दो महीने बाद अपने नाम के रजिस्ट्रेशन से उनको नोटिस में आता है

वो एक्सट प्राइवेट लिमिटेड आइडेंटिकल है तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डायरेक्ट करेगी तीन महीने में नाम चेंज कर रजिस्टर्ड प्रोपराइटर है जो ट्रेडमार्क प्राइवेट लिमिटेड अगर वो एप्लीकेशन कर रहा है सीजी को तो भी भाई तीन महीने की बात है मेंशन करिए प्रोसीजर क्या होगा कॉन्सिक्वेंस बताइए अगर एक्स वाइजेट लिमिटेड डिफॉल्ट करती है बोले कॉन्सिक्वेंसेज यही क्या है सीजी नाम दे देगी फिर वही वाला चला ना बरबर है क्या खत्म हो गई बात सेम बातें लिखी हुई बेटा जो बताया हूं पढ़ने की जरूरत नहीं है

सेम प्रोसीजर यहाँ पे रहेगा देखो सिर्फ आपको चीजें एनसी ट्वेंटी मेरे बहनों उम्मीद करता हूं आपको ये नोट्स ही रखे हुए साथ, साथ में आप रहे होंगे चलिए दोस्तों जीवन में आगे बढ़ते हैं फटाफट अब आते हैं अल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑब्जेक्ट क्लॉज भी बहुत ईजी है राजा ऑब्जेक्ट क्लॉज तो और इजी एकदम ऑब्जेक्ट क्लॉज हुआ खत्म पैसा हजम सुनना ऑब्जेक्ट कंपनी अपना क्या चल रही है नाम चेंज कर रही है राजा अब नाम चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा सुनना देखो राजा ऐसा है एक पब्लिक कंपनी होती है प्राइवेट 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 कंपनी 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 होती है भैया पब्लिक को इनवाइट कर ही नहीं सकती कि आइए हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट करिए ये तो पब्लिक कंपनी कर सकती है तो देखो बोले वैसे तो ऐसा है कि आप एसआर पास करो और अपने ऑब्जेक्ट लॉस को चेंज कर लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एस आर पास करो अपने ऑब्जेक्ट को चेंज कर लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं एस आर पास करो अपने ऑब्जेक्ट को चेंज करो लेकिन सुनो यदि तुमने प्रोस्पेक्टस इश्यू करके पब्लिक से पैसे रेस किए हुए और जिस ऑब्जेक्ट के लिए तुमने पैसे रेस किए थे उस ऑब्जेक्ट में अभी पूरे पैसे नहीं लगाए पैसे अभी बचे हुए हैं बचे हुए पैसे हैं और आप बोल रहे हो इस बचे हुए पैसे को हम किसी और ऑब्जेक्ट में लगाएंगे तो पब्लिक पागल है कि तुमने उसको प्रोस्पेक्टस में दिखाया कि हम ये काम कर रहे हैं पहले पैसे ले लिए अब कुछ और काम में पैसे लगाओगे ये तो गलत बात है इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं मान लीजिए कंपनी है जो सीसीटीवी कैमरा मैन्युफैक्चर करती है अब सीसीटीवी कैमरा मैन्युफैक्चर कर रही थी उसको पता चला कि भाई चाइना वाला भयंकर सीसीटीवी कैमरा यहां पे एक्सपोर्ट कर देता है वो भी सस्ते दाम में हमारा धंधा तो चल ही नहीं पाएगा तो उनने सोचा कि अब अपन क्या करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम करते हैं अब भैया तुम ऐसी कंपनी हो जो तुमने दिखाया हम सीसीटीवी कैमरा मैन्युफैक्चर करेंगे पब्लिक से तुमने पैसे उठा लिए अब तुमको लग रहा है सीसीटीवी कैमरा मैन्युफैक्चर करना तो भैया अच्छा धंधा नहीं है अब इस नाम को हम इस काम को हम चेंज करके ये पैसे को मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में लगाएंगे भैया अगर ऐसा है तो सिर्फ एस आर से काम नहीं चलेगा आपको दो न्यूज़पेपर के अंदर इस बात की जानकारी देनी पड़ेगी और इस बात का जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आप ऑब्जेक्ट क्यों चेंज कर रहे हो बताना पड़ेगा कि चाइना वाला बहुत चीप प्राइस में पे एक्सपोर्ट कर रहा है इसलिए अब उस बिजनेस में काम करने का मतलब नहीं है आपको दो न्यूज़पेपर में इसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि इसलिए हम अपना चेंज कर रहे हैं अब जब न्यूज़पेपर पढ़ के जो एग्जिस्टिंग मेंबर आपकी कंपनी में पैसा लगाए वो ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो जो ऑब्जेक्शन उठाएगा उसका पैसा वापस करना है एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना है उसको ले अपना पैसा मुंह पे मारो उसके भगाओ उसको बरबर है क्या तो राजा पहले एसआर और सिर्फ एसआर से काम नहीं चलेगा इस एसआर की पूरी डिटेल आपको दो न्यूज़पेपर में देनी पड़ेगी इंग्लिश न्यूज़पेपर और वर्णाकलर न्यूज़पेपर में उसमें जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा और जो शेयर होल्डर मानेगा नहीं उसको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा तब जाके आपका ऑब्जेक्ट चेंज होगा अरे सर हम पब्लिक से नहीं उठाए पैसा कोई पैसा हम उठाई नहीं तो बचने की तो बात ही नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं सार पास कर चेंज कर खत्म कर पब्लिक मत कर चल जान दे छोड़ आ जाओ अ कंपनी में अल्टर इज ऑब्जेक्ट पासिंग ऐसा अगर कंपनी ने रेस किया मनी कहां से पब्लिक से और पब्लिक से रेस करने के बाद बीच में देखो क्या लिखा है एंड पब्लिक से रेस तो किया है अब एंड का मतलब समझना मान लो तुमने पब्लिक से पैसे रेस किए जिस ऑब्जेक्ट के रेस किए थे वहां पूरा लगा दिया बच्चा कुछ भी नहीं है पेपरबाजी तब करनी है पब्लिक से पैसा उठाया और वो बचा हुआ है वो बचे हुए पैसे को कहीं और लगाना चाहते हो तो एंड वाला प्रोविजन करके पेपरबाजी करनी है नहीं तो नहीं करनी राजा सुनना बात को ध्यान से पार्ट ऑफ सच मनी रिमेन्स विद द कंपनी देन द कंपनी शैल नॉट अल्टर इट्स ऑब्जेक्ट फॉर विच इट रेज द मनी थ्रू प्रोस्पेक्टस अनलेस पहला तो क्या करो आप पब्लिश करो वन इंग्लिश न्यूज पेपर वन वन न्यूज पेपर बरोबर है क्या वहां पे आप क्या दोगे भैया वेबसाइट में भी डालोगे और वहां पे आप क्या दोगे जस्टिफिकेशन दोगे एग्जिट अपॉर्चुनिटी दोगे डिसेंटिंग शेयर होल्डर को कंपनी तीस दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास एसआर की कॉपी देगी रजिस्ट्रार तीस दिन के अंदर रजिस्टर करेगा अल्टर को और सर्टिफिकेट देगा आपको अल्ट्रेशन तब तक अल्ट्रेशन नहीं माना जाएगा जब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता दैट्स इट पे अपनी सारी चीजें हो जाती खत्म ऑब्जेक्ट क्लॉज भी खत्म अब अपन आते हैं राजा डॉक्टर में सबको पता है अल्ट्रा वायरस शॉर्ट नोट्स में ही आएगा छोटा सा प्रोविजन अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या है कंपनी अपने ऑब्जेक्ट के बाहर जाके काम कर रही है अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल एजुकेशन ही दे सकता है अगर कंपनी है तो अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल रियल स्टेट में पैसे लगाने लग जाएगा तो कंपनी के ऑब्जेक्ट के बाहर है इसको अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन बोलते हैं और अल्ट्रा ट्रांस वायरस ट्रांजेक्शन को अपन वाइड ट्रांजेक्शन बोलते हैं बराबर है क्या बड़ा सिंपल सी बात है इसमें कुछ विशेष है नहीं वाइड रहेगा बराबर है क्या कंपनी जिस काम के लिए ऑथराइज नहीं है उस काम के लिए आप कंपनी में इंजक्शन लगा सकते हो और डायरेक्टर इसमें पर्सनली लाइबल हो जाते हैं पढ़ोगे अपने आप ही सारी चीजें पता चल जाएगी तन मैं कह रहा है अल्ट्रा वायरस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस सेम है क्या बिल्कुल सेम नहीं है कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये है राजा कि वो कहता है सेक्शन थ्री के हिसाब से आर एक पब्लिक ऑफिस है कोई भी व्यक्ति कंपनी से डील करने के पहले आर के ऑफिस में जाके आर के ऑफिस में नहीं जाना एक्चुअल में एमसीए के पोर्टल में जाके कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट को पहले इंस्पेक्ट कर ले उसके बाद डील करे बाद में अगर वो बोलेगा अरे मुझे तो पता नहीं था कि कंपनी एक्चुअल में एजुकेशन कंपनी है और रियल स्टेट में धंधा कर रही थी मुझे पता नहीं था तो नहीं पता था तो तुम्हारी गलती है क्योंकि 399 कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपको राइट देता है कि जाइए आरोसी के पास और सारे डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करिए और उसके बाद कंपनी से डील करिए आप बिना देखे समझे डील करेंगे इसमें आप ही जिम्मेवार हो तो एक्चुअल में कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है वो कंपनी को प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर से ठीक है सर समझ में आया अब राजा लास्ट क्वेश्चन आ रहा है सेक्शन नंबर ट्वेंटी है मेरे ख्याल से ट्वेंटी के बाद अपना प्रोसीजर रहेगा ये वाला बस लास्ट के दो क्वेश्चन है चैप्टर टू अपना हो जाएगा खत्म बरोबर है क्या बात को ध्यान से समझना आपको ये समझ में आ रहा होगा कि चैप्टर टू अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इससे क्वेश्चन बन सकता है बोल के मैंने आपको इतना समय लगाया बाकी के चैप्टर छोटे छोटे खटखट खटखट -खट -खट होते जाएंगे ध्यान से सुन के लेना बराबर है अपना आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर बीस में आते हैं अब इस बात को समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये समझना एक कंपनी है कंपनी में प्रेम नाम का एक मेंबर है वो बोलता है कि भाई साहब कंपनी मुझे कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना होगा ना तो आप मेरे को रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना और उसके लिए पैसे भी जमा करा के दिए कंपनी को कि ये लोग खर्चा जो भी कंपनी का मीटिंग का नोटिस होगा आपको डिविडेंड वॉरेंट भेजना होगा जो भी भेजना होगा ना इसी इसी एड्रेस में आपको भेजना है ठीक है क्या ये ऐसा बोलता है प्रेम अब बात को ध्यान से समझना एक सेक्शन नंबर ट्वेंटी है राजा सेक्शन नंबर ट्वेंटी का सब सेक्शन है वो बोलता है कि अगर आपको मेंबर को कोई डॉक्यूमेंट सर्व करना है तो आप उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भी दे सकते हो स्पीड पोस्ट से भी दे सकते हो कुरियर से भी दे सकते हो पोस्ट से भी दे सकते हो उसके घर पे जाके डिलीवर कर सकते हो या तो मेल भी भेज सकते हो ये मोड है अगर किसी भी मेंबर को आपको कोई डॉक्यूमेंट सर्व करना है तो ठीक है सर ये मोड मेरे को समझ में आ गया लेकिन इसी में एक प्रोविजो दिया है प्रोविजो क्या बोलता है मेंबर चाहे तो कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकता है कि कंपनी मेरे को ना आप सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट से देना इन सारे से मत देना ये स्पीड पोस्ट कोरियर पोस्ट मेल वेल घर में नहीं मेरे को रजिस्टर्ड पोस्ट ही देना अगर मेंबर ऐसा रिक्वेस्ट करता है और साथ में सफिशियंट मनी डिपॉजिट करता है कि भैया दे देना तो कंपनी बाउंड रहेगी कंपनी को रजिस्टर्ड पोस्ट से ही उसको वो डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा मान लो कंपनी नहीं भेजती है और वो मीटिंग में नहीं आ पाता है तो कंपनी यहां पे गलती की है कंपनी ने सही तरीके से शुरुआत नहीं की कंपनी का नोटिस भी इनवैलिड कहलाएगा और कंपनी की मीटिंग भी इनवैलिड कहलाएगी तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि प्रेम बोल रहा है कि साले तुम्हारी वजह से क्योंकि तुमने रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं भेजा तुमने नॉर्मल पोस्ट से मेरे को भेजा डॉक्यूमेंट जबकि मैंने तुमको पैसे भी दिए थे उसके बावजूद भी तुमने मेरे को कैसे भेजा पोस्ट से तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ है मेरे को इसका तुमको खर्चा देना पड़ेगा तो क्या प्रेम सही बोल रहा है हां प्रेम बिल्कुल सही बोल रहा है क्योंकि कंपनी की गलती है अब बोल रहा है मान लो जब कंपनी ने नोटिस दिया उस समय प्रेम आउट ऑफ इंडिया था और आउट ऑफ इंडिया था तो कंपनी ने भेजा नहीं नोटिस तो क्या अब भी कंपनी गलत है तो बोले कंपनी आउट ऑफ इंडिया नोटिस भेजने के लिए बाउंड नहीं है वो उसके रजिस्टर्ड एड्रेस में भेजेगी ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे रजिस्टर्ड एड्रेस में भेजेगी समझ में आई के बाद आउटसाइड इंडिया है उसके लिए कंपनी लाइबल नहीं है ऐसा आपके इंस्टीट्यूट का आंसर है सीए इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वहां पे लिखता है कि नहीं कंपनी तो बाउंड है कंपनी को क्या लेना देना वो इंडिया में रह चाहे इंडिया के बाहर रहे जो एड्रेस बताया वहां पे भेजो वो बाहर रह चाहे इंडिया में तुमको क्या करना है लेकिन तुम्हारा इंस्टीट्यूट बोलता है नहीं कंपनी इंडिया के बाहर थोड़ी भेजेगी तो कंपनी यहाँ पे लाइबल नहीं है आपको आपके इंस्टीट्यूट का लिखना है बिल्कुल करेक्ट बात है ठीक है सी मोटिवेशन कह रहा है ब्रेक दे दो बरोबर है राजा तू तो बैठ के सुन रहा है आराम से पजामा में पहना होगा बरोबर है लेट के सुन रहा होगा इधर उधर कर रहा होगा मैं तो कब से बोल रहा हूँ तेरे को ब्रेक लेना है सुसुपाटी करना है चले जा मेरे को कहा ब्रेक दिलवा रहा है मेरा इंजन गरम है मैं खटाखट चल रहा हूँ मेरे को ब्रेक दिला रहा है है कहीं नहीं रुकने वाला मैं मैं चलते रहूंगा मैं। है क्या जीवन में आगे बढ़ते फटाफट क्वेश्चन नंबर ये अगेन आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट टू जून नंबर ट्वेंटी थ्री में है बात को ध्यान से समझना प्रोसीजर बोल रहा है बोल रहा है भाई प्राइवेट कंपनी को अगर वन परसेंट कंपनी में कन्वर्ट करना है तो क्या प्रोसीजर है ऐसे खट से हाथ दिला देता तो हूं आपके मुंह पे बरोबर है क्या क्या प्रोसीजर है ध्यान से समझना भाई प्राइवेट कंपनी से अगर तुम ओपीसी में जाना चाहते हो तो सबसे पहले तो भाई साहब आप ये बताओ कंपनी के क्रेडिटर वेडिटर तो कोई नहीं है ना और अगर है भी, तो उनसे नो सर्टिफिकेट ले आयो ना। क्योंकि अब कंपनी क्या है प्राइवेट से कहां जाने वाली है, जाने वाली है। तो किसी से आपकी कंपनी ने उधार उधार लिया हुआ है तो भैया उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले आओ उसको आपत्ति तो नहीं है ना कोई ठीक है तो सबसे पहले बोल रहा है कि भैया प्राइवेट कंपनी से वन परसेंट कंपनी में जा रहे हो तो रूल नंबर सात को याद रखो स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा लिखित में किससे मेंबर से भी क्रेडर से अरे सर मेंबर से क्यों लगेगा अरे भैया सात तुम्हारा प्राइवेट कंपनी तो कम से कम दो मेंबर होंगे अब जो दूसरा वाला मेंबर है उसकी भी तो सहमति लगेगी तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि दोनों मेंबर मिलकर दोनों मेंबर क्या कर रहे हैं मिलकर ये डिसीजन में आ रहे हैं कि हम प्राइवेट कंपनी से वन पर्सन कंपनी में आ रहे हैं तो दोनों का क्या लगेगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मेंबर का भी और क्रिएटर का भी ठीक है रिजोल्यूशन की एक कॉपी आपको किसको देनी है आरओसी को क्योंकि एसआर पास कर रहे हो तो एमजीटी फोर्टीन जाएगा आरओसी को तीस दिन के अंदर ठीक है सर आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा एनसी6 में

और आई एनसी में अप्लाई करो किस को आरोपी को और आरओसी को ये सारे डॉक्यूमेंट दे दो सारे मेंबर और का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनकी लिस्ट लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कॉपी दे दो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बात खत्म खत्म हो गया आपका कन्वर्जन बराबर है क्या बहुत बढ़िया अब आते राजा चैप्टर नंबर तीन के अंदर चैप्टर टू खत्म हो गया बधाई हो तालियां हो जाए आप लोगों के लिए अब चैप्टर में हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है राजा ध्यान से समझना अब चैप्टर तीन के बाद एक ही बड़ा चैप्टर आएगा उसको मैं बड़ा भी नहीं बोल सकता बस उसमें कंटेंट ज्यादा है समझने के लिए इतना कोई विशेष नहीं वो रहेगा चैप्टर 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 बाकी नंबर नंबर फट 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 फट, फट खत्म होगा टू, काफी सारे कॉन्टेंट थे उसमें बोल के मेरे को पढ़ाना था क्योंकि उसमें क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा थे अब फटाफट हो जाएगा ये देखना और खत्म हो जाएगा गया है क्या ध्यान से सुनना तो राजा ध्यान से समझना चैप्टर नंबर तीन है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बरोबर है क्या ये अपने को क्या बोलता है पहले तो इस चैप्टर की थीम क्लियर कर लो कि यह चैप्टर क्या बोलता है चैप्टर वन ने आपको बेसिक के बारे से बताया चैप्टर टू ने आपको बताया कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसी होती है कंपनी का नाम कैसे चेंज होता कैसे चेंज होता होता है है रजिस्टर्ड ऑफिस कैसे होल्डिंग में शेयर रख सकती है क्या होल्डिंग को शेयर दे सकती है क्या मेंबर ने को डॉक्यूमेंट कैसे देना है आपका रजिस्टर्ड uh, ऑफिस कैसे चेंज होगा ये सारी बातें इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर यानी कि वन में आपने बेसिक जाना दो में आपने कंपनी बना ली तामझाम सीख लिया अब बोले बात आ रही है पैसा उठाने की तो पैसा उठाने की बात आती है चैप्टर नंबर तीन में चैप्टर नंबर तीन बोलता है पैसा उठाना है पब्लिक से प्रोस्पेक्टस जारी करिए पब्लिक में पैसा उठाइए जबरदस्त तरीके से धंधा शुरू करिए चैप्टर तीन से तो चैप्टर नंबर तीन जो बात कर रहा है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी यानी कि प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस यानी कि कंपनी के बारे से बताओ कंपनी कब बनी है कंपनी का, का काम क्या है कंपनी की नेटवर्थ क्या है कंपनी का लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है कौन से धंधे में कंपनी पैसा लगाने वाली है डिविडेंड देती कि नहीं देती है कभी बोनस इशू की है क्या कितनी ब्रांचेस है कंपनी की कंपनी का डायरेक्टर कौन है कंपनी का प्रमोटर कौन है कंपनी का के कौन है अरे सारी जानकारी बताओ कोचिंग क्लास लगाते हो तो ये सब देखते हो ना बड़ा बड़ा एकदम भारी का पंपलेट वाम्पलेट फूल हवाबाजी रहता है उसमें ऑल इंडिया रैंकर मशीन फलाना ऑल इंडिया रैंकर हमारे पास से पढ़ा ठिकाना अब ऑल इंडिया ने गलती से एक आठ नोट्स ले लिया होगा उस क्लास से बोले बस हमारे हमने ऑल इंडिया प्रोड्यूस किया हमारा मशीन चलता है बोले बरोबर है क्या तो वो भी क्या करते हैं प्रोस्पेक्टस देते हैं बरोबर है बरुबरे क्या बरोबर है क्या? क्या प्रोस्पेक्टस देते हैं कि देखो हम इतना भारी का क्लास है करके तो वैसे ही कंपनी को भी बताना पड़ता है इतना भारी कंपनी है आइए हमारी कंपनी में क्या लगाइए पैसे लगाइए बरोबर है क्या अब बात को ध्यान से सुनना बात को ध्यान से सुनना मैं आपको ना एक बात बताता हूं आपको पता होगा कोविड के समय जो ऑल इंडिया रैंकर वन थी है क्या आप आज भी मेरा इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल लॉ लॉ का लेक्चर लेक्चर देख लो पूरे के में मैंने 40 बार उसका नाम लिया है कि यहां पे बेटा आप गलत हो यहां पे आप सही हो लाइव लेक्चर में हमारा स्टूडेंट हमसे लॉ पढ़ाए छाप कोई और दे रहा है बोले हमारे ऑल इंडिया रैंकर है मला अरे बाप रे बाप अच्छा सोचो अगर वो एक एक सब्जेक्ट एक एक जगह से अगर लिया हुआ है तो सबकी जगह ऑल इंडिया रैंकर इधर से सर मैंने नोट्स लिया था बस हमारा रैंकर है सर इधर मैंने फोन किया था इंक्वायरी के लिए बस हमारा रैंकर है सर मैंने मिस कॉल मार के छोड़ मारा है हमारा है हमारा है हमारा है मिस कॉल में भी हमारा है बरोबर है क्या भाई जाने दो आ जाओ वापस आते हैं ठीक है हाँ तो सुनना अब आते हैं प्रोस्पेक्टस में लीगल रूल्स एस टू प्रोस्पेक्टस सेक्शन नंबर छब्बीस बरोबर है क्या सेक्शन नंबर 26 सबसे पहले लीगल रूल समझ लो कि क्या कहता है बरोबर है क्या सुनना सबसे पहले कहता है कि भाई अब पब्लिक में जब प्रोस्पेक्टस जारी करोगे जानकारी देने के लिए कि भाई ये हमारी ऐसी कंपनी हम ये काम करते हैं आइए पैसे इन्वेस्ट करिए एक प्रकार से आप प्रोस्पेक्टस देके इनवाइट करते हो पब्लिक को कि आइए हमारी कंपनी में क्या लगाइए पैसा लगाइए बरोबर है क्या तो कहता है आपका प्रोस्पेक्टस में डेट होना चाहिए और साइन होना चाहिए ये पहली लीगल रिक्वायरमेंट दूसरा आपको प्रोस्पेक्टस हम तब तक जारी नहीं करने देंगे पब्लिक में जब तक आप रजिस्ट्रार के पास उस प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी फाइल नहीं कर देते डेट और साइन वाली बरोबर है क्या तीसरा टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस यानी कि आपने प्रोस्पेक्टस बनाया डेट डाला साइन डाला फिर आपने आर की आरओसी को एक कॉपी दे दिया अब आर को कॉपी देने के बाद आप कब प्रोस्पेक्टस को इश्यू करोगे तो बोले जैसे ही आपने आर को एक कॉपी फाइल किया ना वहां से 90 दिन के लिए वैलिड रहता है प्रोस्पेक्टस तो आरओसी को एक कॉपी देने के बाद 90 डेज तक वैलिड है आप उस 90 डेज के दरमियान में जारी भी कर दो उसको पब्लिक में और वहां से पैसा भी ले लो 90 डेज के बाद उस प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी एक्सपायर अब आपको नया प्रोस्पेक्टस बना के नए तरीके से फाइलिंग करनी है और फिर नब्बे दिन आपको मिलेगा बराबर है क्या तो सुनना टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस नॉट बी वैलिड अगर वो इश्यू होता है कितना मोर देन रखना है अब मैं राजा आता हूं ये तो सारी बात हो गई कि भाई प्रोस्पेक्टस की कुछ लीगल रिक्वायरमेंट है कि जारी कर अच्छा प्रोस्पेक्टस का पर्पज भी पता चल गया कि क्यों इश्यू करना है अब राजा में आ रहा हूँ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में ये वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जिसकी मतलब प्रबल

तो इसका मैं तुमको बड़ा प्यारा रीजन बताता हूं कि क्या है मान लो कंपनी को ना दस लाख रुपए की जरूरत है बराबर है। अब दस लाख रुपए की जरूरत है वो शेयर्स भी इशू करना चाहती उतने जिससे उसको दस लाख रुपए आ जाए तकलीफ वाली बात ये है कि कंपनी ये श्योर नहीं है कि हम कितने शेयर्स इशू करें कितने क्वांटिटी पे और कितने रुपए पे एक शेयर को हम इशू करें तो कंपनी कंफ्यूज है कितनी क्वांटिटी पे शेयर इशू करे और कितने रुपए पे शेयर को इशू करे बरोबर है क्या तो कंपनी एक प्रकार से क्या कर रही है पब्लिक के पास से जाके पूछ रही है कि आप बताओ आप हमारी कंपनी के कितने शेयर्स लेना चाहते हो और कितने रुपए में लेना चाहते हो तो पब्लिक बताती है कि मैं आपकी कंपनी के एक हजार शेयर लेना चाहता हूं इतने रुपए में लेना चाहता हूं तो ईमानदारी से अगर आपको मैं बताऊं फर्ज कीजिए कि कंपनी ने एक प्रोस्पेक्टस इशू किया

रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के दम पे कंपनी को बिट करेगी कि कंपनी कंपनी मैं आपके ना हजार शेयर लेना चाहता हूं पचास रुपए से एक बोलेगा मैं सौ रुपए से लेना चाहता हूं दस शेयर एक बोलेगा मैं दस हजार शेयर लेना चाहता हूं हजार रुपए में तो कंपनी क्या देखेगी पता है क्या जिस अमाउंट की सबसे ज्यादा बीडिंग है जिस अमाउंट की सबसे ज्यादा बीडिंग है हो सकता है सौ रुपए की बीडिंग सबसे ज्यादा है डेढ़ सौ रुपए की सबसे ज्यादा जिस अमाउंट में सबसे ज्यादा बीडिंग आ रही है ना तो कंपनी को यह समझ में आ जाएगा कि हां ये वाला प्राइस सब के लिए क्या है कन्वीनियंट है इस प्राइस में सब शेयर खरीदना चाह रहे हैं बरोबर है क्या तो उस प्राइस में कंपनी उतनी सिक्योरिटी इश्यू कर देगी जिससे जिस उसको कितना मिल जाए दस लाख रुपए मिल जाए तो रेड हेरिंग ऐसा प्रोस्पेक्टस है जहां पे क्वांटिटी नहीं है जहां पे प्राइस नहीं है इश्यू करते हैं पब्लिक की बिड लगाती है

इसको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आरओसी को देना पड़ेगा बराबर है क्या फिर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को तीन दिन पहले दिया फिर कंपनी के आर पब्लिक में जाएगा पब्लिक बिड लगाएगी बिड लगाने के बाद कंपनी को एक क्लोजिंग प्राइस मिलेगा उस क्लोजिंग प्राइस के बेसिस में वो सिक्योरिटी इश्यू करेगी प्राइस भी क्लोज हो गया जैसे ही आपका प्राइस और क्वांटिटी क्लोज हुआ इमिजिएटली अब आपको प्रोस्पेक्टस फाइल करना है क्योंकि आपने तो आरएचपी फाइल किया था आरओसी के पास अब आपको प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ेगा और प्रोस्पेक्टस में अब आप बताओगे कि कितने अब आपको बरोबर है क्या और मान लो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में और प्रोस्पेक्टस में कोई वेरिएशन है हो सकता है जब आपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इश्यू किया था तब कंपनी के असट में कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं हुआ था बराबर है क्या जैसे ही आपने प्रोस्पेक्टस फाइल किया ऐसे करके डेढ़ महीने का गैप आ आगे डेढ़ महीने में कंपनी ने एक लोन लिया लोन के बदले अपने असट में चार्ज क्रिएट किया तो जो भी चेंजेस आए हैं आर से लेके प्रोस्पेक्टस तक में बरोबर है क्या इन चेंजेस को आपको हाईलाइट करना है प्रोस्पेक्टस के अंदर कि ये डिटेल आरएचपी में नहीं थी लेकिन हम प्रोस्पेक्टस में इसको बता रहे हैं तो बात को ध्यान से समझना राजा सबसे पहले डेफिनेशन है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी कि ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर इंक्लूड नहीं कंप्लीट पर्टिकुलर क्वांटम और किसका प्राइस का ठीक। प्रोसीजर की अगर बात करूं तो लिखा है कि कंपनी प्रपोज कर रही है टू मेक एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटी मे इश्यू रेड प्रोस्पेक्टस प्रायर टू इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस ठीक है कंपनी कम से कम तीन दिन पहले आरोपी को देगी जैसे ही क्लोजिंग होगा क्लोजिंग में कंपनी को प्रोस्पेक्टस फाइल करना है हाईलाइट कर देना है वेरिएशन को कौन से वेरिएशन को जो प्रोस्पेक्टस और आरएचपी में नहीं रहेगा प्रोस्पेक्टस में आप टोटल कैपिटल रेस बताओगे क्लोजिंग प्राइस बताओगे और अदर डिटेल जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में नहीं थी वो इधर बता दोगे क्लियर है दोस्तों एवरीबॉडी प्राइस डिस्कवरी मेथड आपको समझ में आ गया उम्मीद कर रहा हूं मैं अब आते हैं राजा सेल्फ प्रोस्पेक्टस में सेल्फ प्रोस्पेक्टस के बाद अपना प्रोस्पेक्टस में क्या क्या आइटम रहेंगे वो है और यहाँ पे आके हमारी सारी चीजें हो जाएगी खत्म

उन कंपनियों के लिए होता है जो एक से ज्यादा बार इशू लाती है फ्रीक्वेंट अब जैसे रियल स्टेट की कंपनी है भाई पानी की तरह पैसा लगता है उनको बार 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 तो ऐसी कंपनी है जो बार 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 पब्लिक से पैसे रेस करेगी तो उसको हर बार प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा आरओसी को हर बार प्रोफेशनल फीस लगेगी हर बार फाइलिंग फीस लगेगी हर बार इतने लंबे प्रोसेस से जाना पड़ेगा तो इसके लिए एक कंसेप्ट गया सेल्फ प्रोस्पेक्टस का सेल्फ प्रोस्पेक्टस का कंसेप्ट अपने को क्या बोलता है कि एक बार आपने आरओसी के पास फाइल किया प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास प्रोस्पेक्टस फाइल करने के बाद जो आपका पहला इशू आएगा ना पहला इशू पहले इशू से साल भर तक वैलिड रहेगा वो यानी कि सेकेंड और सब्सिक्वेंट इशू के लिए आपको कोई भी प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास फाइल करने की जरूरत नहीं है लेकिन ये हर कंपनी के लिए नहीं होता है राजा ये सिर्फ उन्हीं कंपनी के लिए होता है जिसको सेबी प्रिस्क्राइब करेगी आंडू पांडू कंपनी सेल्फ प्रोस्पेक्टर्स का फायदा नहीं उठा सकते हैं बराबर है क्या ये एक बात हुई अब मान लीजिए आपने सेल्फ प्रोस्पेक्टस पहले वाले ट्रांच में जब आप पहला ट्रांच का मतलब जब आपने पहला ट्रांच यानी कि पहला इशू किया पहला इशू आपने किया तब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी थी लेकिन जैसे ही आपने दो महीने बाद दूसरा ट्रांच इश्यू किया अब कंपनी के फाइनेंशियल पोजिशन में चेंज आ गया है तो सर ये चेंज हम कैसे बताएंगे क्योंकि आप तो बोल रहे हो साल भर वैलिड रहता है आरओसी के पास एक बार सेल्फ प्रोस्पेक्टस चले गया तो ये तो गलत हो जाएगा सर दो महीने में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई कंपनी ये बात आरओसी को बता भी नहीं रही है आरओसी को नहीं बता रही तो पब्लिक में नहीं जा रहा है और पहली बार हमने सेल्फ प्रोस्पेक्टस किया था उसमें सब अच्छी अच्छी बातें थी अब क्या होगा तो बोलता है घबराने की बात नहीं है कंपनी की अगर पोजीशन में चेंज आ जाता है पहले ऑफर से लेकर दूसरे ऑफर तक बराबर है इस परिस्थिति में कंपनी सिंगल जब सेकंड ट्रांच कर रही है तो एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करेगी आरओसी के पास कि आरओसी आरओसी पहली बार तो को सेल्फ प्रोस्पेक्टस दिए थे ना अब दो महीने बाद वापस से कर रहे हैं तो दोबारा प्रोस्पेक्टस नहीं देंगे हम तेरे को इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दे रहे हैं इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी दे देते दे हैं कि पहले ट्रांस से लेके दूसरे ट्रांस में क्या क्या बदलाव आए हैं हमारी रख लो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाता है जिसमें जो भी बदलाव आए कंपनी के पोजिशन में चेंज आया है तो जब आप सेकेंड या सब्सिक्वेंट ऑफर ला रहे हो तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के माध्यम से आप बता देते हो मान लीजिए आपने पहला ट्रांच लाया पहले ड्रांच में वो ओवर सब्सक्राइब हो गया ओवर सब्सक्राइब हुआ तो सबको आपको अलॉट करने को नहीं मिला आपने जिनको जिनको आया था दे दिया अब ओवर सब्सक्राइब हो गया ना तो कुछ लोगों के पैसे आपने बचा के रख लिए बोले टेंशन मतलब दो महीने बाद दोबारा हमारा सेकेंड इशू आ रहा है ये पैसे को हम रख लेते हैं एडवांस समझ के रख लेते हैं सेकंड वाले इशू में हम आपको अलॉटमेंट कर देंगे अरे भैया तो अब वाले इशू में तो आपका फाइनेंशियल पोजिशन चेंज हो गया अब हो सकता है वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करनी करना चाहता हो इतना बड़ा लोन ले लियो तुम तो बोले जब आप सेकेंड इशू लाओगे ना और आपने एडवांस में पैसे रखे ना बता देना बेटा ये ना देख तेरा एडवांस पैसा था ना अभी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई है अभी भी चाहता है क्या इन्वेस्ट करना अगर बोलता है हाँ तो चालू रखो कार्यक्रम अगर बोलता है ना पैसा वापस पैसा वापस बहुत बढ़िया तो सेल्फ ऐसा प्रोस्पेक्टस है इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी जो कि इशू हुआ जाता है फॉर सब्सक्रिप्शन वन और मोर इश्यूज ओवर अ सर्टन पीरियड विदाउट द ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्ट साल भर में आप जितने भी इश्यू लाओगे उनके लिए कोई फर्दर प्रोस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं और साल भर कहां से से काउंट होगा ध्यान से सुन लो साल भर काउंट होगा पहले ऑफर से जब आप आर को फाइल कर रहे हो वहां से काउंट नहीं होने वाला जहां से आप पहला ऑफर करोगे वहां से साल भर शुरू होगा वो बरोबर है क्या ठीक है तो वैलिडिटी नॉट एक्सीडिंग कितना रहेगी वन ईयर वैलिडिटी कमेंट होगी डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफर से सब्सिक्वेंट और सेकंड ऑफर के लिए कोई भी प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम यानी कि बार बार प्रोस्पेक्टस मत दो जो जो बदलाव आ रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन देते रहो तो प्रायर टू सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफर पहले के बाद जब भी आप करोगे

मैंने आपको पहले लीगल रूल्स पढ़ाए लीगल रूल्स के बाद रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ाया रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बाद शेल्फ प्रोस्पेक्टस पढ़ाया अब शेल्फ प्रोस्पेक्टस के बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूं एक्चुअल में के अंदर कौन कौन से कॉन्टेंट जाते है। क्या हैं क्या पर्टिकुलर्स होते हैं प्रोस्पेक्टस के अंदर आप क्या क्या आपको लीगली लिखना है आप अपनी कंपनी का काम बताओगे डायरेक्टर का नाम बताओगे केएमपी के बारे से बताओगे सब बताना लेकिन ये तो आपकी मर्जी जो आप बता रहे हो लीगली आपके प्रोस्पेक्टस में कौन कौन सा कंटेंट है ये सारी बातें आपको सेक्शन नंबर ट्वेंटी सिक्स बताता है सेक्शन नंबर ट्वेंटी सिक्स आपके मॉक टेस्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर में पांच मार्क्स का दिया हुआ था कि बताओ प्रोस्पेक्टस के अंदर कौन कौन सी बातें जाएगी बराबर है क्या कौन कौन सी चीजें जाएगी तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या जाएगा सबसे पहले राजा प्रोस्पेक्टस में डेट होना जरूरी है साइन होना जरूरी है ठीक है सर समझ में आ गया दूसरा बोल रहा है डेट और साइन वाला प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी आपको आरोसी के पास फाइल करनी है नब्बे दिन की उसकी वैलिडिटी रहेगी जो अपनी डिस्कस हो गई है अब बात आती है कि उसको साइन कौन करेगा तो देखो लिखा हुआ है साइन करेगा कौन उसको हर पर्सन जिसका नाम लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस में एज अ डायरेक्टर जिस भी व्यक्ति का नाम प्रोस्पेक्टस में एज अ डायरेक्टर लिखा है वो साइन करेगा और प्रपोज डायरेक्टर यानी कि आज वो डायरेक्टर नहीं है बनने वाला है तो उसका भी साइन रहेगा या तो उसका ऑथोराइज अटर्नी यानी कि अगर प्रपोज डायरेक्टर या डायरेक्टर उपलब्ध नहीं है तो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट रहेगा वो भी साइन करेगा तो चलेगा ठीक है टाइम लिमिट क्या रहेगा नब्बे दिन रहेगा एक्सपर्ट की ओपिनियन उसमें डालना है अब ये एक्सपर्ट ओपिनियन क्या होता है जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए खान सर है खान सर अपनी कंपनी बना रहे हैं बरोबर है क्या कंपनी बना रहे हैं और पब्लिक इश्यू ला रहे हैं अगर आपको याद होगा कॉमेडी विद कपिल के शो में विवेक बिंद्रा जी आए थे खान साहब आए थे और एक मॉन्क आए थे वो भी जहां पे विवेक बिंद्रा जी को एक एक्सपर्ट माना जाता है बिजनेस का वो वहां पे बताए थे कि खान सर का जो बिजनेस है बूट स्ट्रैप है बूट स्ट्रैप यानी कि एक रुपए भी उधार नहीं है मैं तो अलग से रिकमेंड करूंगा कि खान सर के कंपनी में आप पैसा लगाइए इसको बोलते हैं कि एक्सपर्ट एक स्टेटमेंट दे रहा है कि भैया मैंने इस कंपनी के बारे से सारी जानकारी रखी हुई है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो बरोबर है क्या ठीक है

जो बताया किसने सेबी ने बताया तो अब बोल रहा है कि ट्वेंटी सिक्स वन में जो बोला है ना कि सेबी ने जानकारी बताई वो आपको देना पड़ेगा तो कहता है कुछ मैटर में वो जानकारी आपको देने की जरूरत नहीं है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताने की जरूरत नहीं है वो नॉन नॉन कंप्लायंस डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है बरोबर है तो कौन कौन से प्रोविजन है पहला कह रहा है राइट इशू राइट इशू का मतलब क्या है राइट right इशू का मतलब ये है राइट right इशू का मतलब ये है कि आप एग्जिस्टिंग मेंबर को एग्जिस्टिंग मेंबर को प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो तो क्या एग्जिस्टिंग मेंबर को आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और आपके क्या कंप्लायंस और क्या नॉन कंप्लायंस है वो नहीं पता है क्या तो एग्जिस्टिंग मेंबर को जब प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मत बताओ ये आपको डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं कि आपने फलाने एक्ट का नॉन कंप्लायंस नहीं किया उनको ऑलरेडी सब पता है दूसरा बोल रहा है कि आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो उन सिक्योरिटी के लिए जो सिक्योरिटी आपने प्रीवियसली इशू की थी सेम टू सेम और स्टॉक एक्सचेंज में उनका डीलिंग चल रहा है तो जनहित में जारी है कि वो सिक्योरिटी क्या है और कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है उसके लिए भी आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और ये कंप्लायंस डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है अगेन पनिशमेंट की बात है फिर कुछ एग्जाम्पल है बात खत्म लास्ट क्वेश्चन आ रहा है राजा मॉडल क्वेश्चन पेपर में जून ट्वेंटी थ्री में था अंडर राइटिंग कमीशन के बारे से बिल्कुल ध्यान से समझना कि अंडर राइटिंग कमीशन क्या होती है अंडर पहले कौन होता है ये समझो अंडर होता है राजा एक इंटरमीजियरी इंटरमीजिय का मतलब होता है बिचोलिया बिचोलिया का भी मतलब ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कंपनी कोई भी अगर इशू ला रही है दस हजार शेयर का इशू ला रही है कम से कम नाइनटी परसेंट को सब्सक्राइब होना चाहिए यानी कि नौ हजार शेयर के लिए कंपनी को एप्लीकेशन आ जाना चाहिए बरोबर है क्या नौ हजार शेयर्स के लिए बोले सर अगर नहीं आता है तो क्या होगा तो बोले आपका इशू फेल हो जाएगा तो आपका इशू फेल ना हो तो आप एक अंडर राइटर को अपॉइंट करते हो अंडर राइटर बोलता है कि अगर आपका इशू अंडर सब्सक्राइब होता है तो मैं उसको सब्सक्राइब करूंगा आप दस हजार शेयर इशू कर रहे हो आठ हजार ही सब्सक्राइब हुआ है एक हजार मैं सब्सक्राइब कर लूंगा टेंशन मत लेना लेकिन आपका इशू फेल नहीं होने दूंगा तो इंटरमीजियर होता है जो आपको बोलता है कि अगर आपका सब्सक्राइब नहीं होता है ना पब्लिक के द्वारा तो मैं सब्सक्राइब करके लूंगा ठीक है सर अब बात आ रही है कि अंडर राइटर को कमीशन आप कितना दे सकते हो तो सबसे पहले कमीशन देने के पहले आर्टिकल में परमिशन होना चाहिए कि उसको आप कमीशन दे रहे हो दूसरा आप उसको कमीशन दे सकते हो जो इश्यू आ रहा है ना आपने इश्यू किया शेयर आएगा शेयर का मतलब हिस्सा आएगा आप शेयर इशू कर रहे हो पैसे आएंगे उसको बोलते हैं इशू प्रोसीड या तो इशू प्रोसीड से दोगे या तो कंपनी के प्रॉफिट से दोगे या तो दोनों से दे सकते हो तो पहले आर्टिकल में परमिशन होना चाहिए सोर्स क्या है सोर्स नंबर पहला है कि कंपनी या तो इशू प्रोसीड से देगी या तो अपने प्रॉफिट से देगी या तो दोनों से दे सकती तीसरा अंडर राइटिंग कमीशन का रेट क्या रहेगा तो बोले अगर आप शेयर इश्यू कर रहे हो

अंडर एग्रीमेंट की प्रोस्पेक्टस के साथ अटैच करके आर को देनी जब आप प्रोस्पेक्टस आर के पास फाइल कर रहे हो तब यहां पे आके राजा अपना चैप्टर नंबर तीन भी खत्म होता है जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए चैप्टर नंबर फोर का बरोबर है अब यही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बचेगा फोर वाला फोर के बाद फाइव सिक्स में कोई दम नहीं है एक फोर और एक सेवन और आपका पूरा का पूरा सेक्शन वन से लेके सेक्शन नंबर आराम से इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हो जाएगा सर अलॉटमेंट ऑफ शेयर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट वाला रीड करके छोड़ दें बिल्कुल आप जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर और प्राइवेट प्लेसमेंट है उसको रीड करके छोड़ दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है समझ में आ जाएगा बराबर है क्या चलिए ध्यान से बात को समझना आता हूं राजा मैं चैप्टर नंबर फोर पे अब चैप्टर नंबर फोर क्या बोलता है इसको ध्यान से समझ के लेना चैप्टर नंबर फोर बात करता है राजा शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर की फटाफट आ जाइए प्रोत्साहन बढ़ाइए थोड़ा सा फटाफट प्रोत्साहन बढ़ाइए चलिए ध्यान से सुनिएगा राजा ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा अपन चल रहे राजा चैप्टर नंबर फोर पे बरोबर है क्या जस्ट मोमेंट दोस्तों जस्ट अ मोमेंट एक ही सेकंड बस

कि अब आपके पास जो शेयर कैपिटल आया है डिवेंचर आया है अब इसका कैसे करना है सुनना चैप्टर नंबर फोर बोलता है कि भाई आपके जो शेयर्स हैं, एक बार आपने प्रोस्पेक्टस इश्यू करके एग्जिस्टिंग मेंबर बना एग्जिस्टिंग मेंबर बनाने के बाद अब आपको वापस से पैसे की जरूरत लग रही है आप फर्दर इश्यू लाना चाहते हो शेयर्स का तो चैप्टर तीन से आपको प्रोस्पेक्टस जाना पड़ेगा लेकिन चैप्टर फोर बोलता है प्रोस्पेक्टस से पब्लिक के पास जाने के पहले अपने एग्जिस्टिंग मेंबर से पूछो कि क्या वो वापस से पैसा लगाना चाहते हैं क्या उनसे पूछो पहले सेक्शन नंबर नंबर जो है चैप्टर का वो बोलता है कि आपने पब्लिक से ज्यादा पैसे ले लिए हैं उन पैसे की आपको जरूरत भी नहीं हो रही है आप एक प्रकार से पब्लिक को उनके पैसे वापस देना चाहते हो और उनके शेयर्स वापस खरीदना चाहते हैं बायबैक करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो कब कब आप बायबैक नहीं कर पाओगे बोनस इशू करना है आपको अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को तो उसके क्या प्रावधान है बोनस इशू के बरोबर है क्या कैसे आप बोनस इश्यू करोगे ये तमाम बातें जो शेयर्स के संबंध में डिवेंचर के संबंध में कि अगर आप डिवेंचर इश्यू करना चाहते हो तो क्या डिवेंचर में वोटिंग राइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करना चाहते हो तो क्या प्रावधान है अरे डिबेंचर जब आप इशू करते हो तो आपको डिबेंचर ट्रस्टी बनाना पड़ता है उसके क्या प्रावधान है अरे कोई व्यक्ति है जिसका शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गया है वो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट चाहता है तो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट आप उसको कब दोगे ट्रांसफर कैसे होगा कोई व्यक्ति अपने शेयर को ट्रांसफर करना चाहता है तो कैसे ट्रांसफर करेगा ये सारी बातें इधर है मान लो आपने शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं कंपनी रिफ्यूज कर रही कि मैं ट्रांसफर नहीं करूंगी आपने ट्रांसफर ही से पैसे ले रखे हैं बेचारा ट्रांसफर ही नाराज हो रहा है कि पैसे भी मिल गए लेकिन मेरे नाम से शेयर भी रजिस्टर नहीं हो रहा है वो ट्राइब्यनल को अपील कर सकता है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है तो इसके थोड़े से कॉन्टेंट ज्यादा है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर के ज्यादा का मतलब थोड़ा सा टेक्स्ट ज्यादा है इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा चैप्टर नंबर पांच और छह में कुछ भी नहीं है इतना विशेष सीधा आता है आपका चैप्टर नंबर सात आप समझ लो मोटा मोटा आधे से पौने घंटे के अंदर आपका पूरा चैप्टर सेवन तक चीजें खत्म हो जाएगी शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों चैप्टर नंबर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर इसके लिए भी बात करता है कि जैसे मैंने आपको बताया था अगर आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज नेम क्लॉज और आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के अलावा कैपिटल क्लॉज अल्टर करना है तो कैपिटल क्लॉज कैसे अल्टर होगा बराबर है क्या कैपिटल क्लॉज कैसे अल्टर होगा

इस अल्ट्रेशन के लिए आपको ओ पास करना है और ओ पास करने के बाद डेज के अंदर आपको को SH7 में करना है कि हमने इस तरीके से अपने आर्टिकल को अपने अपने कैपिटल क्लॉस का अल्ट्रेशन किया है बरोबर है तो प्रोविजन अगर मैं बताऊं तो ओआर पास करना है ओआर पास करके 30 डेज के अंदर एस एच सेवन में आरोप करना है और देर आर फाइव मोर्ड जिस तरीके से आप अपने 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 कैपिटल क्लॉस को क्या कर सकते हो अल्टर कर सकते हो तो सबसे पहला क्या है अगर आप इंक्रीज कर रहे हो शेयर कैपिटल क्या कर रहे हो आप इंक्रीज कर रहे हो शेयर कैपिटल को यानी कि आपको पता होगा अगर आज मेरी कंपनी का शेयर कैपिटल दस हजार शेयर का है ऑथोराइज शेयर कैपिटल और दस रुपए का एक रुपए हुआ अगर मैंने ये दस हजार शेयर इशू कर रखे हैं और दस हजार शेयर इशू कर रखे हैं और लाख रुपए उठा रखे हैं अब मैं और शेयर इश्यू नहीं कर सकता क्योंकि जो मेरा रजिस्टर्ड कैपिटल है जो मेरा ऑथराइज शेयर कैपिटल है उसके बाहर में नहीं जा सकता बरोबर है क्या ठीक है एक मैन क्लास करके आया है वो बोल रहा है सीए फाउंडेशन वालों के लिए राइटिंग प्रैक्टिस भी फ्री कर दो ना यूट्यूब पे भाई मैं काम करता हूं मैं आपके घर आ जाता हूं घर पे आके आपको आराम से पढ़ा देता हूं सारे आंसर आपके हाथ से पकड़ के मैं लिखवाऊंगा पेपर देने फिर आप मत जाना पेपर देने मैं चले जाऊंगा और इसके अलावा और कुछ कर दू बताइए एक नॉमिनल सी प्राइस राइटिंग प्रैक्टिस की जिसके लिए आप कह रहे हो उसको फ्री कर दो अगर सारी चीजें राजा फ्री हो जाएगी तो मेरे को कटोरा लेके गुरुद्वारे के बाहर बैठना पड़ेगा भाई मेरा भी घर है मेरा भी धंधा है मेरे को रेंट पे करना पड़ता है घर का भी ऑफिस का भी स्टाफ भी मैनेज करने पड़ते हैं बरोबर है क्या अब इन सारी चीजों में अगर मैं सब कुछ फ्री में बांटना शुरू कर दूं तो मैं कमाऊंगा क्या और खाऊंगा क्या मेरे को एक काम करना चाहिए मेरे को सेक्शन कंपनी बना लेना चाहिए यूट्यूब में पढ़ाना चाहिए खुले आम सब कंटेंट बांट देता हूँ पूरा का पूरा आप यूट्यूब में मेरे को चैट में थोड़ा सा दान कर देना मैं उससे सारी चीजें चला लेता हूं। जितने भी मेरे प्यारे भाई और बहन यहाँ पे देख रहे मैं आपको बताना चाहता हूँ इतना नॉमिनल प्राइज है बताऊंगा ना तो आपको शर्म आ जाएगा उसमें भी भाई को चाहिए कि फ्री करवा दो एक काम कर भाई आज तेरे को अपन सी ए फाउंडेशन का राइटिंग प्रैक्टिस इंटरमीडिएट की पूरी की पूरी क्लास क्लास फाइनल की पूरी क्लास, तेरे जॉब लगवाने का खर्चा और जॉब लगाने के बाद घर दो वो भी फ्री करवा देते, सब फ्री करवा देते। क्या, क्या मेहनत करना इतना क्या कमाना क्या वैल्यू क्या जाने दो तो सब बरोबर है क्या कोई दिक्कत नहीं सब करवा देंगे क्या चलिए बात को ध्यान से सुनना पांच तरीके का मोड है बराबर है क्या पांच तरीके का तो या तो के आप आपके पास है, है कंसोलिडेशन एक आता है सब डिविजन दोनों का पर्पज समझ के लेना राजा की कंसोलिडेशन और सब डिविजन क्या होता है मान लीजिए कंपनी के जो शेयर्स हैं वो दस हजार शेयर है दस रुपए का एक है राजा टोटल कितना हो गया राजा लाख रुपए हो गया बरोबर है क्या टोटल कितना हो गया लाख रुपए कंपनी ये नोटिस कर रही है कंपनी ये नोटिस कर रही है कि साला दस रुपए का एक शेयर है ना तो कोई भी एरा गहरा ना हमारी कंपनी के शेयर ले रहा है जिसकी वजह से जो अच्छे शेयर होल्डर है उनको भी शेयर लेने का मौका नहीं मिल रहा है और डायल्यूट हो रहा है बहुत ज्यादा हमारा शेयर कैपिटल डायल्यूट हो रहा है कोई भी ले ले रहा है तो कंपनी क्या चाहती कोई भी ना ले एक क्वालिटी पर्सन ले हमारे कंपनी के शेयर को तो कंपनी क्या करेगी इन दस हजार के शेयर्स को क्या कर देगी पता है कंसोलिडेट कर देगी कंसोलिडेट कैसे करेगी दस हजार शेयर की जगह कर देगी हजार शेयर और जो दस रुपए का एक शेयर था उसको कर देगी सौ रुपए तो तुम देखोगे राजा आज भी कैपिटल लाख रुपए का है पहले भी कैपिटल लाख रुपए का था बट हमने नंबर ऑफ शेयर्स कम किए और हमने प्राइस बढ़ा दिया इसको बोलते हैं कंसोलिडेट किया और डिवाइड किया शेयर कैपिटल को बराबर है क्या और यहां पे नीचे वाले में हम सब डिवाइड कर रहे हैं। अब कंपनी को मान लो लिक्विडेशन की जरूरत है कंपनी का शेयर होल्डर बोल रहा है कि भाई सौ रुपए का शेयर है बहुत महंगा है हम बेचने जाते तो कोई लेता भी नहीं है थोड़ा सा लिक्विडिटी लाओ थोड़ा सा प्राइस कम करो तो कंपनी ने वापस से सब डिवाइड कर दिया कैसे वापस से दस हजार के शेयर कर दिए दस रुपए का एक कर दिया तो ये हो गया कंसोलिडेशन ये हो गया सब डिविजन एक होता है कन्वर्ट कर दो फुल्ली पेड शेयर को स्टॉक में और स्टॉक से वापस को क्या कर दो शेयर में कन्वर्ट कर दो मैं उम्मीद करता हूं आपको स्टॉक का मतलब पता होगा ठीक है तीसरा आता है कैंसिल कर दो शेयर्स को वो वाले शेयर्स को कैंसिल करो जो किसी ने ना लिए हैं ना लेने के लिए वो एग्री कर रहा है इस कैंसिलेशन को हम डिमिनिश करना भी बोलते हैं अब राजा मेरी बात को ध्यान से सुनना मैं इसमें एक पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूं एक राजा अल्ट्रेशन है और एक राजा रिडक्शन है दोनों को ना ध्यान से समझना राजा हो सकता है आपको एमसीक्यू में इसमें से कुछ पूछ ले अल्ट्रेशन के लिए लगता है ओ आर रिडक्शन के लिए लगता है राजा एस आर यहां पर ओ आर पास करके आप एस एच सेवन में बताते हो किसको आरओसी सी को बरोबर है क्या यहां पे आप लेते हो एनसीएलटी से अप्रूवल अल्ट्रेशन के लिए एनसीएलटी की कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं अब मेरी बात को सुनना यहां पर राजा मैं रिडक्शन जो कर रहा हूं ना कौन से चीज का रिडक्शन कर रहा हूं पता रिडक्शन या रिडक्शन वर्ड भी यूज करना गलत है यहां पे यहां पे मैं राजा कैंसल कर रहा हूं कैंसल क्या कर रहा हूं समझना मैंने शेयर इशू किए मैंने शेयर इशू किए हैं किसी ने भी उस शेयर के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया ना तो अब वो शेयर सब्सक्राइब होने वाला है तो बात को समझना मैं उन शेयर को कैंसिल कर रहा हूं राजा जो अनसब्सक्राइब है जो क्या है अनसब्सक्राइब कोई एप्लीकेशन ही नहीं किया उसके लिए अनसब्सक्राइबड है उनको जब मैं कैंसिल कर रहा हूं उसको बोलते हैं कैंसलेशन ऑफ शेयर्स बराबर है क्या लेकिन राजा अब बात को समझना अगर मैं कैंसिल किसको कर रहा हूं मैं अनकॉलड कैपिटल को अनकॉलड कैपिटल का मतलब क्या है राजा वो सब्सक्राइब हो गया है उसका कॉल का पेमेंट बाकी अभी अनकॉलड है अनकॉलड यानी कि पार्टली पेमेंट आया उसमें कॉल करना है या तो मैं अनकॉल्ड कैपिटल को क्या कर रहा हूं कैंसल कर रहा हूं या तो मैं पेड अप कैपिटल को कैंसल कर रहा हूं कैंसल करके पैसे वापस कर रहा हूं अनकॉल्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल को अगर मैं कैंसिल कर रहा हूं इसको बोलते हैं राजा रिडक्शन क्यों तो, क्योंकि भाई यहां पे उनने अप्लाई भी कर दिया आपने शेयर अलॉट भी कर दिया है फुल्ली पेमेंट हो चुका है फुल्ली पेमेंट का पेड अप कैपिटल को क्या कर रहे हो कैंसिल कर रहे हो रिड्यूस कर रहे हो या अनकोल्ड कैपिटल को क्या कर रहे हो कैंसिल कर रहे हो इसको बोला जाएगा राजा रिडक्शन लेकिन ऐसे शेयर जो अनसब्सक्राइब है जो किसी ने कभी मांगे भी नहीं ना अप्लाई किया ना कभी आगे अप्लाई होने वाला है कोई सब्सक्राइब भी नहीं करेगा इसको क्या बोलते हैं कैंसल और डिमिनेशन तो अल्ट्रेशन के अंदर जो कैंसल है वो अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का कैंसिल है रिडक्शन के अंदर जो कैंसल होता है बेटा वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का कैंसिल होता है ये सब्सक्राइब हो गया है लेकिन अभी कॉल होना बाकी है। अनकॉल्ड सब्सक्राइब हो चुका है फुल्ली पे हो चुका है आप कैंसल करके पैसे वापस कर रहे हो उसको बोलते रिडक्शन यहाँ पे एस आर लगता है एनसीएलटी की अप्रूवल लगती है यहाँ पे ओ आर लगता है एस एच सेवन आप आर ओसी को देते हो 30 में और एनसीएलटी की कोई भी अप्रूवल नहीं लगती पांच तरीके हैं राजा यहां पे फाइव वेज है और यहाँ पे टू वेज है बराबर है क्या ये सेक्शन सिक्सटी वन में कवर होता है राजा ये सेक्शन सिक्सटी सिक्स में कवर होता है ठीक है सर समझ में आया अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है आर्टिकल में अपने को परमिशन चाहिए अच्छा यहाँ पे एक बात और आएगी यहाँ पे सबसे पहले आर्टिकल में परमिशन ओ आर लगेगा एस एच सेवन आपको आर को देना है यहाँ पे एस आर लगेगा एनसीएलटी के अप्रूवल लेकिन यहाँ पे आर्टिकल में अप्रूवल की जरूरत नहीं क्योंकि आप एनसीएलटी की अप्रूवल ले रहे हो बरोबर है क्या तो बात को ध्यान से समझना ओ आर लगेगा ठीक है थर्टी डेज में आपको एस एच सेवन देना है किसको आर ओ सी को देना है अप्रूवल यहां पर लगती नहीं है बहुत बढ़िया जीवन में आगे बढ़ते हैं यह कह रहा है कि मान लो आपको रिन्यूड शेयर सर्टिफिकेट चाहिए रिन्यूड का मतलब क्या डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट चाहिए क्यों चाहिए राजा आपका जो पुराना वाला शेयर सर्टिफिकेट था वो डिफेस हो गया है डिफेस यानी कि उसका प्रिंट झड़ने लग गए हैं म्यूटिलेट हो गया है रिटिलेट यानी कि क्या हो गया है उसमें उसमें क्या बोलते वो होता है ना कि कुछ कुछ अक्षर होते हैं वो छुप जाते हैं प्रिंट खत्म हो जाता है बराबर है क्या फट गया है पुराना हो गया है और साफ सफाई करते समय या तो टॉर्न हो गया या तो वॉर्न आउट हो गया है. इन सारी ही परिस्थिति में आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट लगता है बरोबर है क्या क्या लगता है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट ये कहता है रूल नंबर छे कि कंपनी आपको तब तक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट नहीं देगी जब तक जब तक कंपनी के पास आप सरेंडर नहीं कर देते अपना सर्टिफिकेट सरेंडर राजा तभी करोगे जब या तो आपके पास वो फट गया है फटी हुई हालत में है भी हालत में तब अगर हो गया है तो आपको सरेंडर वाली कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है बराबर है एक स्टूडेंट आया वो कह तो मेरे लिए तो थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया अब सुनना सारे सरेंडर हो जाएंगे कंपनी फीस लेगी फीस कितनी लेगी नॉट एक्सीडिंग फिफ्टी फिफ्टी रूपीज पर सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट जो डुप्लीकेट वाला लेगी ना वहां पे लिखेगी कि भैया हम इसको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्योंकि इसका पुराना वाला फट गया था या तो जल गया था या तो कुछ हुआ था उसके बदले इसको दे रहे हैं ये उसके फेस पे लिखाएगा बरोबर है क्या बाकी की रीडेबल पॉइंट है आगे बढ़ के लेते हैं आते हैं राजा स्वेट इक्विटी शेयर में स्वेट इक्विटी शेयर में भी राजा मेरे को दोनों क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है या तो डिस्क्रिप्टिव पूरा पूरा सात से दस मार्क्स वाला या तो शॉर्ट नोट्स में आ सकता है या तो एमसीक्यू में आएगा क्योंकि मोटा टॉपिक है ध्यान से समझना अब स्वेट इक्विटी शेयर होता क्या है राजा ये समझ के लोग राजा स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब यह होता है खून पसीने के कमाया वाला शेयर यह दो ही लोगों को मिलता है या तो डायरेक्टर को या तो एम्प्लॉय को डायरेक्टर चाहे होल टाइम डायरेक्टर हो चाहे सिर्फ डायरेक्टर हो एम्प्लॉय चाहे इंडिया का हो चाहे आउटसाइड इंडिया का हो चाहे सब्सिडरी का हो चाहे होल्डिंग का हो इन दोनों को मिलता है सर क्यों मिलता है अगर कंपनी को अगर ये कोई वैल्यू एडिशन देते हैं कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देते हैं कुल मिला के कंपनी का जिससे उद्धार हो रहा है ऐसी चीज अगर कंपनी को दे रहे हैं तो इनको मिलता है स्वेट इक्विटी शेयर एक एग्जाम्पल देता हूं ध्यान से समझ के लेना मैंने एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू होते हुए देखा था उसका कारण क्या था ध्यान से समझना वो जो डायरेक्टर था उसने एक टेक्नोलॉजी बिल्ड की थी जो गार्बेज होता है ना गार्बेज जो अलग अलग चौराहे में होता है वो गार्बेज को वो गार्बेज गाड़ी आती है लेके जाती है एक खाली वाला डब्बा रख के जाती है भरा वाला डब्बा लेके जाती है तो, तो गार्बेज बॉक्स होता है ना उसने एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस गार्बेज बैग में सेंसर लगाया था सेंसर का जो इंटीवेशन है वो जाता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास कितना गार्बेज बॉक्स भर चुका है फिफ्टी परसेंट भर चुका है तो वहां पे सेंसर में बताते रहेगा कॉर्पोरेशन के पास फिफ्टी परसेंट भरा है सेवेंटी में सेवेंटी एट्टी परसेंट में वो वार्निंग देने लग जाता है कि अपने को गार्बेज का ये बॉक्स जो है वो चेंज करना है तो मुंसिपल कॉर्पोरेशन को क्या समय समय में इंटीमेशन मिलते रहेगा कि भाई अब वो भर गए एक गाड़ी निकलेगी खाली बक्सा लेके खाली बक्सा रखेगी भरा वाला बक्सा ले आएगी इससे होगा क्या अब लोग क्या करते हैं पूरा बक्सा भर गया फिर भी उसके ऊपर कचरा फेंकते रहेंगे वो कचरा रोड में आएगा फिर वहां पे कुत्ता आएगा वहां पे भी गंदगी होगी फिर बीमारी फैलेगी तो हाइजीन को मेंटेन करने के लिए स्वच्छ भारत रखने के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई इसकी वजह से उसको मुंसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा अवार्ड से नवाजा गया था डायरेक्टर को नहीं कंपनी को क्योंकि तो कंपनी की रिसोर्सेस इस्तेमाल करके डायरेक्टर ने किया था अब डायरेक्टर ने कहीं ना कहीं कंपनी को वैल्यू एडिशन दिया कि मुंसिपल कॉर्पोरेशन का जो भी हेड है वो कंपनी को क्या कर रहा है नवाज रहा है कि भाई आपने बहुत अच्छी चीज बनाई स्वच्छ भारत अभियान में बहुत काम आएगा अब ये तो डायरेक्टर की मेहनत थी ना डायरेक्टर ने टेक्नोलॉजी बिल्ड की ना लेकिन डायरेक्टर ने उस टेक्नोलॉजी का पूरा का पूरा राइट किसको दे दिया कंपनी को दे दिया अब कंपनी को क्यों वैल्यू एडिशन मिला कंपनी उसके इस टेक्नोलॉजी पाने की वजह से उसको इक्विटी शेयर्स दे रही है और उस इक्विटी शेयर का नाम दे रही है स्वेट स्वेट का मतलब तूने इसको अपनी मेहनत से कमाया क्यों आपने उनको टेक्नोलॉजी दी उसके बदले ये शेयर्स दे रहे हैं ये शेयर्स मार्केट प्राइस से बहुत कम में भी हो सकता है डिस्काउंट में भी हो सकता है यानी कि इसको बोलते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी हो सकता है डिस्काउंट भी हो सकता है वैसे तो सेक्शन नंबर 53 बोलता है कि भाई डिस्काउंट में शेयर देना अलाउड नहीं है वॉइड है लेकिन एक्सेप्शन है स्वेट इक्विटी शेयर आप स्वेट इक्विटी शेयर को डिस्काउंट में भी दे सकते हो या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी दे सकते हो दोगे किसको या तो डायरेक्टर को दोगे या तो इंप्लॉय को दोगे डायरेक्टर चाहे होल टाइम डायरेक्टर हो चाहे पार्ट टाइम डायरेक्टर हो चलेगा और साथ साथ में एम्प्लॉय भी हो सकता है वो एम्प्लॉय कंपनी का भी हो सकता है कंपनी की होल्डिंग का भी हो सकता है सब्सिडरी का भी हो सकता है बरोबर है क्या ठीक है अभी तो ढाई घंटे ही बस हुए हैं ठीक है नहीं वो लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होने से ढाई घंटे ही हुए हैं बरोबर है क्या चलो बातों को ध्यान से समझना एक ही सेकेंड यारो रुक के लेना एक ही सेकंड बस ठीक है राजा बात को ध्यान से सुनना जस्ट अ मोमेंट थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था समझना स्वेट इक्विटी शेयर हो गया डायरेक्टर को हो गया और इम्प्लॉय को हो गया अब बात को ध्यान से समझना ये सारी चीज मैंने बताई अब 54 क्या बोल रहा है देखो यहां तक ना राजा स्वेट इक्विटी शेयर का डेफिनेशन था कि किसको इश्यू हो सकता है डायरेक्टर को और एम्प्लॉय को या तो डिस्काउंट में या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश क्यों क्योंकि उनने नो हाउ प्रोवाइड किया कंपनी को कंपनी को कोई सा वैल्यू एडिशन दिया बाय वॉट एवर नेम कॉल वॉट एवर नेम कॉल का मतलब कंपनी को किसी भी नाम से वैल्यू एडिशन हुआ म्यूसिपल कॉर्पोरेशन का अवार्ड मिला तो भी हो गया हो सकता है कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी इतना अच्छा कंप्लायंस कि सेबी के द्वारा उसको बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवार्ड मिल रहा है तो बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवार्ड की वजह से वैल्यू एडिशन हो गया बरोबर है क्या ठीक है चलो मेरी बात को ध्यान से समझना इस पर्पस के लिए स्वेट इक्विटी शेयर का जो आप एम्प्लॉयर है वो इम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है परमानेंट इम्प्लॉय डायरेक्टर चाहे होल टाइम डायरेक्टर हो इम्प्लॉय चाहे इंडिया का हो चाहे आउटसाइड इंडिया का हो अब सेक्शन 54 जो लीगल फॉर्मेलिटी बता रहा है स्वेट इक्विटी शेयर की कि यदि आपको स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू करना है कंपनी के को तो नहीं ले रहे हो ये चार चीज आपको बता रहे हैं नंबर ऑफ शेयर करंट मार्केट प्राइस कंसीडरेशन कौन से डायरेक्टर और कौन से को दे रहे हो और आपको स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर ये सारी बातें आपको बतानी है ठीक है सर अगर कंपनी लिस्टेड है तो सेबी रेगुलेशन का भी पालन करेगी कंपनी लिस्टेड नहीं है तो लिमिट क्या, क्या है उसका लॉक इन पीरियड रहता है तीन साल का वो स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी का एम्प्लॉय और कंपनी का डायरेक्टर बेच नहीं सकता तीन साल तक बरोबर है क्या यानी कि जब से इशू है वहां से तीन साल तक वो लॉक इन में रहेगा बेच नहीं सकते बराबर है लिमिट्स की अगर बात करूं ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है सुनना कंपनी जो है एक फाइनेंशियल ईयर में राजा बरबर है क्या कंपनी जो है एक फाइनेंशियल ईयर में अपने एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का 15% से ज्यादा स्वेक्ट इक्विटी शेयर इश्यू नहीं कर सकता लाइफ टाइम की अगर वैल्यू बताऊं एक तो ये 15% हुआ या तो 5 करोड़ की वैल्यू दोनों में से जो भी क्या है हायर है ये साल भर की है एक फाइनेंशियल ईयर की लेकिन अगर मैं बोलू पूरी लाइफ टाइम की क्या लिमिट है पूरी लाइफ टाइम की तो बोले पूरी लाइफ टाइम की है 25% परसेंट ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल बरोबर ये है नॉर्मल कंपनी के लिए लेकिन अगर आपकी कंपनी स्टार्टअप कंपनी है एक प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप कंपनी हो सकती है वो अपने पूरे लाइफ टाइम में फिफ्टी ऑफ द पेडअप पेडअप अप, इक्विटी नहीं बोल रहा का 50 का शेयर कर सकती है। फुल्ली अगर अपने मेंबर को देती है, उसको बोलते हैं क्या है? बोनस बोनस के लिए आपके आर्टिकल में पावर होना चाहिए बोनस कितना देना है हर पांच शेयर में एक बोनस शेयर हर चार में एक बोनस शेयर हर दो में एक बोनस शेयर ये कौन बताएगा बोर्ड बता के लेगा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड रिकमेंड करेगा कि हम इतना देना चाहते हैं ओआर पास करके मेंबर अप्रूव करेंगे सोर्स क्या रहेगा फ्री रिजर्व से से दे दे सकते सकते हो हो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट सीआरआर से दे सकते हो, हो, हो ठीक है सर नो डिफॉल्ट इन डेट अगर कंपनी का कोई एग्जिस्टिंग डेट है तो भाई उसको पे करो ना पहले गांव वालों का पैसा खा के बैठे हुए हो और आप बोल रहे हो कि हम बोनस देना चाहते हैं डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए कोई डेट में बरोबर है क्या स्टेटरी ड्यूज में भी नहीं ग्रेचुटी आपने किसी का नहीं खाया है प्रोविडेंट फंड में आपका पैसा बराबर गया इंश्योरेंस फंड में आपका पैसा बराबर गया ठीक है होना चाहिए और तब दोगे जब आपके पूरे एग्जिस्टिंग शेयर फुल्ली पेड है दोनों का मतलब समझना पॉइंट नंबर नाइन और पॉइंट नंबर टेन दोनों का मतलब समझना नाइन कह रहा है कि जो बोनस दोगे ना बोनस शेयर वो फुल्ली पेड होना चाहिए कह रहा है कि आप तब दोगे पार्टली पेड है, है, है तो आप बोनस नहीं दे सकते तो फुल्ली पेड बोनस दोगे और फुल्ली पेड बोनस देने के पहले ये ध्यान रखना कि एग्जिस्टिंग जितने इक्विटी शेयर्स हैं वो सारे के सारे फुल्ली पेड होने चाहिए क्लियर है दोस्तों क्लियर है दोस्तों एवरीबॉडी और अगर मान लो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है तो डिविडेंड के बदले बोनस शेयर नहीं होगा डिविडेंड अपनी जगह और बोनस अपनी जगह बहुत बढ़िया सर समझ में आ गया आइए राजा जीवन में आगे बढ़ते हैं ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर पढ़ते हैं मतलब समझना राजा कि ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है फिर आगे प्रोविजन में खट से आपको बता दूंगा सारा कुछ आपके दिमाग में आ जाएगा सुनना राजा क्या होता है राजा देखो ट्रांसफर रुण्ट वॉलेंट्री होता है और ट्रांसमिशन जो होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है सर क्या मतलब है सर कि ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑपरेशन ऑफ लॉ मैं अपने अपने जीते जी शेयर किसी और को ट्रांसफर कर रहा हूं इसको बोलते हैं ट्रांसफर इसमें मेरे को स्टाम्प ड्यूटी भी लगेगी इसमें मेरे को ट्रांसफर डीड भी लगेगा बरोबर है क्या ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति है उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई अब उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसके जो सक्सेसर हैं

ट्रांसमिशन में आपको कोई स्टम्प ड्यूटी देने की जरूरत नहीं पड़ती है ट्रांसफर वॉलेंट्री होता है और ट्रांसमिशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है अब इसके क्या प्रोविजन है राजा इसको ध्यान से समझ के लेना अगर आपको बेटा शेयर ट्रांसफर करने तो तीन चीज करनी पड़ेगी एस एच फोर एस एच फोर यानी कि ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट बोलो ट्रांसफर डीड बोलो या ट्रांसफर फॉर्म बोलो ये ट्रांसफर फॉर्म में डेट डालना होगा टाइम डेट डालना होगा और आपका स्टाम्पिंग करनी होगी और साइन करना पड़ेगा इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफर डीट डेट डालोगे स्टाम्प डालोगे साइन करोगे बराबर है ट्रांसफर का भी साइन रहेगा ट्रांसफर का और ट्रांसफरी का भी साइन रहेगा जब से आपने डेट स्टाम्प और साइन किया है उसके साथ शेयर सर्टिफिकेट अटैच करके आप इसको भेजोगे कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में कंपनी देखेगी अच्छा कर रहे हैं है, ना जब से साइन हुआ ना वहां से 60 दिन के अंदर बरोबर है क्या कंपनी फिर उसके बेसिस में आपके शेयर के ट्रांसफर का रजिस्टर करेगी जब तक आप इसको डेट स्टाम और साइन नहीं करोगे तब तक कंपनी आपके शेयर को ट्रांसफर नहीं करने वाली है ठीक है सर मेरे को एक बात बताइए मान लीजिए मैंने एस एच फोर भेजा मैंने ट्रांसफर डीट भेजी मैंने ट्रांसफर फॉर्म भेजा सर हमने डेट भी लगाया था स्टाम्प भी लगाया था साइन भी किया था सर लेकिन ना वो कंपनी के पास ना सर साठ दिन में नहीं पहुंचा नब्बे दिन में पहुंचा सर लेट पहुंचा सर बहुत ज्यादा इतना लंबा समय लग गया सर या तो सर क्या हुआ वो जो ट्रांसफर डीट थी ना उसमें हमने शेयर सर्टिफिकेट अटैच किया था सर वो घूम गया सर पूरा का पूरा शेयर सर्टिफिकेट भी घूम गया ट्रांसफर डीट भी घूम गई लॉस्ट हो गया सर ट्रांजिट में अब क्या करेंगे तो राजा कल मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी याद आ रहा है आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अपने को क्या बोलता है राजा कि अगर आपका शेयर सर्टिफिकेट घूम गया है फिर भी आप उसको ट्रांसफर करना चाहते हो उन शेयर्स को या तो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट पाना चाहते हो तो कंपनी को आपको एक बॉन्ड देना पड़ेगा कि भाई हमारा ही था वो घूम गया था अब हम तुम्हारे को इंडेमनिटी दे रहे हैं कि मान लो कल को कोई को नुकसान होता है तो हम उसकी भरपाई करके लेंगे बरोबर है लेकिन हमारे शेयर को या तो ट्रांसफर कर दो या तो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट हमको दे दो तो गुम भी गया या साठ दिन बाद भी हुआ कंपनी आपसे इंडेमिनिटी बॉन्ड ले लेगी और उसके बेसिस में आपका शेयर का ट्रांसफर को रजिस्टर कर देगी सर वापस से एक बार रिपीट कर दीजिए राजा बस एक ही सेकेंड ना एक सेकेंड का ब्रेक लेता तो, हूं एक जने को आया उसको कुछ बोलना है एक ही सेकेंड बस एक ही सेकेंड राजा ठीक है हाँ जी राजा वापस आ गया हूं मैं मेरी बात को ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा था राजा मैं ट्रांसफर और ट्रांसमिशन आपको समझाया ट्रांसफर अपने को क्या वॉलेंट्री हुआ वा, ट्रांसमिशन हुआ एक बार अब आपको पढ़ा देता हूं वापस से आपको एस एच फोर देना पड़ेगा ये इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर बोलते हैं तो या तो ट्रांसफर फॉर्म या तो ट्रांसफर डीड बोलते हैं बरोबर है क्या एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफर डीड का मतलब क्या होता है उसमें स्टाम्प होना चाहिए डेट होना चाहिए और साइन होना चाहिए जैसे ही स्टाम्प डेट और साइन हुआ इसको बोलते हैं कि एग्जीक्यूट हो गया बराबर है क्या अब बोल रहा है राजा सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट जैसे ही आपने ये डेट एग्जीक्यूट किया साठ दिन के अंदर आपको इसको कंपनी के पास भेजना है अब ट्रांसफर डीड ट्रांसफर डीड जो है कंपनी के पास या तो ट्रांसफरर भी दे सकता है या तो कौन दे सकता है ट्रांसफरी भी दे सकता है सर मान लो गुम गया तो क्या होगा कोई कुछ नहीं होने वाला इंडेमनिटी देना पड़ेगा और इंडेमनिटी के बेसिस में आपका काम हो जाएगा बरोबर है क्या अब एक इंपॉर्टेंट बात है राजा जो पॉइंट नंबर पांच में दी हुई है बात को ध्यान से समझना Fifth वाला पॉइंट क्या बोलता है कंपनी शेयर का ट्रांसफर रजिस्टर नहीं करेगी और ना करते हुए वो ट्रांसफरी को नोटिस भेजेगी अब ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि वो रजिस्टर भी नहीं करेगी और ट्रांसफरी को नोटिस भेजेगी कि बता ट्रांसफरी रजिस्टर करना है कि नहीं करना है अब बात को ध्यान से सुनना क्या क्या कंडीशन पालन होनी चाहिए इसको समझना कंडीशन ये राजा मान लो शेयर ट्रांसफर फॉर्म किसने भेजा है ट्रांसफर ने भेजा है पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन वो शेयर ट्रांसफर फॉर्म जो है उस पर पे पेड शेयर है पार्टली पेड शेयर का मतलब लाइबिलिटी आएगी अगर ट्रांसफर होगा तो तो अगर शेयर ट्रांसफर फॉर्म ट्रांसफरर ने भेजा है और वो पार्टली पेड शेयर्स हैं तो भैया ये तो दिक्कत वाली बात है कंपनी नोटिस भेजेगी ट्रांसफरी को कि ये ट्रांसफरी भाई पार्टली पेड शेयर है तू लेगा क्या पार्टली पेड के लिए ने भेजा इसको तेरे को लेना है कि नहीं लेना है बराबर है क्या लेना है कि नहीं लेना है कि मतलब, नहीं लेना का मतलब ये पार्टली पेड शेयर है इसको हम रजिस्टर कर देना दो हफ्ते का टाइम रहेगा ट्रांसफरी को हाँ या ना बोलने का कोई भी जवाब नहीं आया तो रजिस्टर कर दिया जाएगा तो देखो क्या लिखा है नोटिस कब लगेगा जब ट्रांसफर डी ट्रांसफर ने दी है और शेयर्स क्या है पार्टली पेड अप है नोटिस देगा ट्रांसफरी को एस एच फाइव में और कंपनी उसको दो हफ्ते का समय देगा कि बेटा रिप्लाई कर दे करना है करना है है कि नहीं रजिस्टर इसको फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर दो हफ्ते में कोई भी भी रिप्लाई नहीं आया कंपनी उसको क्या कर देगी रजिस्टर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है राजा ध्यान से समझना अब देखो क्या बोल रहा है छठा वाला पॉइंट सिक्स वाला पॉइंट बोल रहा है कि भाई साहब देखो ऐसा हुआ कि जो ट्रांसफर है ना जो व्यक्ति है वो मर गया मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का हक आएगा शेयर्स पे

अगर कोई व्यक्ति मर गया है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके शेयर्स को नहीं रखना चाहता वो किसी और को ट्रांसफर करना चाहता है कोई बात नहीं हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को होल्डर ऑफ सिक्योरिटी मान लेंगे और उसको होल्डर ऑफ सिक्योरिटी मानते हुए उसको होल्डर ऑफ सिक्योरिटी मानते हुए हम उसको अलाउ कर देंगे कि चल कोई बात नहीं तू ट्रांसफर कर दे अब उसको क्या भेजना पड़ेगा राजा एस एच फोर भेजना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है वो खुद नहीं रख रहा है वो ट्रांसफर कर रहा है तो हम उसको होल्डर ऑफ सिक्योरिटी मान लेंगे वो ट्रांसफर फॉर्म भेजेगा उसमें ट्रांसफरी का नाम लिखेगा खुद ट्रांसफरर बनकर ट्रांसफर फॉर्म को साइन करेगा क्योंकि हम उसको होल्डर ऑफ सिक्योरिटी मानेंगे और हम उसको ट्रांसमिट नहीं करेंगे हम किसी और को ट्रांसफर कर देंगे तो देखो लिखा है अगर डेथ होती होल्डर ऑफ सिक्योरिटी की ट्रांसफर ऑफ

क्वेश्चन नंबर नाइनटीन सेक्शन नंबर फिफ्टी एटा ये सेक्शन नंबर फिफ्टी एट क्या बोलता है ध्यान से समझना फिफ्टी एट ये कहता है राजा कि ट्रांसफर डीड कंपनी को मिली कंपनी ट्रांसफर डीड रिसीव कर ली है और कंपनी रिफ्यूज कर रही है कि हम ट्रांसफर नहीं करेंगे वॉट एवर रीजन होगा कोई तो कारण होगा ठीक है कहता है कि कंपनी का एक ऑब्लिगेशन है सेक्शन फिफ्टी एट क्या कहता है कंपनी का एक ऑब्लिगेशन है जैसे ही कंपनी को ट्रांसफर डीड मिली है वहां से थर्टी डेज के अंदर कंपनी को रिफ्यूजल का नोटिस भेजना है अगर कंपनी को ट्रांसफर रजिस्टर नहीं करना है तो और वो नोटिस में रिफ्यूजल का कारण बताएगी रीजन बताएगी बरोबर है क्या तो मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी है आपने शेयर ट्रांसफर फॉर्म भेजा एक प्राइवेट कंपनी को या आपने शेयर ट्रांसफर फॉर्म भेजा है एक पब्लिक कंपनी को बरोबर है तो वो कहता है राजा वो कहता है बात को ध्यान से समझना वो कहता है कि शेयर ट्रांसफर फॉर्म जो रहेगा ना प्राइवेट कंपनी को तीस दिन में रिफ्यूजल का नोटिस भेजना है पब्लिक कंपनी को भी तीस दिन में रिफ्यूजल का नोटिस भेजना है मान लो तीस दिन में रिफ्यूजल का नोटिस आ गया ट्रांसफर ही बेचारा दुखी है कि साला मैंने पैसे भी दे दिए ट्रांसफरर को मैंने हमने एस एच फोर भी डाला और साला रिफ्यूज कर रही ये लोग बराबर है क्या तो यदि प्राइवेट कंपनी है कौन सी कंपनी राजा प्राइवेट कंपनी है 30 दिन के अंदर रिफ्यूजल का नोटिस आ गया और ट्रांसफरी बेचारा दुखी है तो सेक्शन 58 बोलता है ट्रांसफरी तू ना सीधा एनसीएलटी के पास चले जाना एनसीएलटी को अपील फाइल कर देना और बोल देना देखो कंपनी मेरे साथ गलत कर रही है एनसीएलटी को लगा कि हाँ वाकई में तेरे साथ क्या हो रहा है गलत हो रहा है तो एनसीएलटी क्या करेगी राजा डायरेक्ट कर देगी किसको कंपनी को कि भाई रजिस्टर करो बरोबर है और तेरे को डैमेज भी दिलाएगी सर ये तो तब हुआ ना जब कंपनी ने मेरे को रिफ्यूजल नोटिस दिया मान लो कंपनी ने रिफ्यूजल नोटिस नहीं दिया तो क्या बोले कोई बात नहीं कंपनी को तीस दिन का समय रिफ्यूजल देने का, जब से है दिन निकल गए। अभी ने क्या दिया? रिफ्यूजल नोटिस नहीं दिया अगले तीस दिन में अगले तीस दिन का मतलब क्या राजा विद इन सिक्सटी डेज क्या बोल रहा हूं मैं विद इन सिक्सटी डेज नोटिस रिफ्यूजल नोटिस नहीं आया तो तीस दिन तो कंपनी का टाइम है रिफ्यूजल का नहीं आया तो विद इन 60 डेज 60 डेज का से जब से तूने फोर किया है तो 30 दिन कंपनी को मिले अगले 30 दिन में तू अपील कर देगा पब्लिक कंपनी में यही चीज डबल हो जाएगी 30 दिन में पब्लिक कंपनी को रिप्लाई करना है नहीं कि पब्लिक कंपनी ने रिप्लाई नोटिस का नहीं दिया तो 90 डेज अगर रिफ्यूजल नोटिस आया है पब्लिक कंपनी से तो 60 डेज नहीं आया है तो 90 डेज रिफ्यूजल नोटिस आया पब्लिक कंपनी से रिफ्यूजल से 60 दिन के अंदर एनसीएलटी को अपील चले जाएगी सर रिफ्यूजल नोटिस नहीं आया 90 दिन में एनसीएलटी को अपील चले जाएगी और एनसीएलटी सारी पार्टी को सुनते हुए डायरेक्ट कर देगी ट्रांसफर या ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर्स और बोल देगी कि इनको डैमेज भी पे करो और अगर कंपनी एनसीएलटी का डायरेक्शन का पालन नहीं करेगी तो ये कॉन्ट्रावेंशन के लिए पेनाल्टी भी दी गई है क्लियर है दोस्तों दस दिन के अंदर एनसीएलटी को दस दिन के अंदर कंपनी को एनसीएलटी के ऑर्डर का कंप्लायंस करना पड़ेगा एवरीबॉडी चीजें सेक्शन नंबर फिफ्टी एट अच्छे से समझ में आया राजा आपको सेक्शन नंबर फिफ्टी एट समझ में आया है राजा आपको सेक्शन नंबर फिफ्टी एट समझ में आ गया आपको सेक्शन नंबर ये वाला भी समझ में आ गया राजा ये वाला ट्रांसफर और ट्रांसफर डीड वाला सबको समझ में आए ठीक है ठीक है, है चलिए टाइम वाला नहीं समझा है टाइम वाला अपन आराम से क्लास खत्म करने के बाद आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा ट्रिकी है अभी मेरे को उसमें समय डालने का मन नहीं कर रहा है ये समझ में आ गया तो मैं आपको आगे समझाता हूँ बात को ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है बेटा क्वेश्चन नंबर जो नाइनटीन है वो अपने को क्या कह रहा है अरे ये तो वापस से आ गया इधर यह आता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फर्दर इश्यू ऑफ शेयर अब बात को ध्यान से समझना ये लगभग सारी चीजें थोड़ा सा बड़ा है चैप्टर लेकिन इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट सारी चीजें करा रहा हूं बात को बेटा बिल्कुल ध्यान से समझ के लेना ठीक है सुनना फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल राजा क्या बोल रहा है फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल ये वाला सेक्शन जो है सेक्शन सिक्सटी दो कंडीशन में लगता है एक तो कंपनी कौन सी कंपनी है शेयर कैपिटल वाली है है और कंपनी ला रही है। फर्दर लाने का मतलब क्या होता है राजा कि कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है जिनसे वो पैसे उठा रखी है अब दोबारा वो इशू ला रही है प्रोस्पेक्टस के माध्यम से ला रही है दोबारा पैसे रेस करना चाह रही है तो सेक्शन सिक्सटी बोलता है नहीं दोबारा रेस करना चाह रहे हो ना तो दोबारा खुद से नहीं करने का है आप क्या करो एग्जिस्टिंग वाले मेंबर से पहले पूछो अगर वो लेना चाहेंगे तो ठीक है नहीं तो आप बाहर वालों को दे सकते हो बरोबर है क्या तो पहले बोल रहा है एग्जिस्टिंग को पूछना है ठीक है

सर कितने समय के लिए ऑफर वैलिड रहेगा जब से आपने डिस्पैच किया ना वहां से मिनिमम पंद्रह दिन और मैक्सिमम तीस दिन के लिए ऑफर क्या रहेगा वैलिड रहेगा है है क्या ठीक सर सॉरी तो डिस्पैच से नहीं डिस्पैच तो आपको कम से कम तीन दिन पहले करना है ऑफर आपका ओपन होगा वहां से कम से कम पहले डिस्पैच करना है ऑफर जब से ओपन होगा वहां से मिनिमम पंद्रह और मैक्सिमम तीस दिन के लिए आपका राइट इश्यू वाला ऑफर वैलिड रहेगा ठीक है सर समझ में आया अब मेरी बात को समझना कंपनी एग्जिस्टिंग मेंबर को अगर नहीं देना चाहती है कंपनी सोच रही है हम एम्प्लॉय को दे देते हैं कोई बात नहीं मेंबर से पूछ लो मेंबर से आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके पूछ लो कि मेंबर आपको नहीं देंगे कंपनी के एम्प्लॉय को देंगे तो चलेगा क्या अगर मेंबर एसआर पास करके अप्रूव कर देता तो आप एम्प्लॉय को दे दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है

जो साल भर बाद डिवेंचर इक्विटी में कन्वर्ट होने वाला है प्रेफरेंस शेयर भी इक्विटी में कन्वर्ट होने वाला है तो जब साल भर पहले आपने कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किए थे तो सेक्शन 71 बोलता है कि अगर कन्वर्टेबल इशू करना है तो एसआर पास करना पड़ेगा तो साल भर पहले जब आपने कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किया था तब, तब आपने एसआर पास किया था जब आपने कन्वर्टेबल प्रिफरेंस शेयर इशू किया था तब तो आपने एसआर पास किया था तो आज अगर वो कन्वर्ट हो रहे हैं और उसके लिए इक्विटी शेयर इशू करना है तो इसको फर्दर इश्यू तो नहीं बोलेंगे ना उसके लिए तो हमने ऑलरेडी एस पास कर लिया था तो यहाँ पे सेक्शन 62 नहीं लगेगा यहाँ पे आप ये नहीं बोलोगे कि अच्छा आप तो फर्दर शेयर दे रहे हो तो हमसे पहले एस आर लो हाँ एस आर हमने पहले ही पास करवा लिया था यहाँ पे जब आप कन्वर्ट कर रहे हो और कन्वर्ट होकर आप शेयर इश्यू कर रहे हो तो तो पे सेक्शन 62 नहीं लगेगा तो देखो ऑफ़ शेयर कर रहे अकाउंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लोन और डिबेंचर इनटू शेयर वो कन्वर्ट हो रहे हैं हमने ऑलरेडी उसके लिए एसआर पास किया था यहां पे सेक्शन 62 नहीं लगेगा अब मान लीजिए मान लीजिए आपने मान लीजिए आपने गवर्नमेंट से कुछ पैसे ले रखे हैं गवर्नमेंट को आपने डिबेंचर इशू रखे हैं अब गवर्नमेंट क्या कर रही है आप पैसे पे नहीं कर पा रहे तो गवर्नमेंट ने आपको ऑर्डर कर दिया कि भाई आप हमारे किसको के जो अपना डिबेंचर है ना इसको शेयर में कन्वर्ट कर दो तो आप बोलोगे कि सर जब डिबेंचर इशू किया था गवर्नमेंट को तो क्या एस पास किया था अरे एस पास किया था बरोबर है लेकिन उनके ना टर्म में कोई कन्वर्जन का प्रोविजन नहीं था वो नॉर्मल थे कन्वर्टेबल डिबेंचर नहीं थे तो सर गवर्नमेंट फिर भी ऑर्डर दे, हाँ, दे सकती है हाँ वो सेंट्रल गवर्नमेंट है विदाउट टर्म ऑफ कन्वर्जन भी सेंट्रल गवर्नमेंट कन्वर्जन को ऑर्डर दे सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में और इस कंपनी को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा शेयर में तो सर अब तो कन्वर्ट हो रहा है शेयर तो फर्दर इश्यू माना जाएगा नहीं यहां पे भी सेक्शन 62 नहीं लगेगा सीजी का ऑर्डर आ रहा है और कन्वर्ट कर रहे हो डिबेंचर को और शेयर इश्यू कर रहे हो 62 यहां पे लगने वाला नहीं है सर एक बार ब्रीफ कर दीजिए सर सेक्शन 62 में क्या पड़ा क्योंकि सेक्शन खत्म हो गया आइए ब्रीफ कर देता हूं सर एक बार ब्रीफ कर दो कि क्या पड़ा है सेक्शन सिक्सटी में आओ ब्रीफ करते तो राजा ऐसा है कंपनी शेयर कैपिटल वाली है वो फर्दर शेयर कैपिटल ला रही है कोई बात नहीं ले आओ लेकिन पहले एग्जिस्टिंग मेंबर से पूछना पड़ेगा सर कैसे पूछेंगे सर लेटर ऑफ ऑफर भेजना पड़ेगा सर लेटर ऑफ ऑफर कितने दिन पहले जाएगा जब से आप ये ऑफर ओपन कर रहे हो वहां से कम से कम तीन दिन पहले लेटर ऑफ ऑफर को डिस्पैच कर देना स्पीड पोस्ट से करो रजिस्टर्ड पोस्ट से करो कुरियर से करो मेल से करो जिससे करना करो लेकिन लेटर जाना चाहिए जैसे ही इश्यू ओपन हुआ वहां से पंद्रह दिन और मैक्सिमम तीस दिन के लिए लेटर ऑफ of आपका ऑफर ओपन हो सकता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को किसी और एग्जिस्टिंग को, सर। सर को, तो को देना चाहते हैं हम ना एग्जिस्टिंग को देना चाहते हैं ना इंप्लॉय को देना चाहते हैं हम तो बाहर वाले को देना चाहते हैं कोई बात नहीं वापस से एग्जिस्टिंग वालों से एस पास कर लो दे दो सर हम तो कन्वर्ट करके दे रहे हैं सिक्सटी नहीं लगेगा सर तो हम गवर्नमेंट के ऑर्डर से कन्वर्ट करके दे रहे सेक्शन तो नहीं लगेगा वाह बहुत बढ़िया फर्दर इश्यू ऑफ शेयर हो गया अगर आपको भी समझ में आ गया तो थोड़ा सा प्रोत्साहन कर दो मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगा जीवन में आगे बढ़ते हैं राजा आ जाओ सेक्शन नंबर सिक्सटी एट राजा आ जाओ सेक्शन नंबर सिक्सटी एट सिक्सटी एट बेटा भयंकर इंपॉर्टेंट है जैसे 62, फिर ईमानदारी मोटे -मोटे से, में, में, से बताओ बेटा बहुत ज्यादा लोड तो नहीं हो रहा है बेटा बहुत ज्यादा लोड तो नहीं हो रहा है सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्योंकि बेटा जो टेक्निकल कंसेप्ट है ना मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम देके समझा रहा हूँ उसको कि आपको एग्जाम में परेशानी नहीं आनी चाहिए जैसे विवेक सिंह है ना वो कह रहा है बहुत कॉम्प्लिकेशन है बेटा पूरा जीवन ही कॉम्प्लिकेशन है नजरिए नजरिए की बात है जीवन को देखोगे सरल तो जीवन सरल हो जाएगा जीवन को देखोगे अरे माँ कसम इतना कुछ पढ़ना है वो इतना कुछ इतना बड़ा पहाड़ के दिखेगा राजा मेरे नजरिए से पढ़ राजा मेरे नजरिए से जितना सरलता से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ना उतना सरलता से तू सीखने की कोशिश कर राजा देख बाकी लोग क्या बोल रहे हैं शुभम गोयल बोल रहे है सर बहुत बढ़िया से समझ में आ गया सर थोड़ा लोड हो रहा है सीए मोटिवेशन सी मोटिवेशन का तो मैं कमेंट ही नहीं करूंगा कब से वो रोना ही धोना कर रहा है सर ब्रेक दे दो मेरे को टट्टी आ रही है मेरे को सुसु आ रहा है यही सब कर रहा है तेरा कमेंट तो हो गया तेरा बराबर है। देखो कह रहा है सर फिलहाल तो सब सेट है ठीक है ठीक है ठीक है और 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 क्या जय माता दी लेट्स रॉक चल रहा है थोड़ा सा लोड हो रहा है बट मैनेज कर लेंगे बिल्कुल 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 बराबर है क्या अब आज मेरे को ध्यान से समझना राजा मैं तो आपको बता रहा हूं कि मैं तो जहां जहां समय देके समझाना है वहां समय देके समझा रहा हूँ राजा पूरा नोट्स के साथ बरोबर है आपको थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा राजा मैं पिछले तीन घंटे से लगातार बोल रहा हूँ और उसी शिद्दत से बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है कि यार बहुत ज्यादा कंसेप्ट आ रहा है ऊपर ऊपर से उड़ा दू मैं बिल्कुल ऊपर से नहीं उड़ा रहा एकदम प्यार से समझा रहा हूँ आपको जागना पड़ेगा नींद आ रही है कंझट लग रहा है थोड़ा सा ईयरफोन लगा लो और थोड़ा सा घूम घूम के पढ़ो अपने आपको ऐसे झापड़ मारो सो के बैठा है मेरे को पता है बेटा तू सो रहे उधर उठ उठ फटाफट उठ उठ के पढ़ मजा वाला कंसेप्ट है राजा देख बाकी लोग इंजॉय कर रहे हैं एक बोल रहा है मजा आ गया सारे उठो जितने भी बैठे लेट के पढ़ रहे हो ना उठ के पढ़ो राजा उठ के बरोबर है तुम सोचो लगातार पिछले तीन घंटे से अगर हजार प्लस बच्चा जुड़ा हुआ है यानी कि कहीं ना कहीं तो उसका लिंक लगा हुआ है इतना सारा बच्चा एक साथ तो जुड़े नहीं रहेगा तीन घंटे से उनका भी मन कंटा जाता उनको भी लोड हो जाता वो चले जाता वो क्यों नहीं रो रहे धो रहे पता है क्या क्योंकि उनका मन लगा हुआ है वो पढ़ रहे हैं ध्यान लगा रहे हैं वो सब फालतू चीजों में हरकत में दिमाग नहीं लगा रहे हैं ये तुम्हारे जैसे मोए 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 मोहे करते ना यहाँ पे कमेंट में आके और एक जन यहाँ पे आके ब्रेक दे दो वो नहीं कर रहे हो तो कमेंट भी नहीं करते हो चुपचाप सुन रहे हैं पूरा ध्यान लगा के एकदम एग्जाम के लिए खट से जाके एग्जाम में लिख के आएंगे तुम यहाँ पे मोए मोह मोहे मोए ये कर दो वो कर दो कर रहे हो बरोबर है क्या तो जितने नौटंकी वाले हैं ना उनको तकलीफ हो रहा होगा जिनको पढ़ना है ना वो तो चुपचाप पढ़ रहा है तो कमेंट भी नहीं कर रहा है चुपचाप पढ़ रहा है पूरा अपने बुद्धि में घुसा ले रहा सीधा है सीधा जाके लिख के आएगा क्योंकि उसको पता है सर बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं मजे से पढ़ा रहे हैं अपने को पढ़ना चाहिए बरोबर है क्या ठीक है ठीक है ठीक है देखो जैसे बीस्ट बोल रहा है अरे सर जब आप नहीं थके तो हम कैसे थक सकते हैं बराबर है क्या ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया जीवन में आगे बढ़ते आइए सेक्शन नंबर सिक्सटी एट में आते राजा और देखो जिसको लोड हो रहा है जिसको लोड हो रहा है वो बाद में लोड ले ले लाइव में साथ साथ में हो जाएगा बाद में देखोगे तो कुछ नहीं होगा जागो ग्राहक अपने दोस्त बनो बरोबर है क्या चलिए ध्यान से सुनना इस बात बात को सेक्शन नंबर 68 में आते राजा जो बात कर रहा है बायबैक की बराबर है क्या सबसे पहला राजा मैं बायबैक के लिए आपको बताना चाहता हूं कि बायबैक के कारण क्या है बायबैक एक तो होस्टाइल टेकओवर से बचने के लिए होता है यानी कि कंपनी के बहुत सारे शेयर मार्केट में डायल्यूट हो चुके हैं कंपनी को डर है कि वो हॉस्टाइल टेक ओवर कर सकती है बराबर है क्या तो हॉस्टाइल टेक ओवर से अपने आप को बचाने के लिए कंपनी क्या करती है अपने खुद शेयर मार्केट में औने पौने दाम में खरीद लेती है ताकि बाहर शेयर कम रहे हॉस्टाइल टेक ओवर से वो बच जाए तो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म बायबैक को यूज किया जाता है एक बायबैक का पर्पज होता है कि कंपनी को बहुत ज्यादा सरप्लस है ये सरप्लस कंपनी कंपनी के मेंबर से बांटना चाहती है तो बोलती ला मैं तेरे शेयर खरीद लेती हूँ तो कितने में लिया था 500 में ला पंद्रह सौ रुपए में वापस कर दे तो एक प्रकार से सरप्लस वापस करने का तरीका और एक कारण होता है जब कंपनी अपने मेंबर को भरोसा दिलाना चाहती है कब भरोसा दिलाना चाहती है जब कंपनी के शेयर प्राइस ना एकदम रॉकेट की तरह नीचे गिर रहे हैं बरोबर पेंडेमिक आया था कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाई सारे लोग शेयर बेचने लग गए कंपनी का शेयर प्राइस धना दन गिरने लग गया तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को भरोसा दिलाने के लिए विश्वास दिलाने के लिए दे अपने शेयर को कि घबरा मत आज शेयर के प्राइस कम हो रहे हैं लेकिन हमारी औकात बराबर है कल वापस से उठा लेंगे एक ये कारण हो जाता है और एक कारण होता है जब बेटा ओवर कैपिटलाइजेशन होता है ना ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब हमने ज्यादा पैसे उठा लिए उतने पैसे का कोई काम ही नहीं है बरोबर है तो हम क्या कर रहे हैं शेयर होल्डर को बोल रहे हैं भाई शेयर वापस कर अपना पैसा वापस लेके जा हमको तेरे पैसे की जरूरत नहीं है तो ओवर कैपिटलाइजेशन का भी कारण है तो एक डिफेंस मैकेनिज्म एक ओवर कैपिटलाइजेशन एक शेयर होल्डर को सरप्लस वापस करना और एक शेयर होल्डर को कॉन्फिडेंस देने के लिए बराबर है क्या ठीक है अब ध्यान से बात को सुनना बाय आप कितने कारण से कर सकते हो ये तो क्लियर हो गया अब बायबैक कैसे कर सकते हो पैसा तो लगेगा ना वापस शेयर लेने के लिए तो आप फ्री रिजर्व से बायबैक कर सकते हो है है आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो पैसा उससे बायबैक कर सकते हो या तो आप प्रोसीड ऑफ एन अर्लियर इश्यू और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी से कर सकते हो अर्लियर इश्यू का मतलब क्या आज आप इक्विटी बाय बैक कर रहे हो तो पहले आपने कोई प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए होंगे उनकी प्रोसीड से आप इक्विटी बाय बैक कर लो लेकिन पहले आपने इक्विटी ही इशू किया था उससे इक्विटी ही बैक करना चाहते हो। नहीं चलेगा इसकी टोपी उसके सर होने वाला नहीं है ठीक है राजा कंडीशन फॉर बाय की है क्या बायबैक की क्या शर्त है सबसे पहली शर्त है राजा की आपके आर्टिकल में क्या होना चाहिए ऑथरिटी होना चाहिए उसके बिना आप बाय नहीं कर सकते अब बात आती लिमिट की लिमिट क्या बोलता है दस परसेंट ऑफ द अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का बायबैक करना चाहते हो बोर्ड रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा आप पच्चीस परसेंट ऑफ द अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का बायबैक करना चाहते हो एसआर से काम चल जाएगा मार्क माय वर्ड्स राजा जब मैं दस परसेंट बोल रहा हूं ना तो मैं दस परसेंट राजा पेड अप इक्विटी एंड फ्री रिजर्व का बोल रहा हूं जब मैं पच्चीस परसेंट बोल रहा हूं ना राजा तो मैं पेड अप इक्विटी नहीं बोल रहा हूं मैं पेड अप कैपिटल बोल रहा हूँ जिसके अंदर इक्विटी प्रिफरेंस दोनों आएगा एंड फ्री रिजर्व की बात कर रहा हूं बरूबर अब राजा ये तो लिमिट है कैसी लिमिट है बोर्ड रिजोल्यूशन से बाय करना है तो दस परसेंट की पेड अपक्विटी कैपिटल और फ्री रिजर्व की आपको एस पास करना है तो आपका पच्चीस परसेंट है पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का अब लिमिट की भी लिमिट है कहता है ये दस परसेंट और ये पच्चीस परसेंट में जो भी आ रहा होगा अमाउंट बरोबर है क्या उस अमाउंट से आप एक फाइनेंशियल ईयर में इक्विटी कितना बायबैक कर सकते हो क्योंकि देखो ये तो क्या है दस परसेंट है ये तो क्या है पच्चीस है अब ये तो बायबैक ऑफ सिक्योरिटी है ना सिक्योरिटी का मतलब इक्विटी भी, मतलब भी होता है सिक्योरिटी का मतलब प्रेफरेंस भी होता है तो कहता है ये दस परसेंट में जो अमाउंट आ रहा होगा ये पच्चीस परसेंट में जो अमाउंट आ रहा होगा जो भी अमाउंट आ रहा होगा उसमें आप एक फाइनेंशियल ईयर में इक्विटी कितना बाय बैक कर सकते हो तो बोले इक्विटी आप बायबैक करोगे नॉट एक्सीडिंग पच्चीस परसेंट ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल इन दैट फाइनेंशियल ईयर लिमिट की भी ये क्या है लिमिट है ठीक है सर अब आपको ऑफर देना है बायबैक के लिए मिनिमम पंद्रह दिन मैक्सिमम तीस दिन कि हर का बाकी है. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बायबैक के बाद आपकी कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए टू इस टू वन इंपॉर्टेंट बात आती है टाइम लिमिट्स की कंपनी जब बायबैक कर लेगी तो क्या टाइम लिमिट है तो कहती है

तो जब से आपका बायबैक कंप्लीट हुआ है वहां से अगले छह महीने सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी इशू नहीं करना है सेम काइंड सेम काइंड का मतलब क्या इक्विटी बायबैक किया तो इक्विटी इश्यू मत करना इक्विटी बायबैक किया तो प्रेफरेंस इशू कर सकते हो रिस्ट्रिक्शन किसमें राजा सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी पे है बरोबर है क्या ठीक है सर लेकिन सर मान लो सर हमारा बोनस इशू है बोनस इशू करो कोई दिक्कत नहीं है कन्वर्टेबल है करो कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं शेयर शेयर इशू इशू करो हम क्या बोल रहे हैं सेम काइंड ऑफ को बस मत करना बरबर है क्या एक तो ये बात हो गई बराबर है क्या फिर बोल रहा है कि आप जब बायबैक कर रहे हो ना अगले एक साल तक आपको बाय अलाउड नहीं है बाय हुआ वहां से अगले छह महीने में सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी इशू मत करना बायबैक हुआ अगले एक साल तक बायबैक मत करना ठीक है सर और आपको बायबैक कंप्लीट कब तक करना है एसआर पास हुआ या बीआर पास हुआ ना वहां से एक साल में सर पूरी टाइम लिमिट एक बार रिवाइज करा दो करा देते हैं बायबैक हुआ सात दिन के अंदर शेयर्स को फिजिकली डिस्ट्रॉय करना है बायबैक हुआ वहां से छह महीने में सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी को इश्यू नहीं करना है बायबैक हुआ वहां से अगले एक साल तक बायबैक नहीं करना है बायबैक आपका कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए बोले बी और एसआर पास हुआ है ना वहां से अगले एक साल के अंदर अगले एक साल नहीं बी और एसआर से विद इन वन ईयर आपका बाय कंप्लीट हो जाना चाहिए बरोबर है क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए बहुत बढ़िया ठीक है सर अपने को यहाँ पे समझ में आ गया बाकी ये रीडेबल पॉइंट है आप पढ़ोगे रजिस्टर और रिटर्न वाला तो आपको समझ में आ जाएगा अब राजा मैं आपको लेके जा रहा हूं प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक कि कब कब आपको बायबैक करने की प्रोहिबिशन है तो एक प्रोहिबिशन आती है राजा जब आप डिफॉल्ट किए रहते हो पेमेंट का तो एक प्रोहिबिशन आती है जब आपने पेमेंट का डिफॉल्ट किया है। एक प्रोहिबिशन आती है राजा जब आपने नॉन कंप्लायंस किया है और कुछ अदर प्रोहिबिशन है तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं कि इसको कैसे याद करना है बरोबर है क्या तो याद इसको करना है राजा डी 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 और आप इसको बोल दो पी डी और एल करके अब बी डी पी एल का मतलब क्या है यहां से एक डी का मतलब डिपॉजिट एक डी का मतलब है शेयर मतलब मतलब और एक डी का डिविडेंड मतलब अब इनके आगे वाला वर्ड है उसको कैसे याद रखना है का होता है का होता है डिबेंचर का का रिडम्पशन होता होता डिपॉजिट रीपेमेंट बराबर है क्या डिपॉजिट का रीपेमेंट डिबेंचर का रिडम्पशन प्रिफरेंस शेयर का भी रिडम्पशन और डिविडेंड का क्या हो जाएगा पेमेंट तो अगर आपने डिबेंचर के रिडम्पशन में डिफॉल्ट किया है अगर आपने डिविडेंड के पेमेंट में डिफॉल्ट किया है अगर आपने प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन में डिफॉल्ट किया है अगर आपने लोन के रिपेमेंट में डिफॉल्ट किया है इन सारे ही डिफॉल्ट में आपको बायबैक अलाउड नहीं है गांव वालों का पैसा खा के बैठे हो पहले गांव वाले के पैसे को रिटर्न करो उसके बाद आप बैक करना तो भैया अगर डिपॉजिट के रीपेमेंट में डिफॉल्ट के डिफॉल्टिशन में डिफॉल्ट डिफॉल्ट शेयर के के में डिविडेंड पेमेंट में डिफॉल्ट या तो टर्म लोन के रीपेमेंट में इंटरेस्ट के डिफॉल्ट आपको बायबैक अलाउड नहीं रहेगा लेकिन आपने सारे डिफॉल्ट को सही कर लिया सही करने के बाद तीन साल का कूलिंग पीरियड हो गया तीन साल तक अब आपका कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ अब आप बाय कर सकते हो ठीक है सर फिर क्या बोल रहा है आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया 92 में आपने 123 में डिविडेंड डर के प्रोविजन का नॉन किया किया 127 30 दिन के अंदर आपने आपने डिविडेंड नहीं नहीं दिया 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया. ये चारों ही केस में आपको बायबैक अलाउड नहीं रहेगा बायबैक आप अपनी सब्सिडरी के थ्रू भी नहीं कर सकते किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू भी नहीं कर सकते ठीक है सर यहां तक की चीजें समझ में आई है सर अब बात आ रही है राजा रिगार्डिंग इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइटीआर शेयर है क्या अब डीवीआर क्या होता है राजा ये भी समझ के लेना एक होता है राजा ऑर्डिनरी शेयर एक होता है डिफरेंशियल वोटिंग वाले शेयर बराबर आप समझना छोटा सा कंसेप्ट है अगर आपको थीम नहीं पता होगी तो अच्छे से ज्यादा समझ में नहीं आएगा पहले थीम समझ लो टाटा मोटर्स ने सन 2008 में पहली बार डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स शेयर्स का कंसेप्ट लाया था राजा इसमें होता क्या है समझना कोई कंपनी है राजा और वो फर्दर इश्यू ऑफ शेयर लाना चाहती है क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है अब वो ऐसा कर रही है कि यार मैं फर्दर इशू ऑफ शेयर लाऊंगी ना तो बाहर वालों के पास ना शेयर आ जाएगा तो साला हमारी कंपनी का ना कंट्रोल बढ़ जाएगा हमको हमारी एग्जिस्टिंग जो प्रमोटर है मेंबर है उनके ना इनके कंट्रोल को डाइल्यूट नहीं करना है तो बोले क्या करे तो बोले कंसेप्ट लाते कौन सा कंसेप्ट लाते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला कंसेप्ट लाते बोले इसमें क्या होगा बोले हम कंपनी के शेयर होल्डर को ये बोलेंगे कि हम तुमको क्या करते हैं शेयर देंगे लेकिन हम तुमको वोटिंग राइट नहीं देंगे दस शेयर में हम आपको एक वोटिंग राइट देंगे दस शेयर में एक तो कंपनी का मेंबर क्या बोलेगा हम लोग पागल हैं क्या कि तुम हमको पूरा दस शेयर का पैसा लो और वोटिंग सिर्फ एक शेयर का दो तो बोले सुनो तो टेंशन मत लो हम तुमको ना डिस्काउंट में शेयर देंगे बरोबर है क्या डिस्काउंट का मतलब बेटा बिलो फेस वैल्यू नहीं डिस्काउंट का मतलब मार्केट प्राइस से कम में देंगे बिलो फेस वैल्यू नहीं दे सकते आप ठीक है तो बोले मार्केट प्राइस से कम में देंगे और साथ साथ में ना आम शेयर होल्डर से आपको पांच से दस परसेंट का डिविडेंड भी ज्यादा देंगे तो आप प्राइस भी कम पे करोगे आपको डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा बस आपको एक चीज कॉम्प्रोमाइज करनी है कि हम आपको वोटिंग राइट right दस शेयर में एक देंगे

उतने डीवीआर शेयर्स आप डाल सकते हो जिसका टोटल मिला के सेवेंटी परसेंट आना चाहिए इससे ऊपर आप नहीं जा सकते ठीक है अब कुछ कंप्लाइंस बताया है अगर आपने पिछले किसी तीन फाइनेंशियल ईयर में एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो फाइल करने में नॉन कंप्लाइंस किया है तो आप डीवीआर वाले शेयर इशू नहीं कर सकते तो देखो लिखा है अगर आपने नहीं डिफॉल्ट किया तो चलेगा फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिटर्न पिछले तीन साल में कभी भी डिफॉल्ट किया डीवीआर आप शेयर इश्यू नहीं कर सकते कंपनी ने अगेन डी 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 और पी का अगर डिफॉल्ट किया है आप भैया डीवीआर के शेयर इश्यू नहीं कर सकते अब कंपनी ने किसी बैंक से लोन लिया है उसका डिफॉल्ट किया है कंपनी ने ग्रेचुटी का प्रोविडेंट फंड का जो एम्प्लॉय का फंड होता है उस पर डिफॉल्ट किया नहीं होगा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में आपने फंड क्रेडिट नहीं किया डीवीआर नहीं होगा लेकिन इसमें ऐसे बोलता है आपने सारे डिफॉल्ट को सुधारा सुधार के पांच साल का कूलिंग पीरियड हो गया अब आप कर सकते हो डीवीआर शेयर को इश्यू बरोबर है क्या ठीक है अब एफ वाला पॉइंट आता है राजा एफ वाला बोलता है कि आपको इनमें से किसी एक एक्ट एक के अंदर क्या मिली है पनिशमेंट मिली या तो आरबीआई एक्ट में या तो सेबी में या तो सकरा में या तो फेमा में या तो अदर एक्ट में अगर आपको इनमें से किसी एक एक्ट एक में पिछले तीन सालों में कभी भी पेनाल्टी लगी है तो आप डीवीआर शेयर इश्यू नहीं कर पाओगे बराबर और कंपनी अपने इक्विटी -फट क्या बोला आर्टिकल में अथॉरिटी चाहिए ओ पास करना है टोटल वोटिंग पावर में तो उतने डीवीआर शेयर इशू कर सकता है जो टोटल वोटिंग पावर का सेवेंटी फोर परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करे यानी कि अगर तेरे डीवीआर का पूरे डीवीआर को मिला के अगर तेरे टोटल वोटिंग पावर का 75 परसेंट हो रहा है गलत बात है वो 74 होना चाहिए ठीक है सर पिछले तीन साल में राजा फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न को फाइल करने में डिफॉल्ट किया डीवीआर इश्यू नहीं कर पाएगा डिविडेंड डि डिपॉजिट और प्रेफरेंस शेयर्स के पेमेंट या रिडम्पशन में तूने डिफॉल्ट किया है नहीं होगा अगर तूने बैंक से लोन लिया उसका डिफॉल्ट किया इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में फंड क्रेडिट नहीं किया अगर तूने की एम्प्लॉय ड्यूज में डिफॉल्ट किया डीवीआर इश्यू आप नहीं कर पाओगे लेकिन अगर आप ये सारे डिफॉल्ट को सुधार लेते हो और सुधारने के बाद पांच साल बीत चुके हैं अब आप कर सकते हो आपको इनमें से किसी एक में पेनल्टी लगी है पिछले तीन सालों में कभी भी डीवीआर नहीं होगा एग्जिस्टिंग डीवीआर में कन्वर्ट नहीं होगा डीवीआर वाला एग्जिस्टिंग में नहीं होगा आजीवा बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया बराबर है क्या प्रियांशु कह रहे हैं सर ये एड बंद कर दो अगली बार दिखेगा तो राजा बंद कर दूंगा ठीक है आते हैं लास्ट सेक्शन नंबर सेवेंटी डिबेंचर की बात कर रहा है राजा ट्रस्ट डीट की बात कर रहा है इसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा फोर्थ वाला हमारा पूरा का पूरा फोर्थ चैप्टर के मोटे मोटे टॉपिक हो जाएंगे राजा समझ में आ रहा है ना

ठीक है अभिजीत कह रहे हैं सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ठीक है ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं ठीक है एकदम मस्त चल रहा है सर मैराथन शुक्रिया भाई वेदान, अच्छा लगता है ऐसे कमेंट सुन के ना मेरे को मोटिवेशन आता है कि ज्यादा लोड नहीं आ रहा है बच्चा आराम से समझ पा रहा है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सब बोल रहे हैं ठीक है राजा ठीक है थैंक यू थैंक यू समझना अब राजा समझो अब ये लास्ट कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं राजा में जो बात करता है डिबेंचर्स की सेक्शन नंबर सेवेंटी वन बरोबर है क्या सेक्शन सेवेंटी वन को राजा थोड़ा सा समझना डिबेंचर क्या होता है ये भी समझना डिबेंचर का सिंपल सा मतलब होता है राजा एक कागज का टुकड़ा यानी कि एक, एक इंस्ट्रूमेंट जो आपको एविडेंस दे रहा है कि आपसे कंपनी ने पैसे लिए मान लो अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड है मैंने अभिजीत से पचास हजार रुपए लिए और एक कागज के टुकड़े में लिख दिया कि अभिषेक तूने अभिजीत तूने मेरे को इतने इतने दिए कंपनी को पैसे और लेटर हेड में कंपनी के दे दिया इसी को डिवेंचर बोलते हैं डिवेंचर की परिभाषा यही है इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग तो कागज का टुकड़ा जो इस बात की गवाही दे रहा है इस बात का एविडेंस दे रहा है कि कंपनी ने क्या लिया है डेट लिया है आपसे तो मान लो आप कंपनी के क्या हो गए डिबेंचर होल्डर क्योंकि आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट है जो इस बात की गवाही दे रहा है कि अर्जुन छाबरा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड ने आपसे उधारी ली है आप हो गए कंपनी के डिबेंचर होल्डर सरल शब्दों में बोलू तो डिबेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर होता है बहुत बढ़िया सर अब अगर कंपनी को डिबेंचर इशू करना है तो राजा डिबेंचर ना दो प्रकार के होते हैं और मैं बता दूं डिबेंचर में कभी आपको वोटिंग राइट नहीं मिलता है वोटिंग राइट राजा आपको मिलता है इक्विटी शेयर में हर मैटर में और प्रिफरेंस शेयर को सिर्फ तीन मैटर में वोटिंग राइट मिलता है बट वो अभी डिस्कशन का मुद्दा नहीं है डिबेंचर को कतई भी वोटिंग राइट नहीं मिलता है डिबेंचर अगर कन्वर्टेबल है तो वो डिबेंचर जब कन्वर्ट होके इक्विटी में आएगा ना तब उसको वोटिंग राइट मिलेगा जब तक वो डिबेंचर है तब तक उसको कोई वोटिंग राइट मिलने वाला नहीं है तो राजा एक होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर एक होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर सर अगर आपको कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू करना है ना आपको एस पास करना पड़ेगा तो सर अगर मेरे को नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू करना है तो उसके लिए कोई एस की जरूरत नहीं है आओ समझ के लेते हैं देखो क्या लिखा है कन्वर्टेबल डिवेंचर इश्यू करना चाहते हो एसआर लगेगा उस पर कोई भी वोटिंग राइट right नहीं मिलेगा बरोबर है अब बोल रहा है कि अगर आप सिक्योरिटी देना चाहते हो डिबेंचर में सिक्योर डिबेंचर इश्यू करना चाह तो रहे हो तो सिक्योर डिबेंचर का जो मैक्सिमम टेन्योर रहेगा वो होगा दस साल का जब से इशू किया वहां से दस साल लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो डिबेंचर तीस साल के लिए इशू कर सकती है वो कौन सी कंपनी है सरल शब्दों में बोलूं तो ऐसी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रही है और ऐसी कंपनी जो कंसर्न अथॉरिटी से परमिशन लेके आई है तो देखो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाली कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस वाली कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ऐसी कंपनी बेटा 30 साल के डिबेंचर इशू कर सकती है और ऐसी कंपनी जो डिपार्टमेंट से यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथोराइज है आरबीआई से ऑथोराइज है नेशनल हाउसिंग बैंक से ऑथोराइज है या किसी भी स्टेट्यूटरी ऑथोरिटी से ऑथोराइज है तो इसीलिए मैंने बोला ऐसी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाली है और ऐसी कंपनी जो किसी कंसर्न अथॉरिटी से ऑथराइज्ड है इस प्रकार की कंपनी के लिए मैक्सिमम लिमिट जो है सिक्योर डिबेंचर के लिए वो तीस साल है ठीक है सर समझ में आया सर अब क्या बोल रहा है जब आप सिक्योर डिवेंचर इश्यू करोगे तो आपको चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा कंपनी की असेट में वो कंपनी की सब्सिडी में भी हो सकता है कंपनी की होल्डिंग में भी हो सकता है कंपनी की एसोसिएट के भी असेट में आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो कितना जितना डिवेंचर का अमाउंट है ना राजा वो अलॉन्ग विद द उसमें आप इंटरेस्ट कितना कर रहे हो तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इतने अमाउंट का आपको चार्ज क्रिएट करना है वो चाहे कंपनी के असेट में हो कंपनी की एसोसिएट में हो कंपनी के सब्सिडी में हो कंपनी की होल्डिंग में हो चलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है

कंपनी में लगा रहा हूं इसकी देखभाल करने के लिए आपके पैसों के रखवाला डिबेंचर ट्रस्टी होता है जो आपको अपॉइंट नहीं करना राजा ये कंपनी ही अपॉइंट करेगी सेक्शन 71 वन ऑब्लिगेशन लगा रहे कंपनी के ऊपर कि कंपनी आपको एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है ट्रस्टी का मतलब ही क्या होता है राजा मैनेजर होता है मैनेजर किसका मैनेजर डिबेंचर का मैनेजर तो ट्रस्ट डीड बनेगी उस डीड में कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी एक एग्रीमेंट करेंगे जिसमें ट्रस्टी एक आश्वासन देगा कि हाँ मैं इन सारे पैसों का ख्याल रखूंगा किसके किसकी देखभाल करने के लिए डिबेंचर होल्डर के पैसे की देखभाल करने के लिए बरोबर है क्या तो अब आता है शॉर्ट नोट्स की बारी कि ट्रस्ट डीड क्या होती है दिसंबर बाईस में ये पांच मार्क्स का शॉर्ट नोट्स आया था तो ट्रस्ट डीड जो होता है आपको एस एच ट्वेल्व के अंदर एग्जीक्यूट करना है विद इन थ्री मंथ्स करना है कहां से थ्री मंथ्स जैसे ही आपके डिबेंचर इश्यू करने का ऑफर क्लोज हुआ ना वहां से थ्री मंथ्स के अंदर आपको ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करनी है ट्रस्ट डीड कोई भी मेंबर कोई भी डिबेंचर होल्डर इंस्पेक्ट कर सकता है अगर आपको बीइंग बीइंग अ अ मेंबर डिबेंचर होल्डर आपको वो ट्रस्ट ट्रस्ट डीड डीड की की कॉपी कॉपी चाहिए आप कंपनी कंपनी को रिक्वेस्ट करो दिन में वो ट्रस्ट की आपको अवेलेबल करा देगी ठीक है सर मैंडेटरी आपको डिबेंचर रिडम्शन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा डिबेंचर रिडम्शन रिजर्व जिससे जैसे ही रिडम्शन का टाइम आएगा डिबेंचर मैच्योर हो जाएंगे रिडम्पन का वक्त आ जाएगा तो आप इसी रिजर्व से उसका क्या करोगे रिडम्शन करोगे ट्रस्टी को आपको कब अपॉइंट करना रहता है यह समझ के लीजिएगा सबसे पहले ट्रस्टी को आपको तब अपॉइंट करना है या तो जब आप पब्लिक को ऑफर कर रहे हो या तो आप अपने को ही कर रहे हो तो 500 मेंबर तक तो कोई भी ट्रस्ट डीड बनाने की जरूरत नहीं कोई ट्रस्टी अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो तब तो ट्रस्टी लगेगा ही लगेगा लेकिन आप अपने मेंबर को इनवाइट कर रहे हो कि आजा भाई मेरे डिबेंचर में पैसे लगा और मेंबर 500 तक है कोई दिक्कत नहीं है 500 के ऊपर गए मेंबर तो आपको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा और डिबेंचर ट्रस्टी आपको अपॉइंट कर लेना है इशू करने के पहले ठीक है सर ड्यूटी और फंक्शन क्या रहेगी डिबेंचर ट्रस्टी का आप लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जो कंपनी के क्या है डिबेंचर होल्डर अभी जो प्रिफरेंस शेयर वाला है राजा ये रीडेबल पॉइंट है इसमें कुछ समझने के लिए नहीं है उसको आप लोग रीड कर लेना सीधा अपन चल के आते हैं राजा चैप्टर नंबर सिक्स में फोर चैप्टर हो गए हमारे कितने चैप्टर हो गए राजा चार चैप्टर हो गए हमारे अब अपना जो बचा है तीन ही चैप्टर बचा है उसमें भी राजा जो चैप्टर नंबर फाइव, फाइव में कोई क्वेश्चन आज तक बना नहीं है तो फाइव को फिलहाल के लिए मैं कर रहा हूं स्किप क्योंकि आज तक चैप्टर नंबर पांच को टच तक नहीं किया इंस्टीट्यूट ने आई डोंट नो वाई बरोबर है क्या तो फिलहाल हम पांच को क्या करते हैं स्किप बरोबर है क्या और आते हैं छे में एक व्यक्ति और आए हैं सर राइटिंग प्रैक्टिस को फ्री कर दो ना सर प्लीज सर प्लीज सीए फाउंडेशन का मैं नेपाल से हूं आपका सब लेक्चर देखा हूं प्लीज सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं फिर को एक बात बता राजा तो सुन ही ले थोड़ा सा तुम लोग भी सुनो भाई सीएमए वाले जो देख रहे हैं ना आज मैं बता ही देता हूं कि राइटिंग प्रैक्टिस का प्राइस कितना है पता है कितना राइटिंग प्रैक्टिस का प्राइस मात्र पांच सौ रुपए का पांच सौ रुपए का पांच सौ रुपए में मैं चार से पांच दिन राइटिंग प्रैक्टिस लूंगा और हर दिन कम से कम कम से कम चार घंटे पढ़ूंगा कम से कम चार घंटे मतलब पढ़ाऊंगा चार घंटे राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा मेहनत करूंगा यानी कि एक दिन का शायद सौ रुपए बराबर है ये सौ रुपए तो छोड़ो आप अपनी बंदी के ऊपर उड़ा देते हो हजार हजार रुपए बराबर है पिज्जा विज्जा खा लेते हो हजार रुपए का पांच सौ रुपए का इतना चुभ रहा है इनको क्या बताऊं कि अरे सर फ्री कर दो फ्री कर दो भाई मैं ले क्या रहा हूं जो मैं फ्री करूंगा तुझे पता है वो पांच सौ क्या है वो पांच सौ रुपये सिर्फ और सिर्फ अपना समय देने का पैसा ले रहा हूं अपना सर्वर चार्जेस ले रहा हूं अपना समय अपना कंटेंट जो है कंटेंट का तो एक नहीं ले रहा वो सिर्फ समय देने का पैसा है और में में तुम उस चीज की कीमत करोगे बोल के पैसा है, अभी फ्री में डाल यही तुमको कोई भारी का जो ब्रांड रहेगा ना एकदम जो बहुत दस बीस साल से बना हुआ होगा एकदम हवाबाजी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कंटेंट जीरो वो आपको बता देगा है। देखो फ्री के आ जाएंगे उसके मैंने फलानी जगह से राइटिंग प्रैक्टिस ली थी मेरे को इतने मार्क्स मिले मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ भाड़े के टट्टू रहेंगे उनका देख के तुम दोगे पैसा नहीं पांच दोगे भाई तुम्हारे हित में काम कर रहा है पांच सौ रुपये में सारी चीज बना रहा है नए नए जो एजुकेटर हैं जैसे खान साहब हो गए और भी जैसे लोग हैं जो बच्चों को एक नॉमिनल रुपए में सर्विस देना चाहते हैं उसका तुमको अहमियत ही नहीं है तुमको चलता है फ्री करवा दो उसका भगवान बचाए मेरे को ऐसे स्टूडेंट से बाबा तेरे से तो बेटा मैं पांच हजार लूंगा राइटिंग प्रैक्टिस का अब मैं पांच हजार लूंगा इसका नाम नोट करो जी नेपाल वाले का इसका नाम नोट करो ठीक है चलो मेरी बात को ध्यान से सुनना चैप्टर नंबर सिक्स राजा रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस बरोबर है क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस ठीक है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस क्या बोलता है पहले चैप्टर का पर्पस समझो ये कहता है राजा कंपनी है कंपनी ने किसी बैंक से कंपनी ने किसी क्रेडिटर से लोन लिया अब लोन के लिए वो कोई लैंड रहेगी उस लैंड को सिक्योरिटी में देगी या कोई असेट रहेगी उसको सिक्योरिटी में देगी अब हो सकता है कंपनी ने एक बैंक से लोन लिया अपनी लैंड को गिरवी रखा लैंड की कीमत पचास लाख लोन लिया सत्तर लाख रुपए का बराबर है या लैंड की कीमत सत्तर लाख रुपए की और लोन लिया पचास लाख रुपए का बराबर अब कंपनी इसी लैंड को लेके चले जाएगी किसी दूसरी बैंक के पास और दूसरी बैंक को बोलेगी कि भाई ये लैंड ले ले और पचास लाख दे दे अब बेचारा जो दूसरा बैंक वाला है उसको क्या पता कि भाई पहले बैंक वाला ऑलरेडी इस लैंड को गिरवी रखा हुआ है और पचास लाख का लोन दिया हुआ है और तो दूसरा बैंक वाला तो बुद्धू बन जाएगा तो बोले एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं बराबर है ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन करते हैं हम एक काम करते हैं कंपनी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगा देते हैं कि कंपनी जब भी तुम किसी क्रेडिटर से लोन लोगे और सिक्योरिटी क्रिएट करोगे ना आपको उस सिक्योरिटी का रजिस्ट्रेशन कराना है आरओसी के पास यानी कि आरओसी को बता दो हमने बैंक नंबर वन से लोन लिया और ये वाले लैंड को हमने इतने रुपए के लिए गिरवी रखा है अब जब दूसरा बैंक के पास तुम जाओगे तो दूसरा वाला बैंक कंस्ट्रक्टिव नोटिस के डॉक्ट्राइन का इस्तेमाल करते हुए आर के पोर्टल में जाके देख लेगा कि इस कंपनी के बिहाफ में और कितने लोन चल रहे हैं तो उसको पता चल जाएगा तो बिचारे के साथ फ्रॉड होने से रुक जाएगा इसीलिए रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस वाले चैप्टर के अंदर इसीलिए राजा रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस वाले चैप्टर के अंदर अपने ऊपर क्या लगाए गए हैं ऑब्लिगेशन कंपनी के ऊपर क्या लगाए गए हैं ऑब्लिगेशन जस्ट अ मोमेंट राजा जस्ट अ मोमेंट आवाज अभी आ जाएगी जस्ट मोमेंट दोस्तों जस्ट मोमेंट जस्ट यारो ठीक है यारो मेरी बात को ध्यान से सुनना राजा ठीक है ठीक है कह रही सर यहां पे राजा कौन है सारे राजा हो बेटा तुम मेरे सुनना अब ऑब्लिगेशन लगा रहे कंपनी के ऊपर कंपनी को यह बोला जा रहा है कि कंपनी जब-जब तुम चार्ज क्रिएट करोगे उसका रजिस्टर कराना कैसे कराओगे तो बोला कंपनी जैसे ही तुमने चार्ज क्रिएट किया चार्ज यानी कि सिक्योरिटी वहां से थर्टी डेज के अंदर आप आरओसी के पास वन फॉर्म नंबर बता रहा हूं वन बराबर है क्या CHG1 लेके जाना आरओसी के पास लेके जाना आरओसी उस CHG1 के बेसिस पे आपके इस चार्ज को रजिस्टर कर लेगा अब वो जनहित में जारी हो जाएगा अब कॉर्पोरेट फ्रॉड होने से बच जाएगा तो मान लो आपने बैंक से छुट्टा छुट्टा लोन लिया हुआ है तो C .H .G. में अप्लाई करोगे लेकिन अगर आपने बैंक से लोन नहीं लिया है आपने किसी 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 व्यक्ति से डिबेंचर इश्यू करके पैसे लिए और उसके फेवर में चार्ज क्रिएट किया है तो सीएच जी नाइन में अप्लाई करोगे कितने दिन में अप्लाई करोगे थर्टी डेज में कितने दिन में अप्लाई करोगे थर्टी डेज में अप्लाई करोगे बराबर अगर 30 डेज में अप्लाई नहीं किया तो अगला और 30 डेज मिलेगा उसमें आपको एडिशनल फीस देनी पड़ेगी तो 30 डेज नॉर्मल फीस के साथ अगला 30 डेज एडिशनल फीस के साथ तो 30 प्लस 30 साठ हो गया इसमें भी नहीं कराए तो और साठ दिन मिलेंगे इसमें आपको एडवोलरम फीस देना पड़ेगा एडवोलरम फीस का मतलब क्या होता है एडवोलरम फीस का मतलब क्या होता है एडवो लोराम फीस का मतलब क्या होता है एडवो लोराम फीस का मतलब ये होता है जस्ट अ मोमेंट यारो एक ही सेकंड थोड़ा सा हिसाब किताब सुधारना है ठीक है ठीक है एडवो लोराम फीस का मतलब क्या होता है जितने अमाउंट का जितने अमाउंट का आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो उतने अमाउंट का आपको एक परसेंटेज लगेगा और उतनी ज्यादा आपको फीस देनी पड़ेगी बराबर है क्या तो यारो कोई भी एसेट में आपने चार्ज क्रिएट हुआ हो चाहे मोवेबल हो चाहे इमोवेबल हो चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो चाहे आपने वो चार्ज इंडिया में क्रिएट किया हो चाहे इंडिया के बाहर क्रिएट किया हो बरोबर है क्या आपको 30 डेज के अंदर वन में अप्लाई करना पड़ेगा किसको आरओसी को और अगर आप डिबेंचर इशू करके पैसे लिए हो तो सीजी9 पे तो 30 डेज नॉर्मल फीस अगला 30 डेज एडिशनल फीस अगला साठ दिन फीस बरोबर है क्या दोस्तों और कोई भी असेट हो चार्ज क्रिएट हुआ है तो रजिस्टर तो करवाना पड़ेगा आपको जो क्वेश्चन आएगा राजा इस पे या तो शॉर्ट नोट्स में या तो एमसीक्यू में ऐसा मेरा मानना है अब आपको जो एमसीक्यू में जो फॉर्म्स है ये फॉर्म को देख लो राजा फॉर्म क्या बोलता है क्रिएट करना है या मॉडिफाई करना है चार्ज को तो सी एच जी वन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि चार्ज आपने रजिस्टर कराया आर आपको सर्टिफिकेट देगा कि आपका चार्ज रजिस्टर हो गया सीएचजी टू में अब आपको मॉडिफिकेशन कराना है किसका चार्ज का तो अगर मॉडिफिकेशन के लिए फॉर्म तो वन ही है सीएचजी वन में ही क्रिएट होगा मॉडिफाई होगा लेकिन मॉडिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो सी थ्री पे मिलेगा जब आपने चार्ज का पूरा पैसा पे कर दिया अब आप आर को बताओगे कि भैया मैंने पूरा पैसे पे कर दिया है, अब जो चार्ज मैंने क्या किया था रजिस्टर आप उसको सेटिस्फाई कर दो ये सी एच फाइव में होगा जैसे ही आरओसी सेटिस्फेक्शन को रजिस्टर कर लेगा वो सी एच फाइव में आपको सेटिस्फेक्शन का मेमोरेंडम दे देगा सी एच तब यूज होता है जब किसी बैंक को आपने पैसे वापस नहीं किए और वो बैंक ने कोर्ट के ऑर्डर से एक मैनेजर अपॉइंट कर लिया वो मैनेजर आपकी पूरी प्रॉपर्टी बेचेगा और बेच, बेच के पैसे रिकवर करेगा तो सी एच जी सिक्स में आप आर को आर बैंक बैंक जो है वो आर को बताएगा कि मैंने मैनेजर अपॉइंट किया और एक कॉपी सी एच सिक्स की कंपनी को भी देगा कि मैनेजर आ रहा है अब एसेट को बेचेगा और अपने पैसे रिकवर करेगा सी एच में कंपनी को रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन करके रखना है उसका एक फॉर्मेट दिया है सी एट क्या बोलता है सुनना सी एट बोलता है आपने थर्टी डेज में भी चार्ज रजिस्टर नहीं किया अगले थर्टी में भी चार्ज रजिस्टर नहीं किया अगले साठ में भी नहीं किया पूरा का पूरा 120 डेज आपने एग्जॉस्ट कर लिया अब आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा अब आप सीधा जाओ सीजी सीजी के के पास और के पास और माफी मांगो कि मेरे से गलती हो गई 120 दिन से ज्यादा हो गया मेरे को अलाउ कर दो 120 दिन बाद भी सीजी अगर संतुष्ट होगा तो आरओसी को डायरेक्शन दे देगा कि भले एक दिन से ज्यादा हो गया है इसका कोई रीजन था जेन्य था 120 दिन के बाद भी सीजी के ऑर्डर में आरओसी आपके चार्ज को रजिस्टर कर लेगा बराबर है क्या और सी एच जी नाइन का है के लिए अगर आप डिबेंचर इशू करके पैसे लियो और उसका आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो या उसका आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो सीएच जी क्या रहेगा नाइन रहेगा बराबर है क्या सी एच जी क्या रहेगा नाइन होगा बराबर है क्या ठीक है एवरीबॉडी यहां तक की चीजें हो गई राजा यहां पे चैप्टर सेवन में एक ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर सेवन। उसी को हम चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं और उससे ही आपको जो बनेगा क्वेश्चन इसके अलावा चार्जिंग सेक्शन के अलावा कुछ भी लेना देना नहीं है बराबर है क्या चलिए अब बात को सुनना लास्ट चैप्टर आ रहा है राजा चैप्टर नंबर क्या है ये सेवन बिल्कुल ध्यान से इसको सुनना चैप्टर सेवन बेटा इससे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है और वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है सेक्शन नंबर जो नोटिस की बात करता है एवरीबॉडी बेटा चैप्टर सेवन चैप्टर सेवन अपना हुआ बस अपना पूरा का पूरा कॉर्पोरेट लॉ हो जाएगा बरोबर है ठीक है सुनना बात को ध्यान से सुनना बात को ध्यान से ठीक है ठीक 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 है, है, है। चलिए बात को ध्यान से सुनना अब चैप्टर सेवन की थीम क्रिएट करके ले लो बेटा कि चैप्टर सेवन अपने को क्या बोल रहा है मैनेजमेंट मैनेजमेंट एंड एंड एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है भाई आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया पैसा उठा लिया अब मैनेज करना है बराबर है मीटिंग करवानी पड़ेगी शेयर होल्डर को अकाउंटेबल होना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके सामने रखने पड़ेंगे डिविडेंड डिक्लेरेशन की कुछ कुछ बातें आएगी मीटिंग कब कब होगी कंपनी की बरोबर है रजिस्टर ऑफ मेंबर कैसे मेंटेन होगा कितने दिन में आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंट्री डालनी है बरोबर है क्या मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग कब कब होगी आप नोटिस किसको किसको भेजोगे कोरम क्या होगा कोरम का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए ताकि अपन मीटिंग को चालू रख सके यानी कि कमेंट्स कर सके ऐसी तमाम बातें एनुअल रिटर्न की बातें इसमें आएंगी एनुअल रिटर्न के ऊपर भी काफी सारे एमसीक्यू बन सकते हैं तो तमाम बातें चैप्टर नंबर सेवन पे है बस ये लास्ट चैप्टर है और यहां से अपनी चीजें खत्म होने वाली बरोबर क्या दोस्तों एक सेकेंड बस रुकिएगा सुनिएगा यारो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहला रजिस्टर ऑफ मेंबर बरोबर है जितने भी आपके अब तक के मेंबर बने चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो उन सब का रजिस्टर बनेगा एमजीटी वन में डिवेंचर होल्डर का बनेगा एमजीटी टू में और अदर का भी बनेगा एमजीटी टू में ये अलग से रजिस्टर रहेगा ठीक है टाइम लिमिट क्या रहेगा इसमें एंट्री करने के लिए तो आपको इसमें एंट्री करना है जैसे आप मेंबर अप्लाई अप्लाई किए किए सब्सक्राइब शेयर्स लेने के लिए किए अब बोर्ड क्या करता है बोर्ड रिजोल्यूशन पास करता है कि ठीक है इस वाले मेंबर को शेयर्स दे दो तो जब से बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ है अलॉटमेंट का वहां से सात दिन के अंदर आपको इसके अंदर क्या करनी है एंट्री करनी है ठीक है सर प्लेस क्या रहेगा सर रजिस्टर को रखने का तो देखो या तो आप रख सकते हो रजिस्टर्ड ऑफिस में या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में या तो आप एस पास कर तो में, और को रख सकते हो जनरलोणे तो के, के किसी भी सिटी टाउन विलेज में रख लो एसआर पास कर लो जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है या तो अगर आपको राजा इसको पुणे के बाहर रखना है आप पुणे की कंपनी हो आप पुणे की कंपनी हो आपको कहां रखना है मेंबर में रखना है सॉरी कहां रखना है मुंबई में रखना है बरोबर पुणे की कंपनी हो रजिस्टर आपको कहां रखना है मुंबई में तो आपको पहले तो एसआर पास करना है और एसआर पास करके भी आपको ये देखना है कि क्या मुंबई में मेरी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ मेंबर के मेरी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ मेंबर के मोर देन वन टेंथ मुंबई में रहते हैं क्या मान लो मेरी कंपनी में सौ है बराबर है क्या तो सौ का मोर देन नहीं बेटा कम से कम ग्यारह चाहिए कम से कम ग्यारह मुंबई में रह रहे तो मैं एस पास करके अपनी कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर मुंबई पे भी रख सकता हूं तो या तो रजिस्टर्ड ऑफिस इसके लिए कोई रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं है या तो जहां पे पुणे में रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके सिटी टाउन विलेज में कहीं पे भी रख लो इसके लिए भी एस लगेगा या तो जहां मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके बाहर रखना चाहता हूं किसी इंडिया के किसी और शहर में वहां मेरी कंपनी के मोर देन ऑफ़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर रहने चाहिए बरोबर है क्या ठीक है ठीक है चलिए अब मेरे को ध्यान से बताना एक आता है फॉरेन रजिस्टर फॉरेन रजिस्टर का मतलब आपके कुछ शेयर होल्डर या कुछ सिक्योरिटी होल्डर फॉरेन में रह रहे हैं तो क्या रख सकते हो हाँ कंडीशन वन आपके आर्टिकल में परमिशन होना चाहिए उसके लिए आप फॉरेन रजिस्टर रख सकते हो तो चाहे आप रजिस्टर ऑफ मेंबर रखो वहां पे रजिस्टर ऑफ डिबेंचर रखो आपको आपके आर्टिकल से परमिशन मिलनी चाहिए आप फॉरेन रजिस्टर भी मेंटेन कर सकते हो अब बात आती है राजा ये रजिस्टर को रजिस्टर ऑफ मेंबर को डिबेंचर होल्डर को क्या आप क्लोज कर सकते हो अब बात आती है कि सर क्लोज क्यों करना है क्लोज क्यों करना है तो देखो राजा क्या होता है मेंबर है ना मेंबर है अब मेंबर तो शेयर्स को खरीदते बेचते रहेगा किसी को ट्रांसफर कर दिया उसने किसी को ट्रांसफर कर दिया उसने किसी को ट्रांसफर कर दिया अब कंपनी को अगर मीटिंग मीटिंग करनी है है और उस का नोटिस देना है, तो कंपनी ये कैसे फिक्स करे ये कैसे निर्धारित करे कि कौन अभी हमारी कंपनी का मेंबर है तो कंपनी क्या करती पता है क्या सात दिन पहले नोटिस दे देगी कि ओ मेंबर हम ना आने वाले दस जुलाई से लेके 20 जुलाई तक अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर बंद कर रहे हैं इसका क्या मतलब होगा इसका मतलब ये होगा 10 जुलाई से लेके 20 जुलाई के बीच में आपने जो भी ट्रांसफर किए हैं वो ट्रांसफर को हम रजिस्टर करने वाले नहीं है हम अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर को बंद कर रहे हैं क्यों क्योंकि भैया हमको भी तो पता चले कि हमारा रजिस्टर में मेंबर में कौन है ताकि हम उन्हीं मेंबर को क्या भेजेंगे नोटिस तो जब हम 10 जुलाई को रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्या करेंगे बंद तो उस दिन हमारे रजिस्टर में जितने भी मेंबर होंगे हम उनको ही नोटिस भेजेंगे किसका कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग का और 10 से लेकर 20 तारीख के जो भी आप ट्रांसफर करोगे हम उस ट्रांसफर को रजिस्टर करने वाले नहीं है अब बात आती है आप रजिस्टर ऑफ मेंबर को कितने दिन के लिए क्लोज कर सकते हो तो कहता है पूरे साल में मैक्सिमम 45 दिन के लिए लेकिन किसी एक बार में मैक्सिमम 30 दिन के लिए तो आप पंद्रह 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 करके पैतालीस दिन कर लो तीन बार हो गया लेकिन आप एक ही बार में तीस से ज्यादा दिन नहीं कर सकते कि बोले सर मैं एक बार में ना सर एक बार में पैतालीस दिन के लिए क्लोज करना चाहता हूं नहीं आप मैक्सिमम एक बार में तीस दिन पूरे साल भर में पैंतालीस दिन बरोबर है क्या ठीक है अब मैं बात करता हूं राजा नोटिस की कि आपको क्लोज करने के पहले नोटिस देना पड़ेगा कम से कम सात दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा ठीक है लेसर पीरियड भी दे सकते हो लिस्टेड कंपनी जैसे सेबी प्रिस्क्राइब करेगा वैसे अब बात आती है राजा एनुअल रिटर्न की अब एनुअल रिटर्न क्या होता है समझना एनुअल रिटर्न कंपनी ने साल भर में क्या उखाड़ा है कंपनी ने साल भर में क्या उखाड़ा है उसका ब्यूरा रहता है किधर एनुअल रिटर्न में सेक्शन नंबर नाइनटी में इसमें बेटा कंपनी सेक्रेटरी भी साइन करता है इसमें डायरेक्टर भी साइन करता है इसमें कंपनी सेक्रेटरी एमजीटी का कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी देता है अब इसके अंदर क्या क्या बातें रहती है ये समझना पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूं एनुअल रिटर्न राजा एम जी टी सेवन में रहेगा बराबर स्मॉल कंपनी है और अगर वन पर्सन कंपनी है और एक स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है तो नहीं नहीं स्मॉल कंपनी और वन पर्सन कंपनी के लिए एमजीटी सेवन ए है बाकी कंपनी के लिए एमजीटी सेवन है

कंपनी के शेयर होल्डर शेयर का डिबेंचर का सिक्योरिटीज का पैटर्न बताओ कंपनी के शेयर होल्डर कौन है कंपनी के डिबेंचर होल्डर कौन है कंपनी के सिक्योरिटी होल्डर कौन है वो बताओ कंपनी का डायरेक्टर कौन है कंपनी का प्रमोटर कौन है कंपनी का के कौन है वो बताओ साल भर में इन के डायरेक्टर और प्रमोटर में क्या चेंज आए हैं वो बताओ कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी क्या है ये बताओ क्या कंपनी को इस फाइनेंशियल ईयर में कोई पेनल्टी लगी कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कितने हैं कंपनी के डायरेक्टर साल भर में चेंज हुए क्या साल भर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कितनी नंबर ऑफ मीटिंग की है ये नॉर्मल सी बेसिक ब्यूरो आप देते हो देखो जो जो बोला है वही है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी कंपनी की होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट बताओ कंपनी के शेयर डिबेंचर सिक्योरिटी का पैटर्न बताओ कंपनी के मेंबर और डिबेंचर होल्डर और उसमें कोई चेंज है तो वो बताओ प्रमोटर डायरेक्टर और के कौन था और उनमें कोई चेंज हुआ तो वो बताओ कितनी बार मेंबर की मीटिंग हुई है क्या रेमोनरेशन ऑफ डायरेक्टर और के को देते हो पनिशमेंट लगी है क्या कंपनी के मेंबर कंपनी के कंपनी के ऊपर या डायरेक्टर के ऊपर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन है आपकी कंपनी में ये सारी डिटेल आपको देनी है आप दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा अब सबसे इंपॉर्टेंट बात राजा जिस पे एमसीक्यू आ सकता है आपको बराबर है कि एनुअल रिटर्न को साइन कौन करेगा तो मैं बताना चाहता हूं एनुअल रिटर्न को साइन करेगा कंपनी सेक्रेटरी और करेगा एक डायरेक्टर बीच में क्या लिखा है एंड सर तो मान लीजिए कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं कोई बात नहीं कंपनी कंपनी में सेक्रेटरी एज एन एम्प्लॉय नहीं है ना कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से साइन करवाओ और एक डायरेक्टर से साइन करवाओ कंपनी सेक्रेटरी नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि साइन नहीं करेगा कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस एंड डायरेक्टर सर मेरी कंपनी अगर ओपीसी है मेरी कंपनी अगर स्मॉल कंपनी है और मेरी कंपनी प्राइवेट है और प्राइवेट में भी कौन सी है स्टार्टअप है

स्मॉल कंपनी है या तो आपकी स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है तो शायद कंपनी सेक्रेटरी साइन कर ले चाहे तो क्या साइन कर ले डायरेक्टर कर ले और लिखा है बीच में अब कहता है बेटा, अब कहता कहता है है बेटा कि आपका जो एनुअल रिटर्न है साइन तो कर लिया अब इसका आपको सर्टिफिकेशन करवाना पड़ेगा सर्टिफिकेशन करेगा कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हर कंपनी को नहीं करवाना है लिस्टेड कंपनी को करवाना है और ऐसी कंपनी एक तो क्या बोल दिया लिस्टेड कंपनी और ऐसी कंपनी अब देखो वर्ड क्या यूज किया कंपनी फिर चाहिए प्राइवेट हो फिर चाहिए पब्लिक हो लिस्टेड कंपनी को तो करवाना ही है फिर ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है और ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ और मोर बीच में क्या लिखा है और यानी कि या तो पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर रहे या तो टर्नओवर आपका 50 करोड़ और मोर रहे तो लिस्टेड कंपनी

इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर सारे लॉ का कंप्लायंस किया हुआ है चार्टेड अकाउंटेंट ऐसी ऑडिट ऑडिट करता करता है करता है कंपनी सेक्रेटरी ऐसी और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऐसी कॉस्ट ऑडिट करता है तो ये था उसके सेक्रेटरियल ऑडिट का सर्टिफिकेट जो देता है वो एमजीटी एट के अंदर बरोबर है टाइम लिमिट राजा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी तो टाइम लिमिट भी हमारी हो गई है ये हो गया हमारा एनुअल रिटर्न बरोबर है क्या अच्छा एमजीटी सेवन ए रहेगा एनुअल रिटर्न का फॉर्म अगर ओपीसी है और अगर स्मॉल कंपनी है तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है बहुत चांसेस है चासेस एग्जाम में आने की इस बात को ध्यान से सुनना 101 पहले मेरे मुंह से सुन लेना फिर अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो आंसर आपको वहीं पे मिल जाएगा नोटिस की बात कर रहा हूं राजा सेक्शन नंबर 101 101 अपने को क्या बोल रहा है सुनिएगा 101 बोल रहा है नोटिस नोटिस ऑफ मीटिंग 101 बोलता है कि हर कंपनी को अपनी मीटिंग से कम से कम 21 वन क्लियर डेज पहले नोटिस देना है अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो 14 क्लियर डेज और अगर नॉर्मल है सेक्शन 8 कंपनी के अलावा है तो 21 वन क्लियर डेज क्लियर डेज का मतलब क्या होता है जो डेट ऑफ मीटिंग है जो डेट ऑफ क्या है मीटिंग है और जो डेट ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस है तो जो मीटिंग का दिन है और जिस दिन आपने नोटिस दिया है इन दोनों को एक्सक्लूड करो बीच में ट्वेंटी वन पूरे साफ साफ दिन होने चाहिए बराबर है ट्वेंटी बात आती है कि सर मान लीजिए बात आती है कि मान लीजिए कि सर हमने 21 क्लियर डेज पहले नोटिस नहीं दिया हमने 20 दिन पहले दिया हमने 19 दिन पहले दिया तो इसको बोलते शॉर्ट नोटिस तो क्या शॉर्ट नोटिस अलाउड है सर शॉर्ट नोटिस तब अलाउड है राजा जब अगर आपकी एनुअल जनरल मीटिंग है कौन सी मीटिंग है जनरल मीटिंग का आप नोटिस दे रहे राइटिंग तो तो में असेंट ले लो या तो इलेक्ट्रॉनिकली या तो राइटिंग में यानी कि सौ मेंबर में अगर नाइनटी फाइव कि ठीक है हमको दो दिन पहले भी नोटिस दोगे तो चलेगा तो चलेगा शॉर्ट नोटिस में नोटिस हो जाएगा ठीक है लेकिन सर एनुअल जनरल मीटिंग नहीं है सर हमारी ना एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग है बरोबर अब एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग के बेटा दो पहलू है पहला पहलू ये है एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग है शॉर्ट नोटिस में आप बुलाना चाहते हो तो कहता है पहले आप लोग मेजोरिटी से सौ तो लोग हैं तो इसकी मेजोरिटी क्या रहेगी फिफ्टी फिफ्टी 51 लोगों के पास आपकी कंपनी के टोटल शेयर कैपिटल का टोटल पेड अप शेयर कैपिटल का नाइनटी फाइव परसेंट होना चाहिए तो मेरी का टोटल पेड अप शेयर कैपिटल कितना है दस लाख रुपए तो पहली बात तो सौ लोगों में से फिफ्टी लोग और इन फिफ्टी लोगों के पास मेरी कंपनी के दस लाख में से साढ़े नौ लाख रुपए इनके पास होने चाहिए तो मेजोरिटी भी देखना है और नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द पेडअप भी देखना है ये जब दोनों मिलेंगे और जब ये असेंट देंगे तो आप शॉर्ट नोटिस से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का नोटिस दे सकते हो है क्या? अब सर एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग है लेकिन कंपनी शेयर कैपिटल वाली नहीं है तो वाली थी, वोटिंग पावर का 95 जो मेंबर रखता है उससे अप्रूवल ले लो और जय माता दी करो तो सर अगर किसी एक मेंबर के पास 95 परसेंट है तो चलेगा क्या हाँ चलेगा चलेगा 95 परसेंट बोला है सिंपल है ठीक है तो ये हो गया नोटिस और ये हो गया राजा शॉर्ट नोटिस ये होगा क्या नोटिस और ये हो गया शॉर्ट नोटिस ठीक है अब राजा ऐसा है अगर आप नोटिस पोस्ट से भेज रहे हो किससे भेज रहे हो पोस्ट से माय वर्ड्स आप नोटिस किससे भेज रहे हो पोस्ट से भेज रहे हो बराबर है क्या पोस्ट से तो रूल नंबर थर्टी फाइव थर्टी फाइव ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स वो कहता है कि अगर आप नोटिस पोस्ट से भेज रहे हो तो जब आप पोस्ट से भेज रहे हो ना तो हम कब मानेंगे कि आपने नोटिस दिया तो मान लो आप 6 तारीख को 6 जून को आप नोटिस तो नोटिसन तो क्लियर डेज गिनेंगे बराबर है क्या आप ईमेल से नोटिस भेज रहे हो तो जिस दिन आपने भेजा है उस दिन को छोड़ के हम ट्वेंटी डेज काउंट करना लग जाएंगे लेकिन अगर आपने नोटिस पोस्ट से भेजा है

जिसके लिए इनने देखो वर्ड क्या यूज किया नोटिस पोस्ट किया है सेवन सितंबर को अब सेवन सितंबर को नोटिस पोस्ट किया है तो आप मानो कि नौ सितंबर को नोटिस गया है अब नौ को आप छोड़ दो उसके बाद दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताइस अट्ठाईस उन्तीस तीस यानी कि अब जब मैं इक्कीस दिन गिन रहा हूं तो 30 तारीख को इक्कीसवा दिन फॉल हो रहा है और यहां पे 30 तारीख को ये क्या कर लिए मीटिंग कर लिए तो गलत कर लिए हमने बोला था 21 होना चाहिए आपका तो 30 में मीटिंग हो जा रहा है हम सात को तो क्या कर दिए एक्सक्लूड बराबर है तो हम नौ से जब गिने तो ये हो गया भाई ये शॉर्ट बाय वन डे है क्या तो देखो यहां पर यही लिखा हुआ है कि यहां पर जो आपने नोटिस दिया है ना आगे लिखा हुआ है देखो ये शॉर्ट हो गया किससे से डे से और यहाँ पे अपने को तीन क्वेश्चन पूछा है पहला क्या मीटिंग वैलिडली कॉल की नहीं किया वैलिड कॉल नोटिस ही तुम्हारा वैलिड नहीं है क्या यहाँ पे शॉर्टफॉल है हा है शॉर्टफॉल एक दिन से तो क्या ये जो डिले किया है इसको माफ कर सकते हैं क्या माफी का कोई प्रावधान नहीं है इसमें शॉर्ट नोटिस का प्रावधान है परमिशन ले लेता बाद में हुआ इसका कोई प्रावधान नहीं है पेनाल्टी लगेगी बरोबर है दोस्तों इसकी क्या लगेगी पेनाल्टी लगेगी क्लियर दोस्तो, है दोस्तों यहाँ तक ठीक है ठीक है सर यहां तक की भी पूरी बात समझ में आई अब मैं बात करता हूं बेटा एनुअल जनरल मीटिंग की बरबर है क्या क्या एनुअल जनरल मीटिंग अपने को बोलता बोलता है है बोलता है समझना ये ये सेक्शन सेक्शन नंबर नंबर कि कंपनी को अपनी पहली एनुअल जनरल मीटिंग पहला फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से नौ महीने में करनी है अब बात को समझना सर मान लीजिए मेरी कंपनी ना सर इनकॉर्पोरेट हुई है सर एक अप्रैल को हुई है एक अप्रैल 2023 को ही है अब इसका पहला फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होगा सर इसका पहला फाइनेंशियल क्लोज होगा 31 मार्च को 2024 को अब यहां से अगर आप नौ महीने गिनोगे तो यहां से आपका नौ महीने कब आता है राजा यहां से आपका नौ महीने आएगा 31 दिसंबर 2024 एक सेकंड रुकना बेटा बस ठीक है एक ही सेकंड रुकना आवाज नहीं आ रही होगी हाँ तो मैं क्या बोल रहा था दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना पहली एनुअल जनरल मीटिंग आपकी कब होगी दिसंबर तो सर अगर आप देखोगे आपने अगर बोला कि आपको हर साल एनुअल जनरल मीटिंग करनी है तो सर 2023 में तो कोई मीटिंग नहीं हुई इसकी पहली एनुअल जनरल मीटिंग तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से 2024 को हो रही है क्योंकि नौ महीने आपने बोले तो बेटा लॉ इतना प्यारा शब्द यूज करता है लॉ क्या बोलता है पता है बोलता है इट इज नेसेसरी इट इज नेसेसरी टू होल्ड द मीटिंग ऑफ द ईयर ऑफ़ इनकॉर्पोरेशन इट इज नेसेसरी टू होल्ड द जनरल मीटिंग ऑफ द ईयर ऑफ़ इनकॉर्पोरेशन ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन की एनुअल जनरल मीटिंग करनी है बट इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन करने की जरूरत नहीं है इट इज नेसेसरी टू होल्ड द एनुअल जनरल मीटिंग इन द इफ इन सॉरी ऑफ द ऑफ इनकॉर्पोरेशन

आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से छह महीने या तो पंद्रह महीने पंद्रह महीने कहां से लास्ट एनुअल जनरल मीटिंग से पंद्रह महीने और फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से छह महीने सर कौन से फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने की बात कर रहे हो अब आपका सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग है तो आपका सब्सिक्वेंट ईयर आएगा सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से छह महीने और लास्ट एजीएम से पंद्रह महीने दोनों में से जो भी पहले होगा आपको तब एनुअल जनरल मीटिंग करना है कौन सी वाली सब्सिक्वेंट वाली बरोबर है क्या और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों आर जो है ना सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग के लिए आपको मैक्सिमम तीन महीने का एक्सटेंशन दे सकता है पहली वाली एनुअल जनरल मीटिंग के लिए तो ऑलरेडी नौ महीने हैं तो उसके लिए कोई एक्सटेंशन नहीं है लेकिन सब्सिक्वेंट के लिए आर आप अगर उसको अपना स्पेशल रीजन बताओगे कि व्हाट इज द स्पेशल रीजन तो आपको मैक्सिमम तीन महीने का वो एक्सटेंशन दे सकता है टाइम क्या रहेगा आपको नौ से छ के बीच में आपको रात को ग्यारह बजे तक चल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है कि आपको कॉल करना है राजा नाइन ए एम से सिक्स के बीच में कॉल आपने इसके बीच किया अब रात को दो बजे तक भी चल रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है डे क्या होगा एजीएम का कोई भी दिन होगा लेकिन नेशनल हॉलिडे होना नहीं चाहिए प्लेस की अगर बात करूं तो एनुअल जनरल मीटिंग या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में होगी या तो सिटी टाउन विलेज जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस है वो लेकिन अगर आपकी कौन सी कंपनी है अनलिस्टेड कंपनी है तो अनलिस्टेड कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग पूरे भारत में कहीं पे भी हो सकता है अगर आपने अनलिस्टेड कंपनी ने एडवांस में सारे मेंबर की कंसेंट एडवांस में या तो राइटिंग में या तो इलेक्ट्रॉनिकली ले ली है तो फिर आप इंडिया में कहीं पे भी करो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग अगर आपने सारे मेंबर से कंसेंट ले ली है किसके लिए है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए है बरोबर है क्या दोस्तों ठीक है अब देखो ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है ये क्या बोल रहा है कि भाई एक कंपनी है जो एक चार दो हजार सोलह को क्या हुई इनकॉर्पोरेट दो हजार 2018 तक उनने कोई भी एनुअल जनरल मीटिंग ही नहीं की जबकि इसकी एनुअल जनरल मीटिंग कब हो जानी चाहिए थी? दो दिसंबर 2017 तक इसकी पहली एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए थी इसने तीस चार 2018 तक मीटिंग ही नहीं की अब बोल रहा है कि भाई प्रोविजन डिस्कस करिए टाइम लिमिट बताइए कि एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करने के लिए क्या टाइम लिमिट रहेगा ठीक है

अगर आपको नोटिस भेजना है तो क्या होगा बहुत रीडेबल है कोई काम का नहीं है तो इसको मैं नहीं पढ़ाता मैं इसको पढ़ाता हूं आपको किसको कोरम को है कोरम को ध्यान से समझना कोरम का मतलब क्या होता है समझना सेक्शन 103 के अंदर आता है कोरम अपने को क्या बोलता है कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए बरोबर है क्या इतने मेंबर तो होने ही चाहिए ताकि हम मीटिंग को चालू कर पाए अगर कम से कम उतने मेंबर नहीं रहेंगे ना तो मीटिंग को हमको एडजन करना पड़ेगा हम मीटिंग चालू नहीं कर पाएंगे बरोबर है क्या तो कहता है अगर पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी 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 है पब्लिक पब्लिक तो में अगर, अगर अप टू थाउजेंड है तो पांच मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए ये एमसीक्यू में आपको पूछ सकता है पांच मेंबर पर्सनली प्रेजेंट पर्सनली प्रेजेंट का मतलब प्रॉक्सी नहीं चलेगा प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है मेंबर नहीं आ रहा तो मेंबर के बदले कोई आ जाए प्रॉक्सी नहीं चाहिए हजार मेंबर हैं तो पांच मेंबर पर्सनली प्रेजेंट हजार के ऊपर हैं और पांच हजार तक है तो पंद्रह पर्सनली प्रेजेंट पांच हजार के ऊपर है तो तीस मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए एमसीक्यू के लिए आ सकता है प्राइवेट कंपनी अगर है तो बोलता है दो मेंबर पर्सनली प्रेजेंट लेकिन एक बात सुनना आर्टिकल जो है कंपनी का आर्टिकल हायर नंबर बता सकता है मान लो कंपनी है पब्लिक कंपनी है उसके आर्टिकल पे लिखा है कि आपके तीस मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए जबकि मेंबर कितने हजार और लिख दिया कि तीस मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए अब भैया हजार मेंबर है तो लॉ तो वैसे बोलता है कि पांच भी आएंगे तो चलेगा लेकिन आर्टिकल क्या बोला तीस तो लॉ कहता है हमने जितने बताए हैं और आर्टिकल जितना बता रहा है दोनों में से जो भी ज्यादा होगा ना उतने आपको कोरम में लाना पड़ेगा भले आपके हजार मेंबर है लेकिन आपके आर्टिकल में ज्यादा लिखा है ना तीस मेंबर तो आपको तीस का कोरम लाना पड़ेगा बरोबर है भले आपकी प्राइवेट कंपनी है लॉ बोलता है दो मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होंगे तो चलेगा लेकिन आर्टिकल प्राइवेट कंपनी का बोलता है कि दस मेंबर आने चाहिए तो आर्टिकल ज्यादा बोल रहा है तो आपको ज्यादा लाना पड़ेगा आपको लॉ को छोड़ना पड़ेगा ठीक है सर अब देखो लैक ऑफ कोरम अगर आधे घंटे के अंदर अगर आधे घंटे के अंदर जो टाइम था ना मीटिंग का अपॉइंटेड टाइम जो था उससे आधे घंटे के अंदर अगर कोरम नहीं प्रेजेंट होता यानी कि पांच पंद्रह तीस डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मेंबर और प्राइवेट कंपनी में दो अगर ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, हाफ एन आवर में तो मीटिंग सेम डे सेम टाइम सेम, सेम, सेम प्लेस सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट वीक में एडजन हो जाएगी या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल रहे हैं कि इतना नेक्स्ट वीक नहीं जाते हम अदर डे अदर प्लेस अदर टाइम भी कर सकते हैं यानी कि नेक्स्ट वीक में सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम टाइम नहीं अदर डे अदर प्लेस अदर टाइम डिसाइड कर सकता है कौन बोर्ड तो जो भी आप डेट डिसाइड करोगे चाहे तो सेम डे चाहे तो अदर डे कम से कम तीन दिन का नोटिस हर मेंबर को देना पड़ेगा कि हमने ये वाली दिन फिक्स किया है अब मीटिंग यहां होने वाली है ठीक है सर सर मान लीजिए वो एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आता सर आधे घंटे के अंदर तो बोले बार बार खेलेंगे नहीं गोल गोल रानी इतना इतना पानी नहीं करेंगे अगर एडजर्न मीटिंग में भी अगर आधे घंटे के अंदर कोरम नहीं आता तो जितने मेंबर आए हैं उनको ही कोरम मानेंगे और मीटिंग को शुरू करेंगे ठीक है सर समझ में आ गया अच्छा सर एक बात बताइए सेक्शन हंड्रेड एक सेक्शन हंड्रेड के अंदर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो मेंबर रिक्वेस्ट करके बुला सकता है बरोबर है मान लीजिए सर मेंबर ने रिक्वेस्ट किया हमने एक्स्ट्रोर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई और साला कोरम नहीं आ रहा है रिक्वेस्ट करके मीटिंग बुलाई और कोरम नहीं आ रहा है तो एडजन करेंगे क्या खत्म साला रिक्वेस्ट करके तुमने एक्स्ट्रोर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई है और कोरम नहीं आया कोई एडजन नहीं होगी सीधा कैंसिल होगी सीधा कैंसल ठीक है सर समझ में आ गया ठीक है अब आगे बढ़ के लेते राजा स्पेशल नोटिस वाली जो बात है ठीक है ये स्पेशल नोट वाला रहने दो आते हैं किसमें अपन प्रॉक्सी में प्रॉक्सी को ध्यान से समझ के लेना कि प्रॉक्सी का प्रोविजन क्या है प्रॉक्सी का मतलब मेंबर अगर खुद नहीं आ सकता तो मेंबर के बिहाफ में कोई एक अलग व्यक्ति आ जाएगा जो मेंबर के बिहाफ में वोट करेगा बराबर है क्या तो इसका प्रोविजन क्या ध्यान से सुनना लिखता है एनी मेंबर ऑफ द कंपनी एनी मेंबर ऑफ द कंपनी एनी मेंबर ऑफ द कंपनी

वोट करने का भी अधिकार होना चाहिए तो वो किसी भी पर्सन को किसी भी पर्सन को अपने घर की बाई को भी वो प्रॉक्सी बना सकता है बरोबर है क्या एनी पर्सन बरोबर है उसको बस डिपॉजिट करना पड़ेगा एमजीटी इलेवन फोर्टी एट आवर्स पहले मीटिंग शुरू होने के फोर्टी एट आवर्स पहले एमजीटी इलेवन उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा किसी भी पर्सन को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है अब देखो कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो सेक्शन एट कंपनी है ना वो किसी भी पर्सन को प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता वो उस सेक्शन एट कंपनी के किसी दूसरे मेंबर को ही प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है ये पहली रिस्ट्रिक्शन दूसरा एक पर्सन सर कितने लोगों को प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा मतलब एक मेंबर है जैसे एक पर्सन है सर ये पर्सन है ये कितने लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है तो राजा ऐसा है ये मैक्सिमम 50 लोगों का 50 मेंबर का प्रॉक्सी बन सकता है लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन और है एंड करके इन 50 मेंबर का जब वो प्रॉक्सी बनेगा इन 50 मेंबर के पास मोर देन 10 परसेंट नहीं होना चाहिए ऑफ टोटल शेयर कैपिटल बराबर है क्या सर 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 तो मैं मैं समझ गया दो रिस्ट्रिक्शन है रिस्ट्रिक्शन कैसी है सर मान लो पर्सन है ये पर्सन को हमने क्या बनाया प्रॉक्सी बनाया मान लो सर ये प्रॉक्सी ना पचास सॉरी मान लो ये प्रॉक्सी पचास मेंबर का बन गया लेकिन इन पचास मेंबर का मिला के सर पांच परसेंट ही हो रहा है तो सर पांच परसेंट का और बनेगा क्या नहीं क्यों दोनों में से कोई एक आपने अगर ट्रिगर कर दिया तो आप नहीं बनोगे ये पचास ट्रिगर हो गया ना अब भले पांच परसेंट बचा है नहीं होने वाला सर मान लीजिए सर पर्सन है सर पर्सन जो है ना सर वो आ, दस परसेंट का पेडअप शेयर कैपिटल वालों का बन गया प्रॉक्सी लेकिन कितने लोगों का बना है क्या सर पता है क्या दस मेंबर का बराबर है दस मेंबर का मिला के ही सर दस परसेंट हो गया तो सर अभी और मेंबर के प्रॉक्सी बन जाते जिनके पास चालीस परसेंट होगा। नहीं या तो ये क्रॉस हो गया या तो ये क्रॉस हो गया प्रॉक्सी का खत्म तो आपके दिमाग में बात आएगी कि सर ऐसा पर्सन सर ऐसा पर्सन बरोबर है जिसके पास सर ऐसा पर्सन जो कंपनी का क्या है मेंबर है सर उसका ना कंपनी में पंद्रह परसेंट है तो सर जिसके पास 15 परसेंट का वोटिंग पावर है वो व्यक्ति तो कभी किसी को प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर पाएगा सर क्योंकि प्रॉक्सी के पास मोर देन 10 नहीं होना चाहिए तो बस इसी का बेटा एक्सेप्शन है मान लीजिए कोई मेंबर है जिसके पास ऑलरेडी पंद्रह परसेंट का वोटिंग पावर है वो मेंबर किसी को प्रॉक्सी बना रहा है तो बोल रहा है कि वो मेंबर किसी एक सिंगल पर्सन को ही प्रॉक्सी बना सकता है और अब वो प्रॉक्सी किसी और का प्रॉक्सी नहीं बनेगा क्योंकि वो ऑलरेडी दस परसेंट से ज्यादा होल्ड कर रहा है ठीक है सर ये सारी बातें यहां लिखी थी बेटा जो अपन ने पढ़ लिया ये अपना प्रॉक्सी भी हो गया बराबर है क्या ठीक है जीवन में आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखो लिखा है बेटा अब बात आ रही है है किसकी पोल पोल की पोल क्या होता है बेटा सुनना प्रॉक्सी होता है ना राजा प्रॉक्सी को ना बोलने का अधिकार नहीं होता मीटिंग के अंदर बरोबर है लेकिन वो पोल पे वोट करता है पोल का मतलब क्या होता है समझना दो तरीके से वोट होता है एक होता है शो ऑफ हैंड्स

लेकिन अगर शो फ्रेंड्स में वोट हो रहा है तो भले मेरे पास हजार शेयर है मैं हाथ उठाऊंगा तो एक ही वोट है और जो व्यक्ति पोल डिमांड करता है ना वो पोल को विद्रॉ भी कर सकता है तो सर कौन डिमांड कर सकता है पोल ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जिसके पास टोटल वोटिंग पावर का वन टेंथ है बराबर है क्या या तो चेयरपर्सन चेयरपर्सन यानी कि जो चेयरमैन होता है ना वो तो या तो चेयरमैन चेयरमैन भले शेयर होल्डर हो चाहे ना हो अगर वो उस मीटिंग का चेयरमैन है वो पोल डिमांड कर सकता है अपनी मर्जी से लेकिन सर अगर कोई चेयरमैन नहीं है तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास टोटल वोटिंग पावर का वन टेंथ है फिर चाहे वो प्रॉक्सी क्यों ना हो अगर उसके पास वन टेंथ है वो अपॉइंट वो पोल डिमांड कर सकता है अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ एनुअल जनरल मीटिंग थी कंपनी ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल 80 मेंबर प्रेजेंट थे पर्सन में भी और प्रॉक्सी में भी मिला के अस्सी है ठीक है होल्डिंग मोर देन वन टेंथ यानी कि जो पर्सनली प्रेजेंट है और प्रॉक्सी को मिला के वन टेंथ ऑफ टोटल वोटिंग पावर रखे थे पोल के लिए डिमांड किए चेयरमैन बोलता है कि भैया जो पर्सन प्रेजेंट इन पर्सन है ना वही पोल डिमांड कर सकता है प्रॉक्सी नहीं कर सकता गलत बात है प्रॉक्सी भी कर सकता है दूसरा जिनने पोल डिमांड किया बाद में अपनी डिमांड को विद्रॉ कर लिया चेयरमैन बोलता है एक बार अगर पोल डिमांड किया तो विद्रॉ नहीं कर सकते गलत बोल रहा है पोल प्रॉक्सी डिमांड भी कर सकता है और एक बार डिमांड करने के बाद लेकिन पोल कंडक्ट करने के पहले आप चाहो तो उसको विड्रॉ भी कर सकते हो बरोबर है क्या ठीक है सर सेम बात है यहां पे लिखी हुई है जो मैंने आपको बोल के बताई है बरोबर है क्या अब आता है डिस्कस द प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग पोल अगेन जैसे वो नोटिस था ना इलेक्ट्रॉनिक मोड में वैसे ही बेटा ये पूरा रीडेबल पॉइंट है तो इसको खुद से पढ़ना मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं और आपको पढ़ाता हूं प्रोसेस ऑफ ई वोटिंग का क्या होता है तो देखो क्या होता है ई e वोटिंग का मतलब होता है आप चाहो तो घर बैठे बैठे भी वोट कर सकते हो बरोबर है क्या घर बैठे वोट करना है तो कंपनी को क्या करना होता है नोटिस देना पड़ता है सारे मेंबर सारे डायरेक्टर ऑडिटर को रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट जो भी होगा जिसमें वो बताती है कि जो कंपनी है ना वो इलेक्ट्रॉनिक मोड का आपको ऑप्शन दे रही है आप घर बैठे वोट कर सकते हो और साथ साथ में ये भी बोलती है कि मान लो आपको घर बैठ के वोट नहीं करना है तो आप मीटिंग में आ जाओ वोट भी कर लो और मीटिंग को अटेंड भी कर लो लेकिन आपने घर से वोट कास्ट कर लिया है तो आप मीटिंग में आ सकते हो लेकिन आप दोबारा वोट नहीं कर सकते ये बात यहां पे लिखी हुई है फिर कह रहा है जो नोटिस रहेगा आप उसमें टाइम बताओगे कि कब आप ई e वोटिंग कर सकते हो लॉग इन आईडी के बारे से डिटेल बताओगे और बताओगे कि कैसे आप अपना लॉग इन और पासवर्ड जनरेट कर सकते हो कंपनी ने एक बार नोटिस दे दिया नोटिस भेजने के इमीजिएटली बाद, लेकिन मीटिंग के कम से कम 21 दिन पहले कंपनी एक पब्लिक नोटिस देगी जिसमें बताएगी कि भाई हम एक वर्नेकुलर लैंग्वेज में एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में वही बात है कि कंपनी ई वोटिंग कंडक्ट करा रही है जो भी व्यक्ति घर बैठ के वोट करना चाहता है घर में वोट कर ले मीटिंग अटेंड करने आना चाहता है तो मीटिंग कर ले यानी कि घर पे वोट कर ले और मीटिंग अटेंड कर ले घर पे वोट कर लिया है मीटिंग अटेंड कर सकता है वोट नहीं कर सकता दोबारा घर पे वोट नहीं किया है मीटिंग में आ भी जाए और अटेंड भी कर ले सेम बात है जो आपने नोटिस में बताई थी बरोबर है कट ऑफ डेट कट ऑफ डेट का मतलब रजिस्टर ऑफ मेंबर आप कब क्लोज कर रहे हो वो बताओगे लॉग इन पासवर्ड कैसे जनरेट होगा वो बताओगे मान लो आपको लॉग इन पासवर्ड नहीं मिला है तो वो कौन बंदा है उसका डेजिग्नेशन क्या है उसका एड्रेस क्या है जो आपके ग्रीवेंस को सॉल्व करेगा कि भाई मेरे पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं आया है तो मैं कैसे जनरेट करूंगा उसका नाम पता एड्रेस ईमेल आईडी आप बताओगे फोन नंबर भी बताओगे जो रिस्पॉन्सिबल होगा बराबर ये ई e वोटिंग की फैसिलिटी जो है मीटिंग के एक दिन पहले एग्जैक्टली पांच बजे क्लोज हो जाएगी और एट द एंड ऑफ रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटी जो है वो ब्लॉक हो जाएगी देखो लिखा एट द एंड ऑफ रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटी क्या हो जाएगी ब्लॉक पांच बजे क्या हो जाएगी ब्लॉक बरोबर है क्या अब आ रहा है राजा पोस्टल बैलेट पोस्टल बैलेट को समझना ये क्या है पोस्टल बैलेट राजा ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दस बिजनेस ट्रांजेक्शन बताए हैं ये कहता है सेक्शन नंबर 110 कि इन 10 बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए आपको कोई मीटिंग करने की जरूरत नहीं है हर मेंबर के घर पे आप एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेजोगे उनको 30 दिन का वक्त दोगे वो अपने घर से बैठे बैठे असेंट या डिसेंट वोट करेगा और अपना अपना जो बैलेट पेपर है वो भेजेगा बरोबर है क्या तो दस ऐसे इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन है राजा जिसके लिए आपको मीटिंग नहीं करनी है आपको हर घर में क्या भेजना है ड्राफ्ट रिजोल्यूशन भेजना है और वो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में घर बैठे वो वोट करेगा अब सर क्यों ऐसा दस हम तो सर हर मीटिंग हर बिजनेस के लिए ऐसा करना चाहते तो कर सकते हैं क्या कर सकते हो दो बिजनेस को छोड़ के चार ऑर्डिनरी बिजनेस है उसको छोड़ दो और जहां पे ऑडिटर और डायरेक्टर को और मिलती है इसको छोड़ दो इन दो कैटेगरी के, के बिजनेस को छोड़ के आप कोई बिजनेस बैलेट से अपनी मर्जी से कर सकते हो बराबर है क्या ये अपनी मर्जी से है। लेकिन दस बिजनेस ऐसे राजा ये दस बिजनेस आप पोस्टल बैलेट के अलावा और किसी तरीके से नहीं कर सकते हो बराबर है क्या तो कौन से वो दस बिजनेस है तो भाई देख रजिस्टर्ड ऑफिस टू चेंज कर रहा है पोस्टल बैलेट्स होगा ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है पोस्टल बैलेट्स होगा ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है जब तूने पब्लिक से पैसे उठाए वो अनयूटिलाइज है और अब ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है पोस्टल बैलेट्स होगा आर्टिकल को अल्टर कर रहा है ताकि पब्लिक से प्राइवेट कंपनी हो जाए पोस्टल बैलेट लगेगा आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर इश्यू कर रहे हो पोस्टल बैलेट लगेगा आप शेयर होल्डर के राइट को वेराई कर रहे हो पोस्टल बैलेट बायबैक बैक कर रहे हो पोस्टल बैलेट स्मॉल शेयर होल्डर राइट का अपॉइंट कर रहे हो पोस्टल बैलेट लगेगा आप अपनी कोई बिजनेस को बेच रहे हो पोस्टल बैलेट लगेगा लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी लिमिट के बाहर कर रहे हो पोस्टल बैलेट लगेगा ये दस बिजनेस में पोस्टल बैलेट लगेगा ये वाले सेक्शन जो है 110 वाला ये ओपीसी को नहीं लगता और ऐसी कंपनी जिसके अप टू 200 मेंबर है उसको भी नहीं लगता अब 200 मेंबर है तो प्राइवेट कंपनी मत समझ लेना एक पब्लिक कंपनी भी हो सकती है जिसके सिर्फ 200 मेंबर है उसके पे भी, भी नहीं लगेगा अब यहां देखो लिखा है मे और यहां पे लिखा है शेल शेल मतलब आपको ये सारे बिजनेस जो है पोस्टल बैलेट से करने थे यहां पर क्या लिखा है मे मे का मतलब क्या है कि आप चाहो तो ये दो बिजनेस को छोड़ के सारे बिजनेस पोस्टल बैलेट से कर सकते हो ये हो गया राजा पोस्टल बैलेट अब ये सेक्शन नंबर 118 है 118 बात करता है राजा मिनट्स की मिनट्स में ये बोलता है कि चेयरमैन को अगर कोई ऐसा मुद्दा है जो लगता है कि डिफॉर्मेंट्री है या तो डेट्रीमेंटल है या तो इेलिवेंट है वो तीन मुद्दे को मिनट से हटा सकता है जैसे मीटिंग हुई एक मेंबर दूसरे मेंबर को मां बहन की गाली बद दिया अब ये इम है हटा दो कंपनी के फेवर में कोई डिफॉर्मेट्री है हटा दो तो तीन मैटर है कोई इनरेलीवेंट है डिफॉर्मेंट्री है डेट्रीमेंटल है चेयरमैन चाहे तो उनको मिनट से हटा सकता है ये चेयरमैन की एप्सिल्यूट क्या है डिस्क्रिएशन लास्ट क्वेश्चन है राजा अगर आपको प्राइवेट कंपनी को लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है सुनना कहता है ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है आपको कन्वर्ट करने का बताया गया है सबसे पहले ये याद रख लेना कि प्राइवेट कंपनी के कोई भी असट में कोई सिक्योरिटी क्रिएट नहीं है बराबर है क्या एलएलपी में जब आप कन्वर्ट कर रहे हो ये एल ये एलएलपी का क्वेश्चन है मैं बता रहा हूं चैप्टर सेवन हो गया बट ये इंपॉर्टेंट है मैं यही डाल दिया था इसलिए पढ़ा रहा हूं तो जो भी प्राइवेट कंपनी है प्राइवेट कंपनी के जितने शेयर होल्डर है वही के वही सारे क्या बनने चाहिए मेंबर बनने चाहिए क्योंकि आप क्या कन्वर्ट कर रहे हो प्राइवेट से क्या कर रहे हो एलएलपी तो प्राइवेट कंपनी के शेयर शेयर होल्डर है वही सारे के सारे एल के क्या बनने चाहिए पार्टनर बनने चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए तो दो कंडीशन प्राइवेट कंपनी में कोई सिक्योरिटी असेट अभी नहीं हो कोई भी सिक्योरिटी क्रिएट नहीं है दूसरा जो पार्टनर्स बनेंगे एल के वो और कोई नहीं होंगे सिर्फ और सिर्फ वो प्राइवेट कंपनी के सारे के सारे शेयर होल्डर होंगे ठीक है सर कंपनी को आर को अप्लाई करना है आपको स्टेटमेंट देना सारे शेयर होल्डर को फॉर्म नंबर एटीन में नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर बताना है कंपनी का डेट बताना कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट है क्या और एलएलपी जो है जैसे ही एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई तो पहले तो तुम प्राइवेट कंपनी थे जैसे ही इनकॉर्पोरेट हुई वहां से 15 दिन के अंदर आपको कन्वर्जन की जानकारी देनी है किसको जानकारी देनी है

फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करने वाले सेम प्रोविजन है बट शब्द अलग अलग हो जाएंगे बाकी पूरा का पूरा क्या है सेम है यानी यहां पे आके राजा आपका पूरा का पूरा का चैप्टर चैप्टर से लेके ऑफ द कॉर्पोरेट लॉ पार्ट वन खत्म हो जाता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यहां पे आके राजा सारी चीज अपनी क्या हो जाती है खत्म कल राजा अपन मिलेंगे डायरेक्टर के लिए हम मिलेंगे इंडस्ट्रियल लॉ के लिए और फिर अपन मिलेंगे के लिए। दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे मैं लास्ट में आ रहा था ना राजा तो मैं बहुत अपनी स्लो कर लिया स्पीड क्योंकि थोड़ा सा समझ में आ रहा था कि आपको लोड हो सकता है तो एक एक कंसेप्ट को आराम से पढ़ाए भगाया नहीं बिल्कुल भी जस्ट केस आपको अगर लगता है लास्ट क्लास्ट में मे भी आपको लोड हुआ होगा मे भी वैसे उम्मीद तो कम है क्योंकि स्लो गया मैं तो आप इसको बाद में वापस से एक बार लास्ट लास का देख लेना ठीक है चलिए शुक्रिया दोस्तों शुक्रिया 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 थैंक यू सो मच ठीक है अब आपकी इजाजत चाहता हूं और सेशन को कंक्लूड करना चाहता हूं बहुत जम के भूख भी लग रही है बहुत जम के बोल बोल के ना ऐसे पेट भी दुख रहा है बरोबर है क्या चलिए थैंक यू सो मच यारो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ठीक है तन मैं कह रहा है डायरेक्टर भी अभी करवा दे हाँ हाँ गला काट के रख देता हूं मैं यहां पे अभी गला काट के रख देता हूं ठीक है चलिए ठीक है शुक्रिया शुक्रिया दोस्तों थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू टेक केयर बाय बाय